गुड इवनिंग एवरीवन। होप यू आर डूइंग गुड। सो इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन इन सॉइल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। सो वील ट्राई टू फिनिश इट इन टू लेक्चर्स। तो दो सेशन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से होगा नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर एक सेशन और प्लान कर लेंगे, क्योंकि अगर वो दो सेशन में ख़त्म करवाऊंगा तो फिर भागना पड़ेगा, दैट आई डोंट वॉन्ट। तो वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, वील टॉक ईच एंड एवरी आस्पेक्ट इन डिटेल। वॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा है, वॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा है तो रिफ्रेश करो अपने सिस्टम को। अगर वॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा है, रिफ्रेश योर सिस्टम। यहाँ से फीड क्लियर है, फ्रॉम हियर द फीड इज प्रॉपर। रिफ्रेश कर लो अपने सिस्टम को इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम। सर स्टार्टिंग से पढ़ाओ सॉइल, स्टार्टिंग से पढ़ाओ सॉइल। अभी दो सब्जेक्ट तो चल रहे हैं आपके, टू सब्जेक्ट्स आर रनिंग इन पैरेलल, तीसरा भी स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? वेस्ट वाटर अभी खत्म होते ही जाएगा। ईवीएस कब होगा? ईवीएस कल या परसों प्लान प्लान कर दूंगा मैं क्लास। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई प्लान दी क्लास फॉर एनवायरमेंट। वो रेगुलर चलेगी क्लास, दैट क्लास विल बी रेगुलर। वो तो मैराथन सेशन था इसलिए दो क्लासेस ऑफ करनी पड़ गई थी। चलिए ठीक है, पीपीएससी लेवल और आईएएस लेवल, सारा लेवल हो जाएगा इसके अंदर। ध्यान से चुपचाप सुनते रहो, सारे लेवल हो जाएंगे। पीएससी लेवल से लेके ईएससी लेवल तक जो भी लेवल आपको कर रहे हैं सारे हो जाएंगे। बस बीच में डिस्टर्ब मत करना और कॉन्सेंट्रेट करके करते रहना। तो देखो पहले सवाल पूछने लग गया, सॉइल इज होमोजीनियस मटीरियल। भाई स्टार्ट तो करने देते, अभी स्टार्ट किया ही नहीं है। वो ये है कि सॉइल इज होमोजीनियस मटीरियल। हाँ चैट ऑफ कर रहा हूँ मैम, चैट को ऑफ कर रहा हूँ मैं। चलिए कुछ कार्टून। हाँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन? 300 हैं अभी ऑनलाइन। हाँ क्या डाउट है आपका? रणवीर सिंह व्हाट इज द डाउट? बातों में उलझाने दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ रिकॉर्डेड भी होगा, ये सेशन रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जितनी बार सुनना है सुनना। द सेशन विल बी रिकॉर्डेड, प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहता है। सारी क्लासेस जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती हैं वो रिकॉर्डेड हो जाती हैं, वो वहीं पड़ी रहेंगी, जितनी बार पढ़ना है पढ़ लेना। क्लियर है? हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बहुत बातें हो गई, 5 मिनट हो गए, जितने लोगों को आना था आ गए। सो वील स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो विल बी टॉकिंग अबाउट, तो चैट को मैंने कर दिया ऑफ। जितनी चीज़ें दिमाग में पहले भरी हुई हैं उनको साइड में रखना, जो बता रहा हूँ उसको सुनना, एब्जॉर्ब करना, उसके बाद अगर कोई डाउट है तो पूछना। बीच बीच में मैं डाउट के लिए चैट को इनेबल कर दूंगा। सारी चीज़ें सुनने के बाद जो मैं बता रहा हूँ, जो पुरानी वाली चीज़ें उनको वहीं छोड़ देना, जो भी पढ़ा हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उसको सुनने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो वो पूछ लेना। बीच में 5-10 मिनट की मैं विंडो ओपन कर दूंगा, तो जब एक मेजर चंक कवर हो जाएगा हमारे टॉपिक का, आई विल कम्युनिकेट विद यू ऑल्सो। पर तब तक के लिए पेशेंस रखो, जितनी भी चीज़ें डिस्कस हो रही है उनको ध्यान से सुनते रहो। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। विल बी टॉकिंग अबाउट कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के, पूरे नोट्स इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको खुद दे दूंगा। तो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन समझने में लगाओ, बनाने नोट्स बना लो, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं बन पा रहे, आई विल शेयर दी नोट्स ऑफ दिस टॉपिक। तो जो भी नोट्स है वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ग्रुप बना हुआ है आपका, वहां पे मैं हैंड रिटन नोट्स शेयर कर दूंगा, वहां से रेफर कर लेना। तो आपकी सारी एनर्जी लगनी चाहिए, योर एंटायर एनर्जी शुड बी इन्वेस्टेड टू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पूरी कहानी को। सो वी हैव टू डील विद कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। द बेसिक पॉइंट इज, वेन एवर अ मटीरियल इज स्ट्रेस्ड, जब भी कोई मटीरियल स्ट्रेस होता है इट अंडरगोज दी स्ट्रेन। तो एक बेसिक प्रिंसिपल है,
जब भी आप किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करोगे, जैसे हमारे केस में लोड होगा, सो वेन एवर अ मटीरियल विल बी स्ट्रेस्ड इट विल अंडरगो स्ट्रेन, सो इज द केस विद सॉइल। तो सॉइल भी कोई नई चीज नहीं है, वो भी एक मटीरियल ही है। तो जब आप सॉइल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करोगे, वेन एवर द स्ट्रेस विल बी अप्लाइड ओवर द सॉइल, इसमें भी स्ट्रेन डेवलप होगा। और हमारे केस में जो स्ट्रेन है यहाँ पे, इन अवर केस दिस स्ट्रेन विल बी ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल डिफॉर्मेशन। सो व्हेन द सॉइल इज लोडेड बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जब भी आप सॉइल को लोड करो किसी भी रीजन की वजह से, एक्स वाई जेड, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। सॉइल लोड करिए, आपने उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया स्ट्रक्चर का, तो सॉइल इज लोडेड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल रीजन। वन ऑफ द आर्टिफिशियल रीजन, वी हैव डन द कंस्ट्रक्शन ओवर इट। हमने कंस्ट्रक्शन किया, आपने बिल्डिंग बना दी, आपने एम्बैंकमेंट बना दी उसके ऊपर, एम्बैंकमेंट बना दी रोड के लिए, एम्बैंकमेंट बना दी एयर फील्ड के लिए, एम्बैंकमेंट बना दी आपने रेलवे ट्रैक के लिए, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, देयर मे बी एनी रीजन। तो आर्टिफिशियल रीजन होते हैं जिसकी वजह से सॉइल लोड हो जाती है, नेचुरल रीजन भी होते हैं। नेचुरल रीजन क्या होते हैं? नेचुरल रीजन कई जगहों पे बारिश इतनी ज्यादा होती है, कई जगहों पे बारिश इतनी ज्यादा होती है कि परमानेंटली जो ग्राउंड वाटर टेबल लेवल होता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ग्राउंड वाटर टेबल लेवल कम्स अबव द ग्राउंड लेवल, इसका मतलब क्या हो गया? सॉइल लोड हो गई। किसकी वजह से? पानी की वजह से। लेट सपोज एवलेंच हुआ या ग्लेशियर मेल्ट हो गया, उसकी वजह से लोडिंग आ गई सॉइल के ऊपर। ये नेचुरल तरीके हैं सॉइल के लोड होने के। सो वेन एवर दी सॉइल इज लोडेड बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मैंने कुछ नेचुरल कुछ आर्टिफिशियल रीजन बताए आपको, इट्स वॉल्यूम विल चेंज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ दी सॉइल पार्टिकल्स। सो वेन एवर दी सॉइल विल बी लोडेड बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इट्स वॉल्यूम विल चेंज बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स इन इट। दिस चेंज इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व्ड इन द टर्म्स ऑफ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये जो वॉल्यूम चेंज होता है सॉइल का, ये हमें दिखता है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉइल। और इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं सेटलमेंट। इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉइल इज टेक्निकली टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉइल। अब इस वॉल्यूम चेंज को मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्यों बोल रहा हूँ? रीजन बींग, सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी सेमी इन्फाइनाइट। हम सॉइल को मान लेते हैं कि वो सेमी इन्फाइनाइट है। सेमी इन्फाइनाइट है मतलब उसका जो एरिया है वो इन्फाइनाइट है, उसकी डेप्थ जो है फाइनाइट है। इसका मतलब जो भी वॉल्यूम चेंज आएगा वो आपको एरिया में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी है। इसका मतलब सारा वॉल्यूम चेंज आपको दिखेगा उसकी डेप्थ के अंदर। सो द वॉल्यूम चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द सॉइल विल बी ऑब्जर्व्ड एज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉइल। सो दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉइल ब्रॉट अबाउट, ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है सॉइल का, विच इज ब्रॉट अबाउट ड्यू टू दिस वॉल्यूम चेंज, इज टर्म्ड एज सेटलमेंट ऑफ द सॉइल। इसको हम सेटलमेंट बोलते हैं सॉइल का। तो क्यों ये सेटलमेंट हुई, उसके पीछे आपको एक टेक्निकल रीजन बताया है कि मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस लगाओगे उसमें स्ट्रेन आएगा। हमारे केस में स्ट्रेस क्या है? सॉइल के ऊपर लोडिंग। लोडिंग कैसे हो सकती है? नेचुरली भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, दोनों के रीजन बताया आपको। इस लोडिंग की वजह से उसमें जो स्ट्रेन डेवलप हुआ, हमारे केस में क्या है? वर्टिकल डिफॉर्मेशन है। और उस वर्टिकल डिफॉर्मेशन को क्या बोल रहे हैं? सेटलमेंट बोल रहे हैं। इसका मतलब ये जो टोटल सेटलमेंट होती है सॉइल के अंदर, दिस टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन थ्री पैरामीटर्स। ये जो टोटल सेटलमेंट है सॉइल की, जो बेसिक बेसिक पॉइंट है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो जो कहानी बता रहा हूँ उसको सुनना, वो नोट्स में दे दूंगा आपको, पर जो बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ जो सिग्निफिकेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको मैं मेंशन भी कर दूंगा यहाँ पे, दैट आई विल मेंशन हियर आल्सो। सो वी कैन से द टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, वी कैन से द टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, द टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन थ्री पैरामीटर्स। द टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन, ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई सॉइल की, ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई सॉइल की जिसको हम सेटलमेंट बोल रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन थ्री मेजर पैरामीटर्स। दिमाग में बिठा देनी है बात आपको। इट डिपेंड्स अपॉन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो पहला पैरामीटर ये डिपेंड कर जाएगा सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर। सो इट डिपेंड्स अपॉन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। सो फर्स्ट फैक्टर जो कंसोलिडेशन को गवर्न करेगा, सेकेंड फैक्टर जो कंसोलिडेशन को गवर्न करेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड स्ट्रेसेस। The magnitude of applied stresses, कितना stress apply हुआ। तो जो total settlement हुई जिसको आपने vertical deformation के form में observe किया, ये depend कर जाएगा magnitude of the applied stresses. It will depend upon the volume of the soil. तो last factor है, ये depend करेगा soil के volume पे ऊपर। So volume of soil. अब क्योंकि मैंने soil को semi infinite माना है, मैं इसको height भी बोल सकता हूँ soil की। I can say height of the soil. तो bold करके बता दिया है, ये ध्यान रखना, सवाल मिलेगा इसके ऊपर आपको definitely. तो दी टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल विल डिपेंड अपॉन थ्री पैरामीटर्स। एक, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेसेस, तीसरा वॉल्यूम ऑफ द सॉइल और हाइट ऑफ द सॉइल। अब ये तीनों चीजें मिलकर क्या बता रही है हमें? ये तीनों चीजें मिलकर हमें क्या बता रही है? और आगे इन्हीं तीनों चीजों को हम मैथमेटिकली भी लिखेंगे। द
these three parameters to calculate the total settlement or on which total settlement depends. I'll write mathematically also. इसको मैं mathematically लिख दूंगा आगे. तो इसमें जो compressibility है, इसमें जो compressibility है, ये soil की property है. So you can say total settlement will depend upon the property of the soil. इसमें जो magnitude है applied stresses का, ये loading condition है. So it represents the loading condition. So you can say total settlement will depend upon the loading condition. तो कितनी compressible है soil? कैसी लोडिंग कंडीशन है उसके ऊपर, और जो लास्ट पैरामीटर सॉइल की सेटलमेंट को कंट्रोल करता है वो है बाउंड्री कंडीशन, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज बाउंड्री कंडीशन. तो जो वॉल्यूम है सॉइल का या थिकनेस है सॉइल की, उसको हम टेक्निकली बोल देते हैं बाउंड्री कंडीशन, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज बाउंड्री कंडीशन. तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो सेटलमेंट डिपेंड करेगा सॉइल के वॉल्यूम के ऊपर, उसके ऊपर कितना लोड अप्लाई हुआ है, चाहे नेचुरली चाहे आर्टिफिशियली, आइदर इट मे बी नेचुरल आइदर इट मे बी आर्टिफिशियल, एंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल. एक नेचुरल तरीका और ध्यान आ गया मेरे को, एक नेचुरल तरीका और ध्यान आ गया अभी, क्योंकि हम बात कर रहे थे बाउंड्री कंडीशन के ऊपर, जिसकी वजह से सॉइल के ऊपर लोड लग सकता है, वाटर टेबल. देयर इज वन मोर नेचुरल मेथड बाय विच स्ट्रेसेस कैन बी अप्लाइड ओवर द सॉइल नेचुरली, वाटर टेबल लेवल. वाटर टेबल लेवल चेंज हो जाए, सॉइल के ऊपर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएंगे. हाँ, स्ट्रेस बढ़ भी सकता है, स्ट्रेस कम भी हो सकता है. अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस के बढ़ने की. अगर मैं भी बात कर रहा हूँ स्ट्रेस के बढ़ने की, इसका मतलब वाटर टेबल लेवल क्या कर दिया, इसका मतलब वाटर टेबल लेवल क्या कर जाए, फॉल कर जाए. अगर वाटर टेबल लेवल फॉल कर जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेसेस सॉइल के अंदर बढ़ जाएंगे. इफ वाटर टेबल लेवल विल फॉल, द इफेक्टिव स्ट्रेसेस इन द सॉइल विल इंक्रीज. जैसे ही सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हुए, क्या हो जाएगी उसके अंदर, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगी. स्ट्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल डिफॉर्मेशन बोल रहे हैं या सेटलमेंट बोल रहे हैं. तो कहने का मतलब है लोडिंग ओवर द सॉइल मे बी नेचुरल, लोडिंग ओवर द सॉइल मे बी आर्टिफिशियल. अब कहानी किसके ऊपर आके रुकी, अब कहानी इसके ऊपर आकर होगी कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर. मैंने पहली प्रॉपर्टी उठाई सॉइल की जो सेटलमेंट को कंट्रोल करती है, वो है कंप्रेसिबिलिटी. अभी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेसेस और लोड ओवर इट. तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. तो सॉइल के वॉल्यूम में जो चेंज होगा जब आपने इसके ऊपर लोड अप्लाई किया या स्ट्रेस अप्लाई किया, इसको हम बोल देते हैं कंप्रेसिबिलिटी. तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं आगे, आई एम डिफाइनिंग दिस पॉइंट सेपरेटली. तो इसमें से पहला पॉइंट उठाया कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल. तो यहां पे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल, सो वी कैन से हियर कंप्रेसिबिलिटी, सो हियर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, हियर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, इज डिफाइंड एज gradual decrease in volume of soil. So gradual decrease in volume of soil. So gradual decrease in volume of soil on loading. So gradual decrease in volume of soil on loading or by application of the stress. Or by application of the stress. कुछ भी समझ लो एक ही बात है. जब आपने stress apply किया soil के ऊपर, उसकी वजह से उसमें जो volume change आया, इसको हम बोलेंगे by the application of loading or application of stress on soil. तो जो भी आपने लोड अप्लाई किया या स्ट्रेस अप्लाई किया, उसकी वजह से सॉइल के वॉल्यूम में जो चेंज आया, उसको हम बोलते हैं सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी. तो जो सेटलमेंट है वो इस कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है. अब सवाल ये है, ये जो वॉल्यूम चेंज है सॉइल के अंदर, जिसको मैं डिक्रीज बोल रहा हूँ, ये जो वॉल्यूम चेंज है सॉइल के अंदर, जो हमारे केस में डिक्रीजिंग है, किन किन रीजन की वजह से होता है. तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल कम्स बिकॉज ऑफ सिक्स फैक्टर्स. फिर से छह रीजन है जिसकी वजह से सॉइल का वॉल्यूम चेंज होगा जब आप इसके ऊपर लोड को अप्लाई करोगे. देयर आर सिक्स फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ द लोड विल बी कैरिड आउट ऑन इट. अब कौन कौन से छह फैक्टर है, पहला कंप्रेशन ऑफ द एयर, दूसरा एक्सपल्शन ऑफ द एयर, एयर कंप्रेस कर जाए एयर एक्सपेल कर जाए, थर्ड पानी कंप्रेस कर जाए पानी एक्सपेल कर जाए, चार फैक्टर हो गए. नेक्स्ट फिफ्थ फैक्टर, सॉलिड कंप्रेस हो जाए और सॉलिड की प्लास्टिक रीअरेंजमेंट हो जाए. So there are six factors because of which the settlement or volume decrease in the soil may be observed after the application of the load. So जब आप लोड लगाओगे सॉइल के ऊपर, इसका वॉल्यूम कम होगा, यानी उसमें स्ट्रेन डेवलप होगी या वर्टिकल डिफॉर्मेशन आएगी, छह रीजन की वजह से. पहला, एयर कंप्रेस हो जाए या एयर बाहर निकल जाए. दूसरा, पानी कंप्रेस हो जाए या पानी सॉइल में से बाहर निकल जाए. पानी ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था सॉइल के अंदर, इट वॉज ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम ऑफ वॉइड. तो अगर पानी बाहर चला गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो जाएगा, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल कम हो जाएगा. तो तीसरा पॉइंट ये था हमारा कि पानी कंप्रेस हो जाए. चौथा पॉइंट कि पानी बाहर चला जाए. पांचवा पॉइंट, सॉलिड कंप्रेस हो जाए या सॉलिड की प्लास्टिक रीअरेंजमेंट हो जाए.
बिकॉज ऑफ प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड ऑल्सो इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। इस चीज को मैं डिटेल में लास्ट में बता दूंगा अगर किसी को इशू होगा तो। तो छह रीजन है जिसकी वजह से सॉइल के अंदर वॉल्यूम चेंज होता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। नाउ सिंस वी टेक एन अजम्पशन, हम एक अजम्पशन लेते हैं इसके अंदर, क्या अजम्पशन लेते हैं, वी मेक एन अजम्पशन दैट वाटर एंड सॉइल सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। आपको बहुत बार बता रहेगा पीछे, अजम्पशन लेने के पीछे रीजन होता है हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाना। तो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि पानी इनकम्प्रेसिबल है, सॉइल का सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, एक्चुअल में नहीं होते ये। वाटर भी कंप्रेसिबल है और सॉलिड भी कंप्रेसिबल है, पर इन दोनों की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। कहने का मतलब है इनका वॉल्यूम चेंज बहुत कम निकल के आता है, इसीलिए आपकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो फॉर सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन यू मे नेग्लेक्ट द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ वाटर एंड कंप्रेशन ऑफ सॉलिड। इसका मतलब टोटल सेटलमेंट कितनी बातों पर डिपेंडेंट हो गई, टोटल सेटलमेंट डिपेंडेंट हो गई चार बातों के ऊपर। एक, कंप्रेशन ऑफ एयर, एक्सपल्शन ऑफ एयर। दूसरा, एक्सपल्शन ऑफ वाटर, तो कंप्रेशन ऑफ वाटर तो हटा दिया हमने। नेक्स्ट, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड, यानी हमने पांचवा पॉइंट भी हटा दिया था, सॉलिड की कंप्रेशन। इसके अलावा टोटल चार रीजन निकल के आए हैं जिसकी वजह से सॉइल के अंदर सेटलमेंट होती है, और इन चार रीजन को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। These four reasons because of which settlement in the soil is observed is classified into three different categories. और वो categories मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए। तो we can say next point बोल रहा है total settlement of the soil. तो next point बोल रहा है total settlement of the soil takes place. तो total settlement of the soil takes place due to पहला reason compression of air. तो पहला reason compression of air. दूसरा रीजन एक्सपल्शन ऑफ एयर। मैं इस तरीके से इसे लिख रहा हूं ताकि टाइम कम लगे लिखने के अंदर। मैं कोशिश करूंगा आपसे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं, बहुत ही कम टाइम वेस्ट हो लिखने के अंदर। आई ट्राई टू डिलीवर मैक्सिमम कंटेंट, क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं है आपकी, इसलिए कंटेंट मैक्सिमम देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो पहला फैक्टर कंप्रेशन ऑफ एयर, दूसरा फैक्टर एक्सपल्शन ऑफ एयर, तीसरा फैक्टर कंप्रेशन ऑफ वाटर जिसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो कंप्रेशन ऑफ वाटर, चौथा फैक्टर एक्सपल्शन ऑफ वाटर, पानी एक्सपेल आउट कर गया जो सबसे मेन रीजन है कंसोलिडेशन का। नेक्स्ट चौथा फैक्टर कंप्रेशन ऑफ सॉलिड्स, तो सॉइल के सॉलिड कंप्रेस हो जाए। छठा रीजन प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड। तो ये छह रीजन है जिसकी वजह से सॉइल के अंदर वॉल्यूम चेंज आता है। सो प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड। So, plastic rearrangement of soil solid. So, plastic rearrangement of soil solid. ये plastic rearrangement को हम creep भी बोलते हैं। It is technically termed as creep, उसको मैं भी आगे लिख दूंगा। तो क्योंकि हमने since water and solids are assumed to be incompressible, since water and solids are assumed to be incompressible, हम पानी और सॉलिड को incompressible assume कर लेते हैं। एक्चुअल में इनकी compressibility है, और इनकी compressibility की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। पानी की compressibility आपके FM में आती है, डायरेक्ट सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। सॉलिड की compressibility आपके SOM में आती है। तो दोनों compressible होते हैं, बट compressibility बहुत कम होती है इनकी। तो सिंस वाटर एंड सॉलिड्स आर अज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल, हेंस यू कैन से टोटल वॉल्यूम चेंज विल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ फोर फैक्टर्स। टोटल सेटलमेंट इज ड्यू टू चार फैक्टर, और उन चार फैक्टर को मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता देता हूं आपको। इसका मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी है हमारी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब वॉल्यूम चेंज, ये हमें चार चीजों की वजह से मिलेगा। तो दिस कंप्रेसिबिलिटी विल बी ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ फोर डिफरेंट पैरामीटर्स। तो चार अलग अलग पैरामीटर हैं जो हमें कंप्रेसिबिलिटी शो करेंगे सॉइल के अंदर। देर आर फोर पैरामीटर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम चेंजेस इन द सॉइल। अब क्या है वो चार पैरामीटर, उसको अलग अलग करके मेंशन कर देता हूं मैं। दीज आर फोर डिफरेंट पैरामीटर्स विच कैन बी अंडरस्टूड। पहला है इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन। सो इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन, मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं इसे, ये पहले और दूसरे पॉइंट की वजह से होता है। मैं चैट को अनेबल कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताओगे पहला पॉइंट क्या है। तो कंप्रेसिबिलिटी के पीछे पहला रीजन
पहला रीजन है इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पेक्शन। सो इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पेक्शन पहले दो रीजन की वजह से होते हैं। पहले दो रीजन क्या बताए हैं सॉइल के वॉल्यूम चेंज के। व्हाट आर द टू बेसिक रीजन डिस्कस फॉर द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल? कंप्रेशन ऑफ एयर एंड एक्सपल्शन ऑफ एयर। कंप्रेशन ऑफ एयर, इको आ रही है तो रिफ्रेश करो। कंप्रेशन ऑफ एयर एंड एक्सपल्शन ऑफ एयर, इसको कॉम्पेक्शन भी बोला जाता है। इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज कॉम्पेक्शन ऑल्सो। दूसरा रीजन है प्राइमरी कंसोलिडेशन। द सेकेंड रीजन इज प्राइमरी कंसोलिडेशन। द सेकेंड ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच वॉल्यूम चेंज इज ऑब्जर्व इज टर्म्ड एज प्राइमरी कंसोलिडेशन, जिसके ऊपर हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड है आज। ये होता है चौथे रीजन की वजह से, क्योंकि तीसरा हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्या था चौथा रीजन? एक्सपल्शन ऑफ वाटर। सो प्राइमरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एक्सपल्शन ऑफ द वाटर। और तीसरा रीजन है सॉइल में वॉल्यूम चेंज का इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज बिकॉज ऑफ सिक्स रीजन। छठा रीजन क्या था? छठा रीजन था प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड। इसका मतलब हमने तीसरे और पांचवे को तो नेग्लेक्ट कर दिया, बाकी ये चार रीजन लिखे हुए हैं सॉइल में टोटल सेटलमेंट के। इस सेकेंडरी कंसोलिडेशन को क्रीप भी बोला जाता है। द सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्रीप। सो सेकेंडरी कंसोलिडेशन में ऑल्सो भी टर्म्ड एज क्रीप, इसको क्रीप भी बोला जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेस पे होती है। इसको डिटेल में देखेंगे आगे, आई टॉक अबाउट दिस डिटेल, अभी जगह नहीं बची मेरे पास लिखने की। अब मैंने ये बोला कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज बिकॉज ऑफ प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ कि ये प्लास्टिक रीअरेंजमेंट क्या होती है। प्लास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट इज एबल टू डिफॉर्म विदाउट रप्चर और विदाउट इलास्टिक रीबाउंड और विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसकी वजह से ये फेल हो जाती है विदाउट एनी रप्चर। कोई रप्चर नहीं होता उसमें, कोई इलास्टिक रिबाउंड नहीं होता सॉइल के अंदर, और ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होता है। नो वॉल्यूम चेंज टेक्स प्लेस। सॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं प्लास्टिसिटी। और सॉइल की ये प्लास्टिसिटी होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर अराउंड द सॉइल सॉलिड्स। तो जो पानी प्रेजेंट होता है सॉइल सॉलिड के चारों तरफ, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल की प्लास्टिसिटी के लिए। सो द एब्जॉर्ब्ड वाटर विच इज प्रेजेंट अराउंड द सॉइल सॉलिड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्लास्टिसिटी। क्योंकि ये जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं सॉइल के चारों तरफ, ये काम करते हैं फ्लेक्सिबल बॉल बेयरिंग की तरह। इसको समझाने के लिए एग्जांपल दे देता हूँ। लेट अस सपोज ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स। सो टू गिव एन आइडिया अबाउट प्लास्टिसिटी, क्योंकि इसको मैं आगे यूज करूंगा, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं इसके चारों तरफ, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट अराउंड द सॉइल सॉलिड। तो ऑरेंज वाले सॉइल सॉलिड है, ब्लू वाले पानी के मॉलिक्यूल है, और ये पानी के मॉलिक्यूल पार्टिकल के चारों तरफ प्रेजेंट है। और मैं जिस पानी की बात कर रहा हूँ एडसॉर्ब्ड वाटर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर व्हिच इज एडसॉर्ब्ड वाटर। तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल है काम करते हैं बॉल बेयरिंग की तरह, दे एक्ट एज अ बॉल बेयरिंग। कहने का मतलब है जैसे ही आप लोड लगाओगे सॉइल के ऊपर, ये जो पानी के मॉलिक्यूल है एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाएंगे, दे विल स्लिप ओवर ईच अदर बिकॉज दे एक्ट एज अ बॉल बेयरिंग। ये स्लिप हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरी पोजिशन गेन कर लेंगे। अब सॉइल तो चेंज हो गई, यानी सॉइल तो डिफॉर्म हो गई, पर मुझे ये बताओ जब पानी के मॉलिक्यूल ने दूसरी पोजीशन को गेन किया सॉइल के वॉल्यूम में चेंज क्या आया? जब इन पानी के मॉलिक्यूल ने लोड लगने के बाद एक दूसरी पोजीशन को गेन कर लिया, तो ऐसा करने से सॉइल के वॉल्यूम में क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। तो जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पानी में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, ये पानी जब दूसरी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते, इसका मतलब कोई इलास्टिक रिबाउंड नहीं होगा। देयर विल बी नो इलास्टिक रिबाउंड दैट विल टेक प्लेस। मोर ओवर, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन हो रही है पानी के मूव होने की वजह से, कोई रप्चर भी नहीं होता, नो रप्चर ऑफ द सॉइल विल बी ऑब्जर्व्ड। सॉइल की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज प्लास्टिसिटी। और कंसोलिडेशन इसी वजह से होती है, कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल ओनली। तो जो हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है उसमें आपको मिलेगी सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। बाकी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इसे। तो अभी तक की कहानी में क्या डिस्कस किया? जब आप लोड अप्लाई करोगे सॉइल के ऊपर, उसमें वर्टिकल डिफॉर्मेशन होगी जिसको हम सेटलमेंट बोलेंगे। वो डिपेंड कर जाएगी छह चीजों के ऊपर, छह में से दो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, चार को कंसिडर करेंगे। अब हम इन चारों को अलग अलग समझते हैं डिटेल में। फर्स्ट इज इनिशियल कंप्रेशन और कंपेक्शन। रप्चर का मतलब होता है फेलियर। फर्स्ट इज कोई क्रैक डेवलप नहीं होगा इसके अंदर,
रिपीट प्लास्टिक रीअरेंजमेंट। अब ये तो बता था प्लास्टिक रीअरेंजमेंट क्या होता है। सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो पानी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर गए। स्लिप करने के बाद इन्होंने दूसरी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर दिया, जिसकी वजह से सॉइल तो फेल कर गई है, सॉइल हैज फेल्ड, पर सॉइल के वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, सॉइल के अंदर कोई इलास्टिक रिबाउंड नहीं हुआ। आपको सॉइल में कोई रप्चर नहीं दिखेगा। रप्चर को अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं, कोई क्रैक नहीं दिखेगी आपको इसके ऊपर। यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व एनी क्रैक ओवर इट। क्रैक तब डेवलप होता है जब सॉइल का वॉल्यूम चेंज होता, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल वुड हैव बीन चेंज्ड। अभी मेरे डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं है। प्रेजेंटली माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉट दिस। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। वाटर टेबल फॉल करने से अफेक्टिव स्ट्रेस कैसे बढ़ जाते हैं? अब ये चीजें भी पूछने लग जाओगे तो कंसोलिडेशन छूट जाएगा यहाँ पे। अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। जब पोर वाटर प्रेशर घटेगी, पोर वाटर प्रेशर मतलब जो आप वाटर टेबल लेवल की वजह से निकाल रहे हो, अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी। द अफेक्टिव स्ट्रेस विल इंक्रीज। तो ये मेरी डिस्कशन का पॉइंट नहीं था अभी, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये जानकारी थी। दिस इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल विद यू। तो जब वाटर टेबल लेवल फॉल करती है, व्हेन द वाटर टेबल लेवल विल फॉल, द अफेक्टिव स्ट्रेसेस विल इंक्रीज। अब इन तीनों चीजों को अलग अलग समझते हैं। फर्स्ट इज इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पेक्शन। दिस इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पेक्शन टेक्स प्लेस इंस्टेंटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड ओवर द सॉइल। तो जो इनिशियल कंप्रेशन या कॉम्पेक्शन होती है, ये इंस्टेंटली होती है जैसे ही आप लोड को अप्लाई करोगे सॉइल के ऊपर। सो एज सून एज ही लोड इज अप्लाइड ओवर द सॉइल सैंपल, द एक्सपल्शन ऑफ द एयर एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर टेक्स प्लेस। तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, जिसको आप कॉम्पेक्शन भी बोलते हो, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज कॉम्पेक्शन। तो इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विच अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ द एयर और कंप्रेशन ऑफ द एयर। दूसरा है प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंड इज प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन विल स्टार्ट ओनली इफ द इंटायर एयर इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सैंपल। ध्यान से सुनना इस बात को, टेक्निकल चीज है। प्राइमरी कंसोलिडेशन तभी स्टार्ट होगा जब पूरी एयर एक्सपेल आउट कर गई है सॉइल के सैंपल में से। इसका मतलब सॉइल के वॉइड में सिर्फ पानी है। इट मींस प्राइमरी कंसोलिडेशन विल स्टार्ट व्हेन द सॉइल विल बिकम कंप्लीटली सैचुरेटेड। प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट कब होगा? जब सॉइल पूरी सैचुरेट हो जाए। दूसरा पॉइंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ वाटर। तो जो पानी बाहर निकल रहा है अब सॉइल में से, उसकी वजह से जो वॉल्यूम चेंज आ रहा है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंसोलिडेशन। दैट विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन विल स्टॉप व्हेन द एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर विल स्टॉप। जब ये वॉइड वाला पानी बाहर जाना बंद कर जाए, उस समय प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो जाती है। इसका मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई थी जब सॉइल सेचुरेट थी। प्राइमरी कंसोलिडेशन हो रही थी क्योंकि पानी के बाहर जाने की वजह से। प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म तब हुई जब पानी बाहर जाना बंद कर गया, पर पानी अभी भी है सॉइल के अंदर और सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं। इसका मतलब जब प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म होगी तब भी सॉइल पूरी सेचुरेट रहेगी। इट मींस थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन द सॉइल विल बी कंप्लीटली सेचुरेटेड। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ द वॉटर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल। अब पानी किस रेट से एक्सपेल आउट करेगा सॉइल में से, ये डिपेंडेंट है सॉइल की प्रॉपर्टी के ऊपर, विच इज टर्म्ड एज परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो सॉइल में से पानी किस रेट से बाहर जाएगा, ये डिपेंड करेगा सॉइल की परमिबिलिटी के ऊपर। पर इन जनरल प्राइमरी कंसोलिडेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इन जनरल प्राइमरी कंसोलिडेशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। कितना टाइम लगेगा विल डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, दैट इज टर्म्ड एज परमिबिलिटी। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, पूरा लेक्चर इसी के ऊपर है, पर शुरू में एक मैं ब्रीफ दे रहा हूं तीनों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन, फिर से ध्यान से सुनना इस बात को, सेकेंडरी कंसोलिडेशन तब स्टार्ट होगा जब प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो जाती है। ये बात बस बोलने वाली है, तो हम अगेन रिपीटिंग, प्राइमरी कंसोलिडेशन के खत्म होने के बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, पर यह बात सिर्फ बोलने वाली है। हम कभी पता नहीं कर पाते कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ। हाँ, अजम्पशंस ले लेते हैं हम, विल टेक सेवरल अजम्पशंस, हम भी लेंगे अजम्पशन, आपकी थ्योरी भी निकाल देंगे पूरी, आपके सवाल भी बन जाएंगे, पर एक प्रैक्टिकल जानकारी दी है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन कब स्टार्ट होती है इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लगाया जा सकता, पर हाँ हम समझने के लिए बोल देते हैं व्हेन प्राइमरी कंसोलिडेशन इज फिनिश्ड सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट्स। दिस सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। कहने का मतलब है यहां पे स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आ रहा सॉइल के अंदर। कौन से स्ट्रेस के अंदर चेंज नहीं आ रहा? अफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर। देयर इज नो चेंज इन द अफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द सॉइल। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। तो कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेस कॉन्स्टेंट है सॉइल के अंदर,
वॉल्यूम सॉइल का डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम सॉइल का डिक्रीज कर रहा है, अगर स्ट्रेस कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और पोर वाटर बाहर नहीं आ रहा, एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर इज नॉट टेकिंग प्लेस, इट मींस नाउ द कंसोलिडेशन इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन को आइडेंटिफाई करने के ये पॉइंट्स मिलेंगे आपको एग्जाम में, ये लिख के देगा सारे स्टेटमेंट्स। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन तब स्टार्ट होती है जब प्राइमरी खत्म हो जाती है, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आता। ड्यूरिंग सेकेंडरी कंसोलिडेशन देर इज नो एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, देर इज नो एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, पोर वाटर का कोई एक्सपल्शन नहीं होगा, क्लियर है चीज। सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, अब इसका रीजन पीछे बता दिया मैंने आपको। तो दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स और इन सम केसेस, और इन सम केसेस बिकॉज ऑफ द ड्रेनिंग आउट ऑफ द हाईली विस्कस वाटर, जिसको एडसॉर्ब्ड वाटर बोला जाता है। अब इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए मैं चैट को एनेबल कर रहा हूं और आपसे एक छोटी सी जानकारी पूछ रहा हूं, बहुत ही टेक्निकल चीज है। मैंने बोला था प्राइमरी कंसोलिडेशन कौन से पानी के बाहर जाने की वजह से होती है, एक बहुत ही टेक्निकल चीज है जिसके ऊपर सवाल आते हैं, इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे। प्राइमरी कंसोलिडेशन कौन से पानी के बाहर जाने की वजह से होती है, प्राइमरी कंसोलिडेशन कौन से पानी के बाहर जाने की वजह से होती है, पोर वाटर के। व्हाट डू यू मीन बाय पोर वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय पोर वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय पोर वाटर, पोर वाटर का मतलब क्या होता है। हाँ, पोर वाटर के टाइप बताओ कौन कौन से है। जो पानी पोर में है वो पोर वाटर होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल ग्रेविटी वाटर इज पोर वाटर, बिल्कुल सही बात है सिविल इंजीनियर। और बताओ दूसरा एग्जाम्पल पोर वाटर का, कैपलरी वाटर इज पोर वाटर, बिल्कुल सही बात है गंगेश। इन दो लोगों ने सही जवाब दिए हैं, तो एक कैपलरी वाटर, दूसरा ग्रेविटी वाटर इज पोर वाटर, एडसॉर्ब्ड वाटर पोर वाटर नहीं होता है, जो भी बोल रहे हैं एडसॉर्ब्ड वाटर इज नॉट पोर वाटर। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन मैंने क्या बताई किसकी वजह से होती है, पोर वाटर के बाहर जाने की वजह से होती है। प्राइमरी कंसोलिडेशन पोर वाटर के बाहर जाने की वजह से होती है, और पोर वाटर होते हैं एक ग्रेविटी वाटर, दूसरा कैपिलरी वाटर, ये दो होते हैं पोर वाटर। एडसॉर्ब्ड वाटर इज नॉट द पार्ट ऑफ द पोर वाटर। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस इन सम केसेस बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ एडसॉर्ब्ड वाटर, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन या क्रीप के होने के दो रीजन है, पहला रीजन प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, दूसरा रीजन बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ हाईली विस्कस वाटर विच इज एडसॉर्ब्ड वाटर। आप इसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोल सकते हो, यू मे ऑल्सो टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्लियर चीज, रिपीट करना है कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें कोर्स ग्रेन सॉइल की, इफ यू टॉक अबाउट कोर्स ग्रेन सॉइल, जैसे ग्रेवल, जैसे सैंड, जैसे स्टिफ क्ले, जैसे प्री कंसोलिडेटेड क्ले, इन सब में सेकेंडरी कंसोलिडेशन नेग्लिजिबल होता है। तो इन केस ऑफ, ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा नोट्स के फॉर्म में लिखी हुई क्योंकि ये सवाल है आपके। सो इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, जैसे ग्रेवल, जैसे सैंड, जैसे स्टिफ क्ले, जैसे प्री कंसोलिडेटेड क्ले, अब प्री कंसोलिडेटेड क्ले है ये कोई नहीं पूछेगा, ये मैं खुद बता दूंगा अभी आपको। तो प्री कंसोलिडेटेड क्ले, स्टिफ क्ले, ग्रेवल और सैंड, इनमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, हेंस इट मे बी नेग्लेक्टेड। बट इन केस ऑफ हाईली प्लास्टिक क्ले, बट इन केस ऑफ हाईली प्लास्टिक क्ले और सॉफ्ट ऑर्गेनिक क्ले, जैसे एग्जाम्पल पीट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा निकल के आती है। इट मे एक्सटेंड अप टू 10-20% ऑफ टोटल सेटलमेंट। तो अगर पहले वाली सॉइल लोगे, सैंड, ग्रेवल, स्टिफ क्ले, प्री कंसोलिडेटेड सॉइल और क्ले, इनके अंदर सेकेंडरी कंसोलिडेशन नेग्लिजिबल। बट इन केस ऑफ हाईली प्लास्टिक क्ले एंड सॉफ्ट ऑर्गेनिक क्ले लाइक पीट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन में एक्सटेंड अप टू 20-30%। तो इसका मतलब ये है, हाँ बिल्कुल, हाईली प्लास्टिक क्ले आ गई, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका मतलब ये है कि ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से सॉइल में वॉल्यूम चेंज होता है। इसका मतलब टोटल सेटलमेंट अगर मेरे को निकालना हो सॉइल के अंदर, मैं क्या क्या करूंगा। इफ आई हैव टू कैलकुलेट टोटल सेटलमेंट, आई विल कैलकुलेट इनिशियल सेटलमेंट, आई विल कैलकुलेट प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, आई विल कैलकुलेट सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, जिसको हमने कंप्रेसिबिलिटी बोला, विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ प्राइमरी कंपेशन और कंप्रेशन, प्राइमरी कॉम्पेक्शन और कंप्रेशन, प्लस प्राइमरी कंसोलिडेशन प्लस सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ये हमारी टोटल सेटलमेंट निकल के आती है। यहां पे मेरा एक ट्रेंच खत्म होता है डिस्कशन का। अब अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। If you have any doubt up till now, you may ask now.
You may ask any of your doubt now. Compressibility, gradual decrease of volume and compaction is instantaneous, then why we are said gradually in the definition? Compressibility total volume change है, तो total volume change में time लगता है, मैंने ये बताया, और compressibility का एक part है initial compression. Compressibility का एक part है initial compression, पर जब मैं compressibility बोलूंगा, I'll talk about total volume change, और total volume change आने में सालों लग जाते हैं soil के अंदर. It will require number of years for total volume change. हाँ, बस इसका एक छोटा सा पोर्शन विच इज इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन, ये इंस्टेंटेनियस होता है. क्लियर है चीज? कॉम्पैक्शन में 100% एयर रिमूव्ड, बिल्कुल सही बात है. एड्सॉर्ब्ड वाटर को पोर वाटर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एड्सॉर्ब्ड वाटर की सारी प्रॉपर्टी पोर वाटर से डिफरेंट होती है. एड्सॉर्ब्ड वाटर इज हाईली विस्कस, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा निकल के आता है, इसीलिए इसको पोर वाटर नहीं बोला जाता. Hence, it is not termed as pore water. Volume decrease compression. क्या बोल रहा है ये? सर, सेकेंडरी में रीअरेंजमेंट से पोर वाटर प्रेशर चेंज नहीं होगा क्योंकि voids के मूवमेंट से. नहीं, पोर वाटर प्रेशर चेंज नहीं होगा. पार्टिकल के मूवमेंट से पोर वाटर प्रेशर थोड़ी चेंज हो जाएगी. What is difference between compression and expulsion? What is the difference between compression and expulsion? विनय कुमार पूछ रहा है compression और expulsion में difference बता दो. Compression का मतलब है दबना. Compression का मतलब है दबना. Expulsion का मतलब है बाहर निकलना. जैसे example दूं practically भी मैं आपको. Practically मैं आपके सवाल देख के दब गया हूं उसके नीचे, तो compression है. Practically इतने सवाल हैं कि मैं उनके नीचे दब गया, तो उसको compression. अब अगर मेरे से ये हैंडल नहीं होगा, मैं कुछ लोगों को बाहर निकाल दूंगा यहां से. अगर मेरे से ये हैंडल नहीं हुआ, मैं कुछ लोगों को बाहर निकाल दूंगा यहां से, उसको बोलते हैं एक्सपल्शन. तो जब पानी दबेगा तब भी वॉल्यूम चेंज होगा. जब पानी बाहर जाएगा तब भी वॉल्यूम चेंज होगा. तो एक्सपल्शन मतलब पानी का बाहर जाना, कंप्रेशन मतलब पानी का दबना. दोनों ही कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्लियर है चीज? रिपीट करना है कुछ. सर, प्राइमरी कंसोलिडेशन सिर्फ एक्सपल्शन. अरे पढ़ने तो दो, इतने कमेंट भेज रहे हो कि एक का सवाल ही नहीं पढ़ पा रहा मैं. स्ट्रक्चर वाटर और एब्जॉर्ब्ड वाटर सेम है क्या? नहीं. अभी पानी की बात क्यों कर रहे हो? अभी कंसोलिडेशन की बात चल रही है, पानी में क्यों एंटर कर रहे हो बिना मतलब? स्ट्रक्चरल वाटर वो वाटर होता है जो सॉइल के स्ट्रक्चर के साथ कंबाइंड हो केमिकली. उसका एब्जॉर्ब्ड वाटर से कोई लेना देना नहीं है. Structural water is that water which is chemically combined with the structure of the soil solid. तो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. After primary consolidation, sir, reason high secondary consolidation. मैं आपके doubt पढ़ ही नहीं पा रहा, मतलब क्या फिर? I'm not able to read your doubt. एक word पढ़ता हूं, नीचे से चार comment और निकल के आ जाते हैं. एक काम करो, इनको संभाल के रखो डाउटों को. इनको संभाल के रखो, सारे क्लियर कर दूंगा मैं. टॉपिक तो खत्म करने दे दो. पोर वाटर विल बी प्रेजेंट. हाँ, तो अब जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उसको मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ. आई कैन रेफर इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए. सो व्हाटएवर डिस्कशन आई हैव डन कैन बी रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व. इसको कर्व के फॉर्म में समझते हैं ताकि आपकी पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाए कि कंप्रेशन क्या होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है और सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है. व्हाट इज प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड व्हाट इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन. तो टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, मैं आपको सॉइल को फेस डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहा हूं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि सॉइल में वॉल्यूम चेंजेस कैसे आते हैं. हाउ दी वॉल्यूम चेंजेस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन दी सॉइल. तो जो भी आपके डाउट है वो सारे खत्म हो जाएंगे यहां से. व्हाट एवर योर डाउट्स आर विल बी क्लियर फ्रॉम हियर. तो मैंने आपको ये चार स्टेज में सॉइल दिखाई है. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉइल इज सेम. तो अगर डायग्राम स्केल पे नहीं बनता है तो उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि मेरे को स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है हर बार बन जाए. सो दिस इज द सिस्टम. विद द हेल्प ऑफ इट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल द प्रोसेसेस. आप इस सॉइल का फेस डायग्राम देख के सारे प्रोसेस में डिफरेंस निकाल सकते हो. सो दिस इज द सॉइल सॉलिड. तो नीचे जो मैंने शेड कर रखा है ये सॉइल के सॉलिड है. सो दीज आर द सॉइल सॉलिड. और पूरी कहानी में इनके अंदर लास्ट स्टेज में चेंज निकल के आता है. नेक्स्ट है हमारे पास पानी.
नेक्स्ट है हमारे पास पानी, सो नेक्स्ट इज वॉटर, सो नेक्स्ट इज वॉटर, ये वॉटर प्रेजेंट है, तो ये पूरा वॉटर प्रेजेंट है, दिस इज वॉटर, सो कंप्लीटली फिल्ड विद वॉटर, दिस इज वॉटर, सो कंप्लीटली फिल्ड विद वॉटर, ये पूरा पानी प्रेजेंट है। लास्ट कॉम्पोनेंट है सॉइल का हमारे पास एयर, सो लास्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट इज एयर, सो लास्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट इज एयर। तो पहला जो स्टेज आया वॉल्यूम चेंज के अंदर यानी कंप्रेसिबिलिटी के अंदर, वो है कॉम्पेक्शन। तो कॉम्पेक्शन के अंदर एयर बाहर चली जाती है सॉइल के, तो अगर आपने लोड अप्लाई किया, एयर बाहर चली गई, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज बिकॉज ऑफ एक्सपल्शन ऑफ एयर और कंप्रेशन ऑफ एयर। तो ये जो पहली स्टेज है, चैट को एनेबल कर रहा हूं बस यही पूछने के लिए, कोई और डाउट नहीं पूछेगा। ये जो पहली स्टेज है जिसमें जब आपने लोड अप्लाई किया सॉइल के ऊपर, व्हेन लोड इज अप्लाइड ओवर दी सॉइल बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजन आर्टिफिशियल रीजन, इसमें से एयर बाहर चली गई और एयर कंप्रेस भी हो गई, इसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज कॉम्पेक्शन। तो ये पहली स्टेज है कॉम्पेक्शन। जब पूरी एयर बाहर चली गई, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जब पूरी एयर बाहर चली गई व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सो हेयर डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज लेस देन वन, हेयर डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू वन, यहाँ डिग्री ऑफ सेचुरेशन वन है। अब अगर ये पोर वाटर सॉइल से बाहर जाए, अब अगर ये पोर वाटर सॉइल से बाहर निकले, क्योंकि आपने पानी को इनकम्प्रेसिबल मान लिया है, तो अगर इस वाटर का एक्सपल्शन हो, अगर इस वाटर का एक्सपल्शन हो, जो भी सॉइल के अंदर वॉल्यूम चेंज आता है, अब ये जो भी वॉल्यूम चेंज आया है सॉइल के अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सपल्शन ऑफ द वॉटर, दिस इज नोन एज वॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन के स्टार्टिंग में भी सॉइल सेचुरेटेड थी, प्राइमरी कंसोलिडेशन के टाइम पे भी सॉइल सेचुरेटेड थी, और जब प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हुआ तब भी सॉइल क्या है, सेचुरेटेड है। तो इन तीनों कंडीशंस में सॉइल सेचुरेट होती है। तो पहला प्रोसेस है कॉम्पेक्शन, ये दूसरा प्रोसेस है कंसोलिडेशन। अब नाउ नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ द लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज जो हमारे सॉइल के सॉलिड है ये रीएडजस्ट होते हैं, तो इसकी रीएडजस्टमेंट दिखा रहा हूं मैं आपको। लास्ट स्टेज में जो हमारे सॉइल के सॉलिड हैं ये रीएडजस्ट कर जाते हैं, तो इनकी रीअरेंजमेंट होती है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड टेक्स प्लेस, एंड मैं आपको सॉइल सॉलिड के ऊपर हरे कलर की लाइन दिखा रहा हूं, ये हरे कलर की लाइन है एड्सॉर्ब्ड वाटर, ये पोर वाटर नहीं है, दिस इज नॉट एड्सॉर्ब्ड, दिस इज नॉट पोर वाटर, ये एड्सॉर्ब्ड वाटर है। थर्ड केस में यानी सेकेंडरी कंसोलिडेशन में कई बार वॉल्यूम चेंज आता है बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ एड्सॉर्ब्ड वाटर। जब ये एड्सॉर्ब्ड वाटर बाहर निकलता है तब भी वॉल्यूम चेंज आता है सॉइल के अंदर, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो या तो प्लास्टिक रीअरेंजमेंट हुआ सॉइल का, या एड्सॉर्ब्ड वाटर बाहर निकला, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो ये अलग अलग स्टेजेस में मैंने आपको सॉइल के अंदर वॉल्यूम चेंज दिखाया है। हाँ, बीच में दो चेंजेस और हुए थे, एक पानी कंप्रेस भी हुआ था और सॉलिड भी कंप्रेस हुए थे, पर पानी के कंप्रेस होने की वजह से और सॉलिड के कंप्रेस होने की वजह से मैंने वॉल्यूम चेंज को कंसीडर नहीं किया, आई हैव नॉट कंसीडर्ड द वॉल्यूम चेंज बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्ट। अब जितनी भी कहानी बताई है उसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा दिया। जो ब्लू कलर का पानी है वो पोर वाटर है, आफ्टर प्राइमरी कंसोल बट आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लास्टिक रीअरेंजमेंट देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। अरे वो प्लास्टिसिटी का मतलब बताया था मैंने, वो सॉइल की प्रॉपर्टी बताई थी बस मैंने आपको कि प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, दैट प्रॉपर्टी वॉज बीन डिस्कस, प्लास्टिसिटी वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट इज एबल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट इलास्टिक रीबॉन्ड, विदाउट एनी रप्चर और विदाउट एनी वॉल्यूम चेंज। इस सॉइल की प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ये एक अलग बात है। यहां पर क्या बोला मैंने आपको, यहां पर यह बोला कि सॉइल के पार्टिकल्स में प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट हुई है और ये एड्सॉर्ब्ड वाटर भी बाहर आया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हुआ सॉइल का। तो दोनों फैक्टर है यहां पे, बोथ दी फैक्टर्स आर देयर, रीजन ऑफ हाई सेकेंडरी कंसोलिडेशन, रीजन ऑफ हाई सेकेंडरी कंसोलिडेशन इन हाई प्लास्टिक सॉइल, क्योंकि उनमें एड्सॉर्ब्ड वाटर बहुत ज्यादा होता है, जितनी ज्यादा प्लास्टिसिटी होगी उतना ज्यादा एड्सॉर्ब्ड वाटर होगा। जैसे एग्जाम्पल सैंड एड्सॉर्ब्ड वाटर, कोई बताएगा मुझे सैंड के केस में कोई एड्सॉर्ब्ड वाटर बताएगा, हाउ मच ऑफ द एड्सॉर्ब्ड वाटर इज देयर इन सैंड। ये देखो रिंकू 0%, हे भगवान, 1 से लेके 3% होता है, इज इन द रेंज ऑफ 1 to 3%, मे एक्सटेंड अप टू 4% ऑल्सो इन सम केसेस फाइन सैंड में। सिल्ट के केस में कितना एड्सॉर्ब्ड वाटर होता है, सिल्ट के केस में कितना एड्सॉर्ब्ड वाटर होता है,
व्हाट द एड्सॉर्ब्ड वाटर इन द केस ऑफ सिल्ट 6 to 7%, 6 से 7% एड्सॉर्ब्ड वाटर होता है. व्हाट अबाउट एड्सॉर्ब्ड वाटर इन क्ले? व्हाट अबाउट एड्सॉर्ब्ड वाटर इन क्ले? 16 to 17%, 16 से लेकर 17% एड्सॉर्ब्ड वाटर होती है क्ले के अंदर. तो जैसे जैसे प्लास्टिसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एड्सॉर्ब्ड वाटर बढ़ता जाता है. तो आप बोल रहे हो हाईली प्लास्टिक सॉइल में ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हाईली प्लास्टिक सॉइल में एड्सॉर्ब्ड वाटर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा निकलता है बाहर, इसलिए सेकेंडरी कंसोलिडेशन होती है. सर इनिशियल कोई मतलब नहीं है डाउट बताने का, इतने डाउट कहां से बताऊंगा, एक वर्ड पढ़ता हूं और डाउट ऊपर चला जाता है. प्राइमरी कंसोलिडेशन विल बी जीरो फॉर ड्राई सॉइल. प्राइमरी कंसोलिडेशन विल बी जीरो फॉर ड्राई सॉइल. हाँ, जब पानी नहीं है तो एक्सपल्शन कैसे होगी? इफ देयर इज नो वाटर हाउ द एक्सपल्शन विल टेक प्लेस? एक्सपल्शन के बाद भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, क्योंकि सारा पानी बाहर थोड़ी गया बेटा. कौन है ये आकाश? सारा पानी बाहर नहीं गया, द एंटायर वाटर इज नॉट ड्रेन्ड आउट. पोर वाटर प्रॉपर्टीज, क्या हमारी ये क्लास अभी पोर वाटर प्रॉपर्टी की चल रही है? डिस्कशन हो रहा है कंसोलिडेशन का, पूछ रहे हैं पोर वाटर प्रॉपर्टी. एक जना पूछ रहा है प्लास्टिसिटी. सर इनिशियल कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन. इनिशियल कंसोलिडेशन मींस प्राइमरी कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन मींस इनिशियल कंप्रेशन. दो अलग अलग चीजें हैं ये. चलिए डाउट तो मैं देख ही नहीं पा रहा वैसे भी. आई एम नॉट एबल टू सी द डाउट्स. देव सिंह बोल रहे हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन में वॉल्यूम कैसे कम हुआ? अब डायग्राम बना के दिखा दिया मैंने आपको. आई हैव शोन द डायग्राम कि कैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है. बहुत भीड़ है आज, बहुत ज्यादा भीड़ है, 350 लोग हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक दो सवाल पूछो तो बताऊं भी, इतने सवाल पूछ रहे हो कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा. हाउ विल आई आंसर इट? आंसर करने के लिए पढ़ू तो सही पहले उसे. एक जना ये लंबा सा सवाल भेज रहा है, उसका भी सवाल नहीं पढ़ पा रहा मैं. आफ्टर कॉम्पैक्शन बेटा ये पिन कर दो, आपका सवाल मैंने बहुत बार देख लिया पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं. रिंकू ही भेज रहा है मेरे ख्याल से. रिंकू है, गौरव है, पता नहीं कौन है. आफ्टर सेकेंडरी कंसोलिडेशन सॉइल इज सैचुरेटेड. हाँ, सेकेंडरी कंसोलिडेशन के बाद भी सॉइल सैचुरेटेड है. चलिए इस ड्राई सॉइल सैचुरेटेड और नॉट. मोहम्मद नवाज, वैसे तो मैं आपका ये डाउट मतलब उठाता नहीं, उठाने लायक है नहीं. जरा ये इनका डाउट देखना. रिंकू ने ये मोहम्मद नवाज ने डाउट पूछा है, ये इस ड्राई सॉइल सैचुरेटेड और नॉट. आपने ये सवाल पूछा है क्या खाली ग्लास में पानी है या नहीं है, तो बताओ मोहम्मद नवाज क्या खाली ग्लास में पानी है या नहीं है? आपने भी ये सवाल पूछा, सर ग्लास खाली है तो बताओ पानी होगा या नहीं होगा. तो मोहम्मद नवाज पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं. क्या खाली ग्लास में पानी होगा नहीं होगा? विल देयर बी एनी वॉटर इन एम्प्टी ग्लास? इफ यस देन द ड्राई सॉइल विल बी सैचुरेटेड. अगर खाली ग्लास में पानी होता है तो सॉइल भी सैचुरेट जो होगी वो ड्राई हो जाएगी. तो जब सॉइल को ड्राई बोल रहे हो वो सैचुरेट कैसे हो जाएगी? हाउ आर ड्राई सॉइल कैन बी सैचुरेटेड? चलिए बंद करो, बहुत बातें कर ली आप लोगों ने. काम की चीज तो वहीं छूटी हुई है, फालतू की बातें कर जा रहे हैं. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट सेटलमेंट. नाउ कॉन्सेंट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो रहा है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल. तो हम बात कर रहे हैं अब कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल. अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल की कंसोलिडेशन करवाने में रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात करेंगे. द फर्स्ट ऑफ द कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल इज अफेक्ट ऑफ सॉइल. द
The first of the consolidation characteristics of the soil is effect of soil. Highly conceptual. बहुत ही conceptual चीज है, मैं बस समझाऊंगा, लिखवाने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, नोट्स में आपको खुद दे दूंगा. Now the effect of the soil, effect of type of soil. तो soil type लिख देता हूं समझाने के लिए. तो effect of soil type. तो soil type का क्या effect पड़ता है soil के consolidation के ऊपर? बहुत ज्यादा effect पड़ता है. कैसे बहुत ज्यादा effect पड़ता है? The consolidation characteristics of the granular soil are totally different from that of the fine grained soil. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. Consolidation characteristics of the granular soil are totally different from that of the fine grained soil. और कैसे different है? कैसे different है? इसकी जानकारी आप दोगे मुझे. मैं सिर्फ आपसे दो चीजें पूछूंगा. एक है coarse grained soil, एक है fine grained soil. और ये मैंने ही आपको बता रखा है. आप मुझे permeability और porosity बताओगे इन दोनों soil की. Out of coarse grained soil and fine grained soil, whose permeability is more? Out of coarse grained soil and fine grained soil, whose permeability is more? किसकी permeability ज्यादा है? Coarse grained soil की permeability ज्यादा है, fine grained soil की permeability कम है. Clear is this? Out of coarse grained soil and fine grained soil, whose porosity is more? Out of coarse grained soil and fine grained soil, whose porosity is more? Fine grained soil की porosity ज्यादा है और coarse grained soil की porosity कम है. इतनी नॉलेज है आपके पास, ये वाला बात समझ में आ जाएगा आपको. दिस एनालिसिस कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली. अब क्या एनालिसिस है उसको समझने की कोशिश करते हैं. ग्रेनुलर सॉइल की क्योंकि परमिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जो पोर वाटर है वो इमीडिएटली एक्सपेल आउट कर जाता है. तो हमें पता है प्राइमरी कंसोलिडेशन होती है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ वाटर. अब सारी बात चलेगी प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए. सिंस परमिबिलिटी ऑफ द coarse grained soil is comparatively very high, as soon as the stresses increases, the expulsion of the pore water takes place immediately. Since expulsion of the pore water takes place immediately, क्योंकि expulsion पानी का बहुत जल्दी हो जाता है, settlement of the coarse grained soil is immediate or instant. इसमें जो settlement होती है वो instant होती है. इसीलिए आप observe करोगे अगर coarse grained soil में कोई structure बन रहा है, उस स्ट्रक्चर के बनने के बाद उसमें सेटलमेंट बहुत कम निकल के आती है. ये सवाल है आपके लिए डायरेक्टली. अगर कोर्स ग्रेन सॉइल जैसे सैंड के आपने ऊपर बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग के बनने के बाद उसमें सेटलमेंट बहुत कम निकल के आती है. क्यों? क्योंकि जब वो बिल्डिंग बन रही होती है ऑलमोस्ट सारी सेटलमेंट तभी हो चुकी होती है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल की परमिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो जब हमने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया जो पोर वाटर है वो बहुत जल्दी सीप आउट कर गया. पर ध्यान रखना है क्योंकि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की पोरोसिटी बहुत कम है, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड बहुत कम है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में सेटलमेंट बहुत कम निकल के आती है. तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की सेटलमेंट की रेट बहुत ज्यादा है पर मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट बहुत कम है, इतना कम है कि हम उसको कंसिडर ही नहीं करते. तो सैंड और ग्रेवल के अंदर तो हम कंसोलिडेशन सेटलमेंट कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि वो बहुत कम निकल के आती है. पर फाइन ग्रेन्ड सॉइल में जो कंप्रेसिबिलिटी है इज गवर्न्ड बाय कंसोलिडेशन ओनली. तो फाइन ग्रेन सॉइल की जो कंप्रेसिबिलिटी है उसे गवर्न ही कंसोलिडेशन करता है. क्यों? पहला पॉइंट, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल की पोरोसिटी बहुत ज्यादा है. लार्ज सेटलमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल. जैसे एग्जांपल क्ले, तो क्ले में सेटलमेंट बहुत ज्यादा निकल के आती है, वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा निकल के आता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बहुत ज्यादा होता है. और वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा पानी बाहर निकलेगा. पर क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल की परमिबिलिटी बहुत कम है, इस पानी के बाहर जाने की रेट बहुत कम होती है, इसका मतलब फाइन ग्रेन सॉइल में सेटलमेंट की रेट बहुत कम होती है. तो रेट ऑफ सेटलमेंट इन फाइन ग्रेन सॉइल इज वेरी लेस. तो मुझे अब ये बताओगे आप, मैंने चैट को एनेबल कर दिया, मुझे आप बताओगे तो क्या ये हमारे लिए परेशानी वाली बात है या नहीं है? अगर फाइन ग्रेन सॉइल में सेटल होने की रेट बहुत स्लो है, इज दिस प्रॉब्लम फॉर अस और नॉट? क्या ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है या नहीं है? अगर फाइन ग्रेन सॉइल में सेटलमेंट धीरे होती है, रेट इज वेरी स्लो, तो क्या ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है या नहीं है? क्यों दिक्कत वाली बात है? क्यों हमारे लिए दिक्कत वाली बात है? व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर अस? क्यों फाइन ग्रेन सॉइल में अगर रेट ऑफ कंसोलिडेशन स्लो है ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है? क्योंकि नॉन पोरस है, डिफरेंशियल सेटलमेंट. ये देखो भारी भारी वर्ड बोल रहा है, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगा. अरे दिक्कत ये है कि हमारे स्ट्रक्चर बनने के बाद भी सेटलमेंट होगी. जब आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद भी उसमें सेटलमेंट चल रही होगी, तो ये दिक्कत वाली बात है. द प्रॉब्लम कम्स, द सेटलमेंट विल बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑल्सो. क्योंकि ये कंसोलिडेशन होने में फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर सालों लग जाते हैं.
आपका स्ट्रक्चर बन गया 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, ये सेटलमेंट आ रही है 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, इसका मतलब आपके स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आपके स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हमेशा फाइन ग्रेन सॉइल में इशू रहता है हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के अंदर, और इसका फिर सॉल्यूशन भी हम निकालेंगे हमारे लेक्चर के लास्ट में। अब ये आज पहला लेक्चर है और शुरू का 1 घंटा हुआ है, आखिरी के 1 घंटे में मैं आपको इसको सॉल्यूशन बताऊंगा। क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में कंसोलिडेशन की रेट ऑफ सेटलमेंट बहुत कम होती है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, दैट आई डिस्कस इन द लास्ट, वो आपका लास्ट टॉपिक होगा। क्लियर चीज, मीन स्ट्रक्चर कैन फेल एट एनी टाइम। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्ट्रक्चर बनने के बाद वो कभी भी फेल कर सकता है, इट कैन फेल एट एनी टाइम। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, हाँ ये आ गया सैंड पाइल, सैंड ड्रेन्स, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है उसको समझने के लिए आप कर्व को भी समझ सकते हो। तो वॉट एवर डिस्कशन आई हैव डन, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी इंटायर प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ कर्व। आप कर्व के फॉर्म में ये पूरी कहानी को रेफर कर सकते हैं। तो दिस एंटायर प्रोसेस कैन बी रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। सो इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व, कर्व के फॉर्म में एनालाइज करना है। नोट्स में आपको दे दूंगा, आई विल गिव यू द नोट्स, नोट्स के टेंशन मत करो, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट नोट्स। तो नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग, सो फॉर ईच एंड एवरी डिस्कशन आई एम डन, डिटेल में आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। सो इन डिटेल ऑल द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स। सो इन ऑर्डर टू मेक यू एक्सप्लेन द इंटायर प्रोसेस, आपको पूरी कहानी समझाने के लिए मैं डायग्राम अपलोड कर रहा हूं, अपलोडिंग द डायग्राम। अरे टेलीग्राम लिंक लास्ट में ले लेना, अभी टेलीग्राम लिंक करके क्या करोगे भैया, क्लास लगा रहे हो ना। चलिए रेफर दिस इंटायर प्रोसेस, आपकी स्क्रीन के सामने कर्व निकल के आई हुई है। दिस कर्व इज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, ये कर्व है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, और कर्व किसके बीच में है, द कर्व इज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, जो कर्व बनी हुई है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, एंड द कर्व इज बिटवीन वॉइड रेशियो एंड अफेक्टिव स्ट्रेस, ये कर्व है वॉइड रेशियो और अफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में। तो जैसे जैसे हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर लोड बढ़ती जा रही है, यानी अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, एज दी अफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग, इट कैन बी सीन दैट वॉइड रेशियो इज डिक्रीजिंग, वॉइड रेशियो कम होती जा रही है। तो पहला वाला जो ये कर्व दिखाया है आपको, ये सैंड के लिए है, दिस कर्व विल रिप्रेजेंट दी सैंड। तो मुझे ये बताओ इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी मुझे सेटलमेंट बताएगी, इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी मुझे सेटलमेंट बताएगी, विच प्रॉपर्टी ऑफ दिस कर्व विल इंडिकेट दी सेटलमेंट, ये स्लोप वाला कौन था, इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी मुझे सेटलमेंट बताएगी, इसका वाई ऑर्डिनेट, तो इस कर्व का वाई ऑर्डिनेट ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, इस कर्व की वाई ऑर्डिनेट ज्यादा मिल रही है कम मिलेगी, द वाई ऑर्डिनेट ऑफ दिस कर्व विल बी मोर और लेस, द वाई ऑर्डिनेट ऑफ दिस कर्व विल बी वेरी लेस, इसका वाई ऑर्डिनेट बहुत कम निकल के आएगा, कितना है वाई ऑर्डिनेट, ये कोई ई नॉट और ये है ई फाइनल, सो ई नॉट माइनस ई फाइनल विल रिप्रेजेंट दी, विल रिप्रेजेंट दी प्राइमरी कंसोलिडेशन, किससे ज्यादा, वो दूसरी वाली सॉइल जो अभी डिस्कस कर रहे थे, फाइन ग्रेन सॉइल, तो दो ही तो सॉइल है, एक फाइन ग्रेन है, एक कोर्स ग्रेन है। तो इस कर्व की जो वाई ऑर्डिनेट है, यानी चेंज इन वॉइड रेशियो, ये आपको सेटलमेंट जाएगी और ये बहुत कम निकल के आती है। तो कहने का मतलब है सैंड के अंदर, सैंड के अंदर सेटलमेंट आपको बहुत ही कम मिलेगी। इसकी वैल्यूज भी नोट कर सकते हो आप अभी कंपेयर करने के लिए। तो उसकी वैल्यू निकल के आ रही है, ई नॉट है लेट अस सपोज 0.75, ईएफ है लेट अस सपोज 0.6, तो ये वैल्यू निकल के आई 0.15। सो दिस इज दी चेंज इन वॉइड रेशियो करस्पॉन्डिंग टू दी सेटलमेंट ऑफ सैंड। पर अब चेक करो व्हाट इज द रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज। सेटलमेंट का मैग्नीट्यूड कम था, पर अब मैंने आपको कर्व दिखाई है कंप्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में, चेक ये जो कंप्रेशन हो रहा है इसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो गया। तो सैंड के ऊपर जब आपने लोड लगाया, इसकी सेटलमेंट इमीडिएट हुई है। कहने का मतलब है इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी आपको रेट ऑफ सेटलमेंट बताएगी, इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी आपको रेट ऑफ सेटलमेंट बताएगी, स्लोप बताएगी। तो पिछले वाले कर्व का वाई ऑर्डिनेट सेटलमेंट बताएगा, इस कर्व की स्लोप हमें क्या बताएगी, रेट ऑफ सेटलमेंट बताएगी। तो सैंड के अंदर रेट ऑफ सेटलमेंट क्या मिलती है, सैंड के अंदर रेट ऑफ सेटलमेंट क्या मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है, पर सेटलमेंट क्या मिलती है, कम मिलती है। सो रेट ऑफ सेटलमेंट इज वेरी हाई बट द सेटलमेंट इज वेरी लेस। पर अगर यही चीज बात करें हम क्ले के अंदर, इफ यू टॉक अबाउट दिस क्ले, अब चेक करो, इसको मैं क्ले से कंपेयर कर रहा था,
ये कर्व है क्ले की, दिस इज द कर्व फॉर क्ले, तो ई नॉट, ये ई नॉट है, ई फाइनल, दिस इज ई फाइनल, तो क्ले के अंदर जो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट वो बहुत ज्यादा निकल के आएगी, कितनी 1.2 माइनस ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.5, सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 0.7, तो यहां पर वॉल्यूम चेंज किसके प्रोपोर्शन था 0.15 के प्रोपोर्शन था, यहां पे वॉल्यूम चेंज किसके प्रोपोर्शनल है 0.7 के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्ले के अंदर सेटलमेंट ज्यादा होगी, पर रेट ऑफ सेटलमेंट कौन बताएगा, आपको कंप्रेशन और टाइम वाली कर्व बताएगी, तो इस कर्व की स्लोप का मैग्नीट्यूड पिछले वाली कर्व की स्लोप से क्या था, इस कर्व की स्लोप का मैग्नीट्यूड पिछले वाली कर्व की स्लोप से क्या है, कम है, इसीलिए क्ले में सेटलमेंट ज्यादा होती है, पर सेटलमेंट होने की रेट क्या होती है, कम होती है, तो इन क्ले कंप्रेसिबिलिटी विल बी मोर बट द रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज विल कम आउट टू बी लेस। अब मैं दोनों कर्व को सुपर इम्पोज करके दिखा रहा हूं आपको, आई एम सुपर इम्पोजिंग बोथ दी कर्व, तो दोनों कर्व को सुपर इम्पोज करके दिखा दिया, सो बोथ दी कर्व कैन बी सुपर इम्पोज, वाई एक्सिस पे लिखा सेटलमेंट, एक्स एक्सिस पे लिखा मैंने टाइम, एक्स एक्सिस पे लिखा मैंने टाइम, तो जो पहली वाली कर्व है ये क्ले के लिए है और जो दूसरी वाली कर्व है ये सैंड के लिए है, क्या समझ में आ रहा है इससे, व्हाट कैन बी रेफर फ्रॉम दिस, क्ले की सेटलमेंट क्या है, क्ले में सेटलमेंट क्या है, ज्यादा है, तो सेटलमेंट ऑफ द क्ले इज वेरी हाई, तो ये क्ले की सेटलमेंट है, सो दिस इज द सेटलमेंट ऑफ द क्ले, तो ये सेटलमेंट है क्ले की, और सैंड की सेटलमेंट बहुत ही कम है, द सेटलमेंट ऑफ द सैंड इज वेरी लेस, नेग्लेक्ट कर सकते हो आप इसे, पर सैंड में रेट ऑफ सेटलमेंट क्या है, कौन बताएगा, स्लोप बताएगी इस कर्व की, सैंड में रेट ऑफ सेटलमेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्ले, सो बोथ द प्रॉपर्टीज आर बीइंग शोन साइमल्टेनियसली, आपको दोनों प्रॉपर्टी मैंने एक साथ दिखा दी है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल की जो उसकी कंसोलिडेशन को कंट्रोल करते हैं वो है टाइप ऑफ सॉइल, अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस ट्रेंच में से, ये मेरा दूसरा ट्रेंच था डिस्कशन का, रेट डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, एक जने ने अभी एक और बहुत बढ़िया चीज बोली, बाकी तो सब फालतू की बातें कर रहे हो, एक ने भी ढंग की चीज बोली, क्या बोली, चेक करो यहां पे, स्ट्रेस के बढ़ने के साथ कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कम होती जा रही है, स्ट्रेस के बढ़ने के साथ कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कम होती जा रही है, विद इंक्रीज इन स्ट्रेस कंप्रेसिबिलिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैसे कमेंट किया, हाउ यू आर कमेंटिंग दिस, इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ सेटलमेंट बताएगी विद स्ट्रेस, स्लोप, इस कर्व की स्लोप मुझे बताएगी कि स्ट्रेस के बढ़ने के साथ सेटलमेंट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसने भी ये बताया बिल्कुल सही बोला, तो इस कर्व में स्ट्रेस के बढ़ने के साथ सेटलमेंट कम होती जा रही है, ये कौन बता रहा है हमें, ये इस कर्व की स्लोप बता रही है, इसका मतलब सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द स्ट्रेसेस ऑफ सॉइल, ये आपका सवाल है डायरेक्टली, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन अफेक्टिव स्ट्रेसेस, नाउ द पॉइंट इज व्हाई डिक्रीजेस, ये डिक्रीज क्यों करती है, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी यानी वॉल्यूम चेंज कम होता जाता है स्ट्रेस के बढ़ने के साथ, क्यों, क्योंकि वॉइड्स डिक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है दीपक, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वॉइड कम होता जा रहा है, तो टाइम पे बढ़ने के साथ क्योंकि वॉइड कम होता जा रहा है सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी भी कम होती जा रही है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ फ्रॉम द एंटायर स्टोरी, तो पहला फैक्टर जो कंट्रोल करता है कंसोलिडेशन को वो है कंसोलिडेशन की, वो है टाइप ऑफ सॉइल, आफ्टर कॉम्पैक्शन सेकेंडरी कंसोलिडेशन हैपेंस, इफ पोर वाटर इज मिसिंग देयर विल बी नो प्राइमरी कंसोलिडेशन बेटा, इफ आफ्टर कॉम्पैक्शन देयर इज नो वाटर, नो प्राइमरी कंसोलिडेशन, वाटर एक्सपेल होने के बाद भी एस वन क्यों है, क्योंकि सारा पानी बाहर नहीं गया, आपने जो स्ट्रेस लगाया वो सारे पानी को बाहर नहीं निकाल पाया, आपने जो स्ट्रेस लगाया वो सारे पानी को बाहर नहीं निकाल पाया, इसको समझने के लिए एग्जांपल देता हूं मैं, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आई विल गिव यू एन एग्जांपल, तो आप बोल रहे हो कि सॉइल सर कंसोलिडेट हो गई पर सॉइल में अभी भी डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी, यू मस्ट हैव सीन एन नंबर ऑफ मूवीज, उसमें एक विलन होता है, उसमें जो विलन होता है वो हमारी सॉइल है, मूवीज में आप विलन देखते हो वो हमारी सॉइल है,
उस विलन के अंदर जो ब्लड है वो सॉइल के अंदर पानी है, तो हीरो क्या करता है, विलन को मारता है, विलन को मारता है तो विलन का खून निकलता है बाहर, क्या उसके बाद उसके अंदर सारा खून खत्म हो जाता है? क्लियर है? तो विलन की कंसोलिडेशन तो हुई, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ, पर उसके अंदर से सारा ब्लड बाहर नहीं आया। क्लियर है चीज? तो सॉइल के ऊपर जो आपने स्ट्रेस लगाया उससे पानी बाहर निकला, पर पानी सारा बाहर नहीं निकल पाया। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? वाई दी कर्व इज, ये क्या पूछ रहा है, टेक्निकल सवाल पूछ रहा है कोई, ये कैसे हो गया? वाई दी कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व इज ऑब्जर्व, देर इज नो लॉजिक इन इट, कर्व इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, वी हैव नॉट डिजाइन दिस, हमने डिजाइन नहीं किया इसे। बड़े आगे लॉग स्केल पे, हाँ लॉग स्केल पे ले लो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, प्राइमरी कंसोलिडेशन ओनली। चलिए वील प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं, वील प्रोसीड आगे बढ़ते हैं। चैट को कर दिया मैंने डिसेबल, चैट को कर दिया मैंने डिसेबल अगेन। अब बहुत ही टेक्निकल चीज है, फिर से टेक्निकल चीज है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। द सेकेंड ऑफ द फैक्टर, पहला फैक्टर था हमारा अफेक्ट ऑफ सॉइल टाइप, सेकेंड फैक्टर है हमारा, सेकेंड फैक्टर है हमारा अफेक्ट ऑफ, सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट द कंसोलिडेशन इज द अफेक्ट ऑफ, अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस हिस्ट्री, सेकेंड फैक्टर इज अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस हिस्ट्री। तो अगला फैक्टर जो कंट्रोल करता है सॉइल की कंसोलिडेशन को वो है अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस हिस्ट्री। अब क्या है अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस हिस्ट्री, व्हाट इज दिस अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस हिस्ट्री, ध्यान सुनना इस बात को। सॉइल टेंड टू रिटेन सी, सॉइल टेंड टू रिटेन सी अफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस विच हैव बीन इंड्यूस्ड ओवर इट इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉइल टेंड टू रिटेन द अफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस हिस्ट्री और विच आर बीन इंड्यूस्ड ओवर इट इन इट्स जियोलॉजिकल पास्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इस पूरी बात का मतलब यह है जो सॉइल है, जो सॉइल है वो कभी नहीं भूलती कि उसके ऊपर पास्ट में कितने स्ट्रेस लगे थे, जो सॉइल है वो कभी ये नहीं भूलती है कि पास्ट में उसके ऊपर कितने स्ट्रेस लगे थे। और वो इस चीज को याद कैसे रखती है, वो इस चीज को याद रखती है अपने स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो सॉइल टेंड्स टू रिटेन द अफेक्ट ऑफ द स्ट्रेसेस विच आर इंड्यूस्ड ओवर इट इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। क्लियर है चीज? इसका मतलब सॉइल का स्ट्रक्चर आपको जानकारी दे देगा कि पास्ट में उसके ऊपर कौन से स्ट्रेस लगे हैं। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, a soil which is subjected to certain affective stresses for the first time in the history, a soil which is subjected to certain affective stresses for the first time in the history, soil के ऊपर अभी जो stress लगा वो सबसे पहली बार लगा है, सबसे पहली बार लगा है मतलब इससे ज्यादा stress कभी आज तक लगे नहीं उसके ऊपर। तो मुझे ये बताओ इस soil के अंदर volume changes आपको ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? तो अगर soil के ऊपर जो stress लगा अभी प्रेजेंट में वो आज तक का मैक्सिमम स्ट्रेस था, तो इस सॉइल के अंदर आपको वॉल्यूम चेंजेस ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? द वॉल्यूम चेंजेस इन दिस सॉइल विल कम आउट टू बी मोर और लेस, इस सॉइल के अंदर वॉल्यूम चेंज ज्यादा निकल के आएगी। उसी तरीके से आज जो सॉइल के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, आज जो सॉइल के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है वो पास्ट के मैक्सिमम स्ट्रेस से कम था, आज जो सॉइल के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है वो पास्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस लगा उससे कम था। तो आज जो स्ट्रेस लग रहा है सॉइल के ऊपर उसकी वजह से वॉल्यूम चेंजेस क्या निकल के आएंगे, कम निकल के आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि द सॉइल्स आर सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेसेस फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इट्स वॉल्यूम चेंज विल बी कंपैरेटिवली मोर। इफ द सॉइल इज सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेसेस प्रेजेंट सिचुएशन विच आर कंपैरेटिवली लेस टू द स्ट्रेसेस विच आर अप्लाइड ओवर द सॉइल इन द पास्ट, इट्स कंसोलिडेशन सेटलमेंट विल कम आउट टू बी लेस। The point is why, ये बात तो सबको पता है, reason बताओ क्यों, why it happens so, ऐसा क्यों होता है? अगर soil के ऊपर आज जो stress लगाया है वो maximum है तो उसमें settlement ज्यादा क्यों निकल के आती है?
उसमें सेटलमेंट ज्यादा इसलिए निकल के आती है क्योंकि कुछ सेटलमेंट सॉइल स्ट्रक्चर के ब्रेक होने की वजह से भी होता है। ये एक जने ने सही जवाब दिया है, एक जने ने सही जवाब दिया है। तो जब आप सॉइल के ऊपर स्ट्रेस लगाते हो जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है आज तक, तो उस वजह से सॉइल का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है। सर्टन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल ब्रेक्स बिकॉज ऑफ विच सेटलमेंट ऑफ द सॉइल कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। इस बात को आप ऐसे समझो, इस बात को आप ऐसे समझो, कैसे समझाएं इस बात को, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें। इफ आई टेक द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें इस बात को, अब उससे रिलेट कर पाओ नहीं कर पाओ आप, वेदर यू विल बी एबल टू रिलेट इट और नॉट। धोनी, क्या धोनी आ गया, जो धोनी की कहानी बताएं, पहले से जेल चुका है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये देखो कि पहले से जेल चुका है, पहले से अगर आप झेल चुके हो किसी प्रॉब्लम को, अगर वही प्रॉब्लम दोबारा आ जाए तो आप में झेलने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब पहले से ही आप कोई प्रॉब्लम, पहले से आप कोई प्रॉब्लम बेयर कर चुके हो, अगर उतनी ही इंटेंसिटी की प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है तो आप में जो रेजिस्टेंस होती है वो कंपेरेटिवली क्या होती है, ज्यादा होती है। रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी कंपेरेटिवली मोर। क्लियर है चीज? हाँ बिल्कुल। अब आपको समझ में आ गया, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको ये समझ में आ गया। अब यहां से हमारी टेक्निकल चीज स्टार्ट होती है। आप बस अब रुक जाओ, बंद करो चैट को, तो बोलते जाएंगे। अब यहां से हमारी टेक्निकल चीज स्टार्ट होती है। क्या? द मैक्सिमम स्ट्रेसेस टू विच सॉइल इज सब्जेक्टेड, द मैक्सिमम स्ट्रेसेस टू विच द सॉइल इज सब्जेक्टेड इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज नोन एज प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। अब ये टेक्निकल टर्म आ गया, लिख देता हूं यहां पे मैं। मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच सॉइल इज एवर सब्जेक्टेड, टू विच सॉइल इज एवर सब्जेक्टेड इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, एवर सब्जेक्टेड टू इट्स इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज टर्म्ड एज प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। आगे वाली सारी बात इसी के ऊपर बेस्ड होगी, तो आपको इस बात का मतलब पता होना चाहिए। टर्म्ड एज प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, तो इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच सॉइल इज एवर बीइंग सब्जेक्टेड इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। नाउ द पॉइंट ये है कि आज के टाइम पे अगर सॉइल के ऊपर जो स्ट्रेस लग रहा है, ध्यान सुनना, आज के टाइम पे अगर सॉइल के ऊपर कोई स्ट्रेस लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से ज्यादा है, द सॉइल इज टर्म्ड एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो इसको मैं लिख देता हूं मैथमेटिकली कि आज के टाइम पे जो स्ट्रेस लग रहा है सॉइल के ऊपर, तो आज के टाइम पे जो स्ट्रेस लग रहा है सॉइल के ऊपर अगर ये ज्यादा है, तो उसको मैं सिग्मा नॉट डैश बोल देता हूं। अगर ये ज्यादा है किससे, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से, दी सॉइल इज टर्म्ड एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। सो इफ दी प्रेजेंट प्रेजेंट अफेक्टिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दी सॉइल इज ग्रेटर देन प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, इट इज टर्म्ड एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। उसी तरीके से आज के टाइम पे जो स्ट्रेस लग रहा है, आज के टाइम पे जो स्ट्रेस लगा है जीरो क्या है, प्रेजेंट टाइम है, तो यार जीरो सिग्निफाइज टी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम, इसका मतलब है प्रेजेंट टाइम। तो आज के टाइम पे जो स्ट्रेस लग रहा है अगर वो कम है प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से, दिस सॉइल इज टर्म्ड एज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल और मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आज के टाइम पे सॉइल के ऊपर जो स्ट्रेस लग रही है वो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से ज्यादा है, सॉइल को हम बोल देंगे नॉर्मली कंसोलिडेटेड। अगर आज के टाइम पे जो स्ट्रेस लग रही है वो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से कम है, सॉइल को मैं बोल दूंगा ओवर कंसोलिडेटेड या प्री कंसोलिडेटेड। इस बात का मतलब क्या है, अगर आज के टाइम पे जो स्ट्रेस लग रही है वो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से ज्यादा हुई, इसका मतलब आज की स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस थी जो सॉइल के ऊपर लग रही है, तो वी विल से इट इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। पर अगर आज की स्ट्रेस प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से कम है, इसका मतलब पास्ट में इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगी थी वो आज की स्ट्रेस से ज्यादा है, तो वी विल से सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड और प्री कंसोलिडेटेड। अब आप मुझे ये बताओगे कि नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल में या प्री कंसोलिडेटेड सॉइल में सेटलमेंट ज्यादा मिलेगी, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल में
या ओवर या प्री कंसोलिडेटेड सॉइल में सेटलमेंट ज्यादा मिलेगी। तो पीछे वाला लॉजिक लगा दो यहाँ पे, वेयर यू विल फाइंड मोर सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल में सेटलमेंट किस रीजन की वजह से भी होगी, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल में सेटलमेंट स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के वजह से भी होगी, पर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में स्ट्रक्चर के ब्रेक होने की वजह से सेटलमेंट हो चुकी है, अब वो दोबारा नहीं होगी। नाउ इट विल नॉट अगेन टेक प्लेस। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? तो एक ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में सेटलमेंट कम होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। क्लियर है? अब डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इक्वल भी ले सकते हो। फ्रॉम डिफाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन टेक दिस वैल्यू टू बी इक्वल ऑल्सो। तो अगर हमारा आज का स्ट्रेस प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस के बराबर हो जाए तब भी हम इसको क्या बोल देंगे? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल बोल देंगे। सो डू टर्म दिस नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। अब इस चीज को टेक्निकली बताने के लिए एक रेशियो डिफाइंड है, दैट रेशियो इज टर्म्ड एज ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस पॉइंट वी हैव वन रेशियो बीइंग डिफाइंड बाय अस, इट इज टर्म्ड एज ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। अब क्या है ये ओवर कंसोलिडेशन रेशियो? दिस ओवर कंसोलिडेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ, दिस ओवर कंसोलिडेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस टू द प्रेजेंट अफेक्टिव स्ट्रेस। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो रेशियो है किसका? प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस का और प्रेजेंट स्ट्रेस का। तो मुझे ये बताओ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ओवर कंसोलिडेशन रेशियो कितनी होगी? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ओवर कंसोलिडेशन रेशियो कितनी होगी? इट विल बी इक्वल टू वन। व्हाई? बिकॉज फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल द प्रेजेंट स्ट्रेस विल बी द मैक्सिमम स्ट्रेस, और मैक्सिमम को हम क्या बोलते हैं? प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल और प्री कंसोलिडेटेड सॉइल ओवर कंसोलिडेशन रेशियो विल बी इक्वल टू व्हाट? फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल और प्री कंसोलिडेटेड सॉइल आज की जो स्ट्रेस है वो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से क्या होगी? कम होगी। तो ये रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? ज्यादा निकल के आ जाएगा। तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। यू कैन से फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल ओवर कंसोलिडेशन रेशियो विल बी वन, फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल ओवर कंसोलिडेशन रेशियो विल बी मोर देन वन। अब डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर प्री कंसोलिडेशन सॉइल, अब ये सवाल है आपका, बोलेगा प्री कंसोलिडेशन सॉइल क्या होती है? तो नॉर्मल सुन लिया, ओवर कंसोलिडेशन सुन लिया, ये क्या होती है? ये होती है प्री कंसोलिडेशन सॉइल ओनली। तो प्री कंसोलिडेशन सॉइल और ओवर कंसोलिडेशन सॉइल इज वन एंड द सेम थिंग। तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, प्री कंसोलिडेशन सॉइल। अब एक और तरह की सॉइल में डिफाइन कर रहा हूं, अंडर कंसोलिडेशन सॉइल। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर कंसोलिडेशन सॉइल? ये अंडर कंसोलिडेशन का ही होता है। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल समझ में आता है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो इज इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट स्ट्रेस इज इक्वल टू, तो प्रेजेंट स्ट्रेस इज इक्वल टू प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। प्रेजेंट स्ट्रेस ही प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस के बराबर है। तो प्रेजेंट स्ट्रेस इज इक्वल टू प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। प्री कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड में जो प्रेजेंट स्ट्रेस है वो कम है किससे? प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से। पर अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ओवर कंसोलिडेशन रेशियो लेस देन वन होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट स्ट्रेस इज मोर देन कंसोलिडेशन स्ट्रेस। अब ऐसा कब होगा कि प्रेजेंट स्ट्रेस इज मोर देन प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस? ये सिचुएशन कब आ जाएगी? तो सॉइल इन स्पेशल केस में ऑल्सो बी टर्म्ड एज अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। आप सॉइल को एक स्पेशल केस में अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल भी बोल सकते हो। कब? व्हेन द सॉइल इज नॉट बीइंग कॉम्पैक्टेड, व्हेन द सॉइल इज नॉट बीइंग कॉम्पैक्टेड और कंसोलिडेटेड अंडर द इफेक्ट ऑफ इट्स अप्लाइड प्रेशर और स्ट्रेस। तो उसको मैं लिख देता हूं, आई एम रेफरिंग दिस पॉइंट, व्हेन द सॉइल इज येट टू अंडरगो, व्हेन द सॉइल इज येट टू अंडरगो कंसोलिडेशन, व्हेन द सॉइल इज येट टू अंडरगो कंसोलिडेशन ड्यू टू प्रेजेंट अप्लाइड स्ट्रेस, इट इज
termed as under consolidated soil. It is termed as under consolidated soil. So it is termed as under consolidated soil. So under consolidated soil. Example, recently placed fill. एग्जाम्पल दिया है रिसेंटली प्लेस्ड फिल, कहने का मतलब है आपने अभी अभी एम्बैंकमेंट बनाई है, आपने अभी अभी एम्बैंकमेंट बनाई है, इस एम्बैंकमेंट बनने की वजह से स्ट्रेस तो बढ़ गया सॉइल के ऊपर, पर अभी उसमें कंसोलिडेशन नहीं हुई है. सो दी सॉइल इज येट टू बी कंसोलिडेटेड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर, इट विल बी टर्म्ड एज अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल. क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से, any point to be referred from this entire story for anyone? Any point to be referred from this for anyone? Heavily over consolidated soil. कहने का मतलब है उसका pre consolidation stress बहुत ज्यादा है. Structure break हाई तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन नहीं कहेंगे. नहीं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर ब्रेक होने की वजह से नहीं हुआ है. सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, इज बिकॉज ऑफ द रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉलिड्स इन द स्ट्रक्चर. नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड रिपीट कर दीजिए. चलो रिपीट कर देता हूँ. नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें आज का स्ट्रेस ही मैक्सिमम स्ट्रेस हो, और मैक्सिमम स्ट्रेस को हम बोलते हैं प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस. तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल वो होती है जिसमें आज का स्ट्रेस ही मैक्सिमम स्ट्रेस के हो, तो इसको हम बोल देंगे नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल. ओवर कंसोलिडेटेड और प्री कंसोलिडेटेड सॉइल वो होती है जिसमें आज का स्ट्रेस प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से कम हो, यानी आज का स्ट्रेस पास वाले स्ट्रेस से क्या है, कम है. इसको हम बोलते हैं प्री कंसोलिडेशन और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल. अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें आज का स्ट्रेस ज्यादा है पास के स्ट्रेस से, और आज के स्ट्रेस की वजह से सॉइल में भी कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, तो इस सॉइल को हम बोल देते हैं अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल ड्यू टू सॉइल पार्टिकल सॉरी. क्लियर है? अब फिर से एक चीज बता रहा हूं जिसके ऊपर सवाल मिलेगा फॉर श्योर. ईएस गेट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल पाया जाएगा इसके अंदर, और समझने वाली बात है ये. क्या ओवर कंसोलिडेशन कंडीशन सॉइल में कब कब आ सकती है? ये जो ओवर कंसोलिडेशन की सिचुएशन है ये सॉइल में कब कब आ सकती है? तो ओवर कंसोलिडेशन के लिए मुझे एक बेसिक कंसेप्ट बताओ क्या है. फॉर ओवर कंसोलिडेशन व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट? फॉर ओवर कंसोलिडेशन, फॉर ओवर कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट? व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट एंड वर्क? कि आज का स्ट्रेस पास के स्ट्रेस से क्या हो जाए, आज का स्ट्रेस पास के स्ट्रेस से क्या हो जाए, कम हो जाए. अब पास में स्ट्रेस ज्यादा था, आज कम हो गया, क्या रीजन है इसका? पहला रीजन, फर्स्ट रीजन इरोजन ऑफ ओवरबर्डन. सॉइल के ऊपर कोई मटेरियल था, उसका इरोजन हो गया. मटेरियल था रॉक. विंड, वाटर, ग्रेविटी, इन सब की वजह से रॉक का क्या हो गया? इरोजन हो गया. तो ऊपर पहले रॉक था, मतलब हजारों साल पहले रॉक था, उसकी इरोजन हो गई, आज नहीं है वो. तो आज का स्ट्रेस पास के स्ट्रेस से क्या है, कम है. तो सॉइल क्या हो जाएगी? तो सॉइल क्या हो जाएगी? ओवर कंसोलिडेटेड हो जाएगी. क्लियर चीज? नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर. अभी अंकिता ने बताया ये मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर. पहले सॉइल के ऊपर ग्लेशियर था, आज मेल्टिंग हो गई. तो पहले स्ट्रेस ज्यादा था, आज के टाइम पे स्ट्रेस क्या है, कम है. नीतीश ने बिल्कुल सही बोला. रिमूवल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ओवर द सॉइल. बिल्कुल सही बात है. तो रिमूवल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ओवर द सॉइल. एक नहीं है बताया वाटर टेबल का, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट. अभी पीछे बता के आया हूं, वाटर टेबल लेवल क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? वाटर टेबल लेवल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? वाटर टेबल लेवल राइज करने से अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो चेंज कौन सा चेंज? इंक्रीज इन वाटर टेबल लेवल. सो इंक्रीज इन वाटर टेबल लेवल.
अब ये सारी कहानी तो बता दी आपने, और किसी को पता हो तो, ये सब तो सबको समझ में आता है, और इसके अलावा डेसिकेशन, तो एक ने टेक्निकल चीज बताई है, तो इसके अलावा अगला रीजन है डेसिकेशन ऑफ सॉइल इन अपर लेयर, तो डेसिकेशन ऑफ सॉइल इन दी अपर लेयर। अब अगला डाउट आएगा आपका, डेंसिफिकेशन नहीं है, कौन है ये डेंसिफिकेशन वाला? डेंसिफिकेशन नहीं है बेटा, डेसिकेशन है, इट इज नॉट डेंसिफिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है, डेसिकेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम ड्राइनेस। तो अगर मैं ये बोलूं डेसिकेटेड सॉइल है, इसका मतलब एक्सट्रीमली ड्राई सॉइल है, तो मैंने इसे डेसिकेटेड सॉइल, इट मीन्स एक्सट्रीमली ड्राई सॉइल। अब डेसिकेशन से ओवर कंसोलिडेशन स्टेज कैसे आ गई, अब इस चीज को समझना है। डेसिकेशन कहां पर हुई जरा देखना, डेसिकेशन कहां हुई जरा देखना, सरफेस पे हुई है, तो ध्यान रखना इस बात का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, दिस इज अवर ग्राउंड लेवल, ये हमारी वाटर टेबल लेवल है, दिस इज अवर वाटर टेबल लेवल, हाँ ड्रॉट मतलब सूखा आ गया, ये हमारी वाटर टेबल लेवल है। इस वाटर टेबल लेवल के ऊपर कौन सा पानी होता है, इस वाटर टेबल लेवल के ऊपर कौन सा पानी होता है, अबव दिस वाटर टेबल लेवल विच वाटर इज प्रेजेंट, इस वाटर टेबल लेवल के ऊपर कैपलरी वाटर होती है, इस वाटर टेबल लेवल के ऊपर कैपलरी वाटर होती है, सो कैपलरी वाटर इज प्रेजेंट। और इसको भी ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट में, ये कॉन्टेक्ट मॉइस्चर वाली लेयर है, दिस इज कॉन्टेक्ट मॉइस्चर, तो दिस इज कॉन्टेक्ट मॉइस्चर, हियर डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज लेस देन वन, हियर डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज वन। तो ग्राउंड वाटर टेबल लेवल के ऊपर भी सॉइल में पानी होता है, तो बिकॉज ऑफ डेसिकेशन मीन एक्सट्रीम ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ डेसिकेशन और एक्सट्रीम ड्राइनेस, अगर ये सॉइल के ऊपर वाला पानी सूख जाए, अगर ये सॉइल के ऊपर वाला पानी सूख जाए, तो मुझे ये बताओ सॉइल में पॉइंट ए पे, सॉइल में पॉइंट ए पे स्ट्रेस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, सॉइल में पॉइंट ए पे स्ट्रेस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, पहले ये पानी भी क्या कर रहा था, पहले ये पानी भी क्या कर रहा था, अपना वेट अप्लाई कर रहा था इसके ऊपर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, पहले मुझे सॉइल का कौन सा वेट कंसीडर करना पड़ेगा पॉइंट ए पे स्ट्रेस निकालने के लिए, बढ़ रहा है, अरे वाटर टेबल लेवल डाउन नहीं हुई है, मैं क्लियर कर रहा हूं, वाटर टेबल लेवल डाउन नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना इस चीज का, सिर्फ अपर लेयर में डेसिकेशन हो गई है, देयर इज नो चेंज इन वाटर टेबल लेवल, ये सेम है। तो अगर इनिशियल सिचुएशन में जब पानी था, तो मैं सॉइल का कौन सा वेट लेता है यहां पे स्ट्रेस निकालने के लिए, मैं सॉइल का कौन सा वेट लेता है यहां पे स्ट्रेस निकालने के लिए, ये देखो सेचुरेटेड, अरे सेचुरेशन तो वन से कम है, समझ, बहुत बढ़िया गजब, अरे बल्क यूनिट वेट लेते, बल्क यूनिट वेट, तो जब यहां पर पानी प्रेजेंट था डिग्री ऑफ सेचुरेशन वन नहीं है, आई वुड हैव टेकन बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, पर जब ये पूरी रीजन ड्राई हो गई, जब ये पूरी रीजन ड्राई हो गई, अब मेरे को कौन सा यूनिट वेट लेना पड़ेगा, ड्राई यूनिट वेट लेना पड़ेगा। तो अभी डिस्कस किया अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर में क्या चेंज आया, डेसिकेशन से पोर वाटर प्रेशर में क्या चेंज आया, डिक्रीज हो गई, बहुत बढ़िया, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर, देयर इज नो चेंज इन दिस, पर डेसिकेशन से टोटल स्ट्रेस क्या कर गई है, चेंज हो गई है, डेसिकेशन से टोटल स्ट्रेस क्या कर गई है, चेंज हो गई है, इसका मतलब अफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमारी जो यूनिट वेट है वो गामा बल्क से किसमें चली गई, गामा ड्राई में, जरा वैल्यू बताना गामा बल्क की कोई मुझे, व्हाट अबाउट बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन जनरल, व्हाट अबाउट द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन जनरल, इन जनरल बल्क यूनिट वेट कितना होता है, इन जनरल बल्क यूनिट वेट होती है, बल्क की बात कर रहा हूं मैं, यानी सेचुरेटेड भी नहीं है और ड्राई भी नहीं है, इट इज नॉट सेचुरेटेड नॉट ड्राई, 18 से लेके 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, व्हाट अबाउट ड्राई यूनिट वेट, व्हाट अबाउट ड्राई यूनिट वेट, 16 से लेके 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो जैसे ही हमारी सॉइल ड्राई हो गई, सॉइल का यूनिट वेट क्या हो गया, कम हो गया, अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सॉइल किसमें चली गई, अभी जो सॉइल है पॉइंट ए पे किसमें चली गई, ओवर कंसोलिडेशन स्टेज में चली गई, सॉइल हैज एंटर्ड इनटू ओवर कंसोलिडेशन स्टेज। दूसरा रीजन, अभी ये पानी सूख गया किसी और रीजन की वजह से, लेट सपोज टेम्परेचर बढ़ गया, तो फर्स्ट रीजन था टेम्परेचर का बढ़ना, दूसरा रीजन डेसिकेशन किसकी वजह से हो सकती है, डेसिकेशन और किसकी वजह से हो सकती है, दूसरा रीजन, पहला रीजन ये है डेसिकेशन का, पहला रीजन टेम्परेचर बढ़ गया,
दूसरा रीजन, प्लांट क्या कर गए, सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर गए, तो बिकॉज ऑफ वेजिटेशन एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट, हाँ कंजप्टिव यूज, बिल्कुल सही बात है। तो फिर से क्या हो सकती है, डेसिकेशन हो सकती है। तो डेसिकेशन बाय प्लांट लाइफ, तो डेसिकेशन बाय प्लांट लाइफ में ऑल्सो लीड टू ओवर कंसोलिडेशन, और ये चीजें आपको सवालों में लिखी हुई मिलेंगी, तो आपको ये सारी चीजें टेक्निकली रिलेट करनी पड़ेंगी। तो ओवर कंसोलिडेशन में बी ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन, एन रीजन है ओवर कंसोलिडेशन। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। क्लियर है की कहानी? अब जितनी भी बात मैंने आपको बताई है, एक्सकेवेशन बिल्कुल वो स्ट्रक्चर का पार्ट आ गया, ये आ गया ना इसके अंदर इरोजन ऑफ ओवरबर्डन, इरोजन ऑफ ओवरबर्डन, तो इसमें एक्सकेवेशन आ गई। तो इरोजन ऑफ ओवरबर्डन, तो एक्सकेवेशन बिल्कुल वही पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन वाटर टेबल लेवल, बेटा ये तो भी बताया था, अफेक्टिव स्ट्रेस होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, अगर वाटर टेबल लेवल बढ़ेगी पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा, अफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगी, अफेक्टिव स्ट्रेस विल डिक्रीज। इरोजन ऑफ ओवरबर्डन में आ गई लैंडस्लाइड। अब एग्जाम्पल सोच से जाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं नेचर में, एन एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको इन नेचर, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी देयर जो इन पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे, विच विल बी कवर्ड इन दीज पॉइंट्स। क्लियर यहां तक की कहानी? सर बर्डन, हाँ बर्डन, कौन सा बर्डन होगा, कौन सा बर्डन होगा, ताला आपका सूख जाना, ताला आपके सूख जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो आया एक नया टेक्निकल पॉइंट है फिर से, ये ताला आपके सूख जाने से कोई पॉइंट फर्क नहीं पड़ेगा अफेक्टिव स्ट्रेस पे। अब जिसने भी ये बोला है एक जानकारी दे दी है, ये जिसने भी ये चीज बोली है एक जानकारी दे दी है, ताला आपके सूख जाने से अफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? तालाब के सूख जाने से अफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ये हमारा तालाब है, इसकी पानी की डेप्थ है h, सॉइल का लेवल है h, जहां पर मैंने पॉइंट a कंसीडर किया। मुझे ये बताओ पॉइंट a पे अभी अफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, पॉइंट a पे भी अफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, पॉइंट a पे भी अफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, व्हाट इज द अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए, गामा यूनिट वेट कौन सी है सॉइल की, अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज हाउ मच, गामा समर्ज इनटू एच। और जब तालाब सूख गया फिर भी कितना है, तालाब सूख गया फिर भी कितना है अफेक्टिव स्ट्रेस, सेम है गामा समर्ज इनटू एच, तो तालाब के सूखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल के ऊपर है, वाटर टेबल लेवल के चेंज होने से अफेक्टिव स्ट्रेसेस में चेंज नहीं आता सॉइल के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाटर टेबल लेवल अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर है, वाटर टेबल लेवल के चेंज होने से सॉइल के अंदर अफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई चेंज नहीं आता। हाँ अगर वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल के नीचे होती, अगर ये वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल के नीचे होती तो वाटर टेबल लेवल के चेंज होने से अफेक्टिव स्ट्रेस पे चेंज आता है। क्लियर है? तो जिसने ये गलत स्टेटमेंट दी थी इसलिए मैंने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया, तो टेक्निकल चीज ही बता दी आपको यहाँ पे, इट वॉज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ रेफरेंस बीइंग डिस्कस्ड है। एक जना बोल रहा है पांच पॉइंट बता दो। पांचवा पॉइंट ये है कि जब सॉइल का जो सरफेस पे डेसिकेशन हो जाए, इससे टोटल स्ट्रेस कम हो जाता है, टोटल स्ट्रेस कम होने की वजह से अफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाती है, तो पहले अफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा थी, अब अफेक्टिव स्ट्रेस कम है, सॉइल विल बी ओवर कंसोलिडेटेड, सॉइल को हम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल बोलेंगे। इट इज अजम्पशन दैट पॉन्ड वाटर लेवल इज अबव द ग्राउंड लेवल। गजब हर्ष, क्या बात करी आपने, हर्ष बोल रहा है क्या ये अजम्पशन है कि पॉन्ड में पानी का लेवल ग्राउंड लेवल के ऊपर है। तो हर्ष बोल रहा है क्या आपने ये माना कि तालाब में पानी ग्राउंड के ऊपर था, मतलब क्या गजब सवाल पूछा है, मतलब ये मेरी अजम्पशन थी कि तालाब में पानी ग्राउंड के ऊपर था, अगर पानी ग्राउंड के नीचे होता तो वो तालाब कैसे होता, जरा ये बताना, अगर पानी ग्राउंड के नीचे होता तो वो तालाब ही कैसे होता। क्या क्या मतलब पूछते हैं यार, मतलब
चलो हो गया। सो विल कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते हैं। अब जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, उसको समझते हैं ग्राफिकली। वॉट एवर पॉइंट्स आई हैव डिस्कस विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ग्राफिकली। यहाँ चैट को अनेबल कर रहा हूं। आई एम डिसेबलिंग द चैट। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको हम समझते हैं ग्राफिकली। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ग्राफिकली। चलिए चेक करो पूरी स्टोरी को। अब मैंने आपको फिर से कर्व दिखाई है। ध्यान सुनना, सवाल है आपके लिए, कम से कम 15-20 सवाल है इसके अंदर आपके लिए। एटलीस्ट 14-15 प्रॉब्लम्स कैन बी रेफर डायरेक्टली फ्रॉम हियर। चेक, अभी जो भी स्टोरी बताई आपको, उस स्टोरी को मैंने आपको वॉइड रेशो, मार्क्ड ऑन वाई एक्सिस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस पे शो कर रखा है। So whatever discussion we have done can be referred from this curve directly. अब मेरी बात सुनना, उसके बाद लास्ट में कोई डाउट हो तो पूछना। मैंने एक ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल या प्री कंसोलिडेटेड सॉइल के ऊपर लोड अप्लाई किया। तो जब मैं प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, when I'm starting the process, सॉइल हमारी ओवर कंसोलिडेटेड है। So सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड। क्लियर है ये चीज, ध्यान रखना। सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड है तो इसका मतलब ये स्ट्रेस जीरो नहीं है। दिस स्ट्रेस इज नॉट जीरो, ये सिग्मा नॉट डैश है, इट इज सिग्मा नॉट डैश। तो मैंने सॉइल के ऊपर जब स्ट्रेस लगाना चालू किया, इसका इनिशियल वॉइड रेशियो है ई नॉट। अब क्योंकि सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड थी, ध्यान रखना, मैंने स्ट्रेस को बढ़ाना चालू किया। जब मैंने स्ट्रेस को बढ़ाना चालू किया, सॉइल की वॉइड रेशियो कम होने लग गई। देयर इज रिडक्शन इन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल, यानी सेटलमेंट हो रही है सॉइल के अंदर। क्यों? क्योंकि पानी क्या कर रहा है, एक्सपेल आउट कर रहा है। कंसोलिडेशन इज टेकिंग प्लेस इन दी सॉइल, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन हो रही है सॉइल में, सॉइल का वॉल्यूम कम होता जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज डिक्रीजिंग। अभी जो वॉल्यूम कम हो रहा है सॉइल का, वो कंपैरेटिवली कम निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, सो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल लेस कंप्रेसिबल होती है। सो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल आर लेस कंप्रेसिबल। तो इसका मतलब इन द रीजन ओ ए, द सेटलमेंट ऑफ द सॉइल विल कम आउट टू बी लेस इन कंपेरिजन टू द फर्दर सेटलमेंट, जो सेटलमेंट में आगे आपको बताने वाला हूं। पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, दीज आर प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि ओ और ए के बीच में जो भी स्ट्रेस आपने लगाए, ओ और ए के बीच में जितने भी स्ट्रेस आपने लगाए, वो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से कम थे। सो दिस वॉज प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। तो सिग्मा नॉट से लेके सिग्मा सी डैश तक जो भी स्ट्रेस लगा, वो हमारे प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से कम था। सॉइल विल बी ओवर कंसोलिडेटेड और सॉइल में सेटलमेंट निकल के आएगी कम। तो इस रीजन की जो कर्व होती है उसको हम बोलते हैं रीकंप्रेशन कर्व। क्यों बोलते हैं रीकंप्रेशन कर्व? क्योंकि सॉइल में दोबारा कंप्रेशन आ रहा है। इस स्ट्रेस तक सॉइल में कंप्रेशन आ चुका था, आपने इन स्ट्रेस को दोबारा अप्लाई किया है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा रीकंप्रेशन कर्व। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस पे पहुंचे और मैंने स्ट्रेस को और बढ़ाया, नाउ आई हैव फर्दर इंक्रीज दी स्ट्रेस। अब मैंने स्ट्रेस को जब और बढ़ाया, आज के टाइम पे जो स्ट्रेस लग रहे हैं, तो बियॉन्ड पॉइंट ए जो भी स्ट्रेस आप लगाओगे, वो हिस्ट्री में मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। इसका मतलब आफ्टर पॉइंट ए द सॉइल विल बी इन नॉर्मली कंसोलिडेशन स्टेज। तो यहां पर सॉइल थी ओवर कंसोलिडेशन स्टेज में, अब सॉइल आ गई है नॉर्मल कंसोलिडेशन स्टेज के अंदर। अब सॉइल के अंदर सेटलमेंट ज्यादा निकल के आएगी पहले वाले से। क्यों? क्योंकि अब सॉइल के अंदर वॉल्यूम चेंज सॉलिड के डिस्ट्रक्शन की वजह से भी होगा। नाउ द वॉल्यूम चेंज व्हिच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द सॉइल इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर आल्सो। क्योंकि आज का जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस बन गया। तो आप चेक कर सकते हो जब मैंने स्ट्रेस को चेंज किया सिग्मा नॉट से लेके सिग्मा सी डैश तक, कुछ वॉल्यूम चेंज आया, देयर इज सम वॉल्यूम चेंज। और जब इतना ही स्ट्रेस मैंने आगे और चेंज किया, अब जो वॉल्यूम चेंज निकल के आया है वो ज्यादा निकल के आया है। Now the volume change which is observed is comparatively more. कहने का मतलब है normally consolidated soil ज़्यादा compressible होती है। क्योंकि ये soil पहली बार compress हो रही है इतने extent तक, इस curve को हम बोलते हैं virgin compression curve. This curve is technically termed as virgin compression curve. इस curve की जो shape निकल के आती है वो आती है concave. फिर से कोई logic नहीं है इसके अंदर, there is no logic in it. और रीकंप्रेशन कर्व की जो शेप निकल के आती है, ये निकल के आती है कॉन्वेक्स। इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। हमने टेस्ट परफॉर्म किया सॉइल के ऊपर, कौन सा टेस्ट? कंसोलिडेशन टेस्ट। और कंसोलिडेशन टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है।
तो ए से लेके बी तक जब आप स्ट्रेस लगा रहे थे सॉइल में, ये सारे के सारे प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से ज्यादा थे, तो सॉइल इज बिहेविंग लाइक नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल इन रीजन ए एंड बी। बी पॉइंट पे आके आपने लोड हटा दिया, एट पॉइंट बी जो भी आप स्ट्रेस लगा रहे थे सॉइल के ऊपर आपने उसकी अनलोडिंग कर ली। क्योंकि आपने उसकी अनलोडिंग कर ली, नाउ एक्सपेंशन ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस। अब सॉइल एक्सपेंड करती है, तो ये अनलोडिंग कर्व है। अनलोडिंग कर्व में क्या हो रहा है, सॉइल का वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी वॉइड रेशियो बढ़ रहा है। तो नाउ अनलोडिंग ऑफ द सॉइल इज टेकिंग प्लेस। पर जब आपने सॉइल के ऊपर वो लोड हटा दिया जो आपने लगा रखा था, सॉइल जब अनलोड कर रही है, सॉइल जो अनलोड कर रही है इसमें अनलोडिंग ओरिजिनल लेवल तक नहीं होगी। इन दिस अनलोडिंग विल नॉट टेक प्लेस अप टू द ओरिजिनल लेवल। क्यों? क्योंकि कुछ वॉल्यूम चेंज सॉलिड के परमानेंट डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ था, वो सॉइल रीगेन नहीं कर पाएगी। कौन सा वॉल्यूम रीगेन कर लिया सॉइल ने? बिकॉज ऑफ इलास्टिक रिबाउंड। सो व्हाटएवर अनलोडिंग वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड इज बिकॉज ऑफ इलास्टिक रिबाउंड ऑफ द सॉइल। बट व्हाटएवर वॉल्यूम चेंज हैव टेकन प्लेस ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड, दैट कैनॉट बी रीगेन्ड। इस बात को समझाने के लिए मैं डायग्राम के ऊपर इस चीज को मार्क ही कर देता हूं। कैसे मार्क कर देता हूं? जो भी वॉल्यूम चेंज आया, कितना वॉल्यूम चेंज आया इसको मैं शो करता हूं, टोटल वॉल्यूम चेंज। टोटल वॉल्यूम चेंज जो आया बी तक वो इतना आया है। जब आपने लोड लगाया टोटल वॉल्यूम चेंज इतनी आई है। सॉइल ने कितनी वॉल्यूम चेंज को रीगेन किया? बस इतना वॉल्यूम चेंज ही रीगेन किया है। तो ये वॉइड रेशियो रीगेन हुई है, दिस इज द टोटल चेंज इन वॉइड रेशियो। ये जो वॉइड रेशियो रीगेन हुई है इट इज बिकॉज ऑफ द इलास्टिक रीबाउंड ऑफ द सॉइल। ऑब्जेक्टिव मिलेगा ध्यान रखना। सो आफ्टर अनलोडिंग द सॉइल द इंक्रीज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इलास्टिक रीबाउंड। बट वॉट एवर वॉल्यूम चेंज हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉलिड, दैट कैनॉट बी रीगेन्ड, वो रीगेन नहीं कर पाएगी सॉइल। तो ये चीज हम देख सकते हैं इन रीजन बी सी। अब सी पॉइंट पे आके मैंने सॉइल के ऊपर दोबारा लोड लगाया, सी पॉइंट पे आके मैंने सॉइल के ऊपर दोबारा लोड लगाया। अब मुझे ये बताओ, जब सी पॉइंट के ऊपर आके आप सॉइल के ऊपर दोबारा लोड लगा रहे हो, सॉइल कैसे बिहेव करेगी? चैट को कर दिया एनेबल। सॉइल कैसे बिहेव करेगी? हाउ दी सॉइल विल बिहेव? सॉइल विल बिहेव लाइक ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। बाय, क्योंकि अब सॉइल में प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या हो गई है? अब सॉइल में प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या हो गई है? स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी। अब सॉइल में प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या हो गई है? स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू सॉइल बी। तो सॉइल में कहां तक स्ट्रेस लग चुकी थी? पॉइंट बी तक लग चुकी थी। आपने इसको अनलोड कर दिया, अब जब दोबारा लोड कर रहे हो, सॉइल में बिहेव लाइक ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। इसीलिए क्या चीज दिख रही है आपको, व्हाट कैन बी रेफर्ड? आपने जब सॉइल के ऊपर लोड लगाया फ्रॉम ए टू बी, आपने जब सॉइल के ऊपर लोड लगाया फ्रॉम ए टू बी ओरिजिनली, तब वॉल्यूम चेंज कितना आया? तब वॉल्यूम चेंज आया, लेट अस सपोज वॉल्यूम चेंज आया हमारा ई ए माइनस ई बी, दिस इज द वॉल्यूम चेंज विच इज ऑब्जर्व। अब जब आप सॉइल को दोबारा लोड कर रहे हो, दोबारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, चेक द वॉल्यूम चेंज। अब वॉल्यूम चेंज कितनी निकल के आ रही है? अब वॉल्यूम चेंज निकल के आ रही है ई ए डैश माइनस ई बी। पहले से ज्यादा निकल के आई या कम निकल के आई? जब मैंने सॉइल को दोबारा रीलोड किया, अब वॉल्यूम चेंज पहले से कम क्यों आ रही है? Why it is coming out to be less? क्योंकि अब सॉइल कैसे बिहेव कर रही है? Now the soil is behaving like over consolidated soil. अब ये एक over consolidated soil है, तो इसमें volume change पहले वाले के comparison में क्या निकल के आएगा? इसमें volume change पहले वाले के comparison में क्या निकल के आएगा? कम निकल के आएगा। क्लियर है चीज? क्योंकि डिस्ट्रक्शन नहीं होगी अब। बिल्कुल सही बात है, डिस्ट्रक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ये वाली कर्व भी स्लाइटली कॉन्वेक्स है, जैसे ये थी स्लाइटली कॉन्वेक्स, ये वाली कर्व भी स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है। स्लाइटली कॉन्वेक्स बोल दो या स्ट्रेट लाइन बोल दो, दोनों ही चलता है। तो इट स्लाइटली कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट जो समझने वाली बात है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट जो समझने वाली बात है, हमारी जो रीलोडिंग वाली कर्व है दोबारा बी पॉइंट पे आगे नहीं मिलती। हमारी जो रीलोडिंग वाली कर्व है वो बी पॉइंट पे नहीं मिलती, वो बी पॉइंट से थोड़ा सा नीचे मिलती है। इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। ये पॉइंट बी था, दिस वॉज पॉइंट बी, दिस वॉज अवर अनलोडिंग कर्व, और ये हमारी रीलोडिंग कर्व है। तो हमारी ये कर्व वर्जिन कंप्रेशन कर्व से बी पॉइंट पे आके नहीं मिलती, उससे पहले ही मिल जाती है आके बी डैश, उससे पहले ही मिल जाती है आके बी डैश। दिस पॉइंट इज बी डैश। अब मुझे इसका रीजन कोई बताएगा? सबने पढ़ रखा है कंसोलिडेशन, मुझे इसका रीजन बता दो। व्हाई दिस कर्व मीट्स एट बी डैश नॉट एट बी? इंस्ट्रक्शन होनी थी तो वो पहले ही हो गई, बिफोर
ये कर्व दोबारा आके बी पे क्यों नहीं मिलती है? जब हमारा स्ट्रेस बराबर हुआ सिग्मा बी डैश के, जब हमारा स्ट्रेस बराबर हुआ सिग्मा बी डैश के, रीलोडिंग कर्व में आपको पॉइंट नीचे मिल रहा है बी से। व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों हुआ? व्हाई टेक्स प्लेस? प्लास्टिसिटी इफेक्ट, सॉइल अरेंजमेंट, बिल्कुल अभी बताइए थी चीज मैंने, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, स्लोप इज आइदर कॉन्स्टेंट और इंक्रीजिंग। बेटा स्लोप कर्व से मत बताओ, टेक्निकली पूछ रहा हूं मैं आपसे, ऐसा क्या हो गया कि जब आपने वापस सिग्मा बी डैश स्ट्रेस लगाया, आपने सिग्मा बी डैश स्ट्रेस लगाया, तो हमारे पास जो वॉइड रेशियो निकल के आ रही है यहां से कम निकल के आ रही है। ये वॉइड रेशियो है ई नॉट, एग्जाम्पल लिया, यहां पर जो वॉइड रेशियो है वो है ई वन, तो अब वॉइड रेशियो कम क्यों निकल के आ रही है? वॉइस नॉट क्लियर, कंचन रिफ्रेशर सिस्टम, ये इसलिए निकल के आ रही है। जरा मेरे को ये बताना, आप एक ही सॉइल के ऊपर दो बार लोड अप्लाई कर दो, आप एक ही सॉइल के ऊपर दो बार लोड अप्लाई कर दो, आपको सेटलमेंट पहले से ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? आप एक ही सॉइल के ऊपर दो बार, ये देखो कम मिलेगी, भगवान, अरे टोटल सेटलमेंट की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल सेटलमेंट। एक ही सॉइल के ऊपर दो बार लोड अप्लाई कर दो, आपको टोटल सेटलमेंट पहले से ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? टोटल सेटलमेंट पहले से ज्यादा मिलेगी, पर इस टोटल सेटलमेंट में दूसरी बार जब लोड लगाया आपने, वो सेटलमेंट पहले वाले से कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? पर इस टोटल सेटलमेंट में जब दूसरी बार आपने जो लोड लगाया उसमें सेटलमेंट पहले वाले से कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? कम मिलेगी। इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं मैं, टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। क्या एग्जांपल ले रहा हूं? एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लोड को बढ़ाया 50 यूनिट से लेके 150 यूनिट तक, ध्यान सुनना, मैंने लोड को बढ़ाया 50 यूनिट से लेके 150 यूनिट तक, सिर्फ डायरेक्टली लोड बढ़ा दिया, आई हैव डायरेक्टली इंक्रीज द लोड। जब मैंने डायरेक्टली लोड बढ़ाया, मेरी सेटलमेंट निकल के आई 20 mm की, माय सेटलमेंट इज इक्वल टू 20 mm। इसको मैं शो कर देता हूं कर्व के फॉर्म में, तो सेटलमेंट निकल के आई 20 mm की, तो सेटलमेंट निकल के आई 20 mm की, हमने लोड बढ़ाया 50 से लेके 150 तक, सेटलमेंट आई 20 mm की। दूसरा केस, मैंने लोड को बढ़ाया 50 से लेके 100 तक, मैंने लोड को बढ़ाया 50 से लेके 100 तक, आई इंक्रीज द लोड फ्रॉम 50 टू 100। जब मैंने लोड को बढ़ाया 50 से लेके 100 तक, या मेरी वैल्यू तो 150 तक ही है, ये मेरी वैल्यू है 150 तक ही, मैंने लोड को बढ़ाया 50 से लेके 150 तक, सेटलमेंट कितनी आई? 20 mm ही आएगी, सेटलमेंट आएगी 20 mm। मैंने अनलोड कर दिया, आई हैव अनलोडेड इट, मैंने इसको अनलोड किया, अनलोड करने के बाद इसमें जो स्ट्रेस रिलीज हुआ, अब सॉइल के ऊपर स्ट्रेस आ गया 100 यूनिट का, नाउ द स्ट्रेस ओवर द सॉइल इज 100 यूनिट। मैंने अब सॉइल को 100 यूनिट से लेके 150 यूनिट तक दोबारा, मैंने अब सॉइल को 100 यूनिट से लेके 150 यूनिट तक दोबारा लोड किया, अब जो सेटलमेंट आएगी 2 यूनिट ज्यादा निकल के आई है, नाउ द सेटलमेंट इज 2 यूनिट मोर। अब टोटल सेटलमेंट कितनी है? 22 यूनिट्स है, नाउ द टोटल सेटलमेंट दैट विल कम आउट विल बी इक्वल टू 22 यूनिट्स। तो इस बार जो दूसरी सेटलमेंट है वो पहले वाली से क्या है? कम है, पर टोटल सेटलमेंट तो क्या कर गई है? व्हाट अबाउट द टोटल सेटलमेंट? ये इंक्रीज कर गई है। तो जब हम ये बोलते हैं कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में कंप्रेसिबिलिटी कम निकल के आती है, ये बात तब वैलिड होती है जब आपने स्ट्रेस को उसी रेंज में इंक्रीज कर रखा है। पर यहां पर वो सिचुएशन नहीं है। यहां पर क्या सिचुएशन आई है? आपने उसी सॉइल को दोबारा लोड किया अप टू द स्ट्रेस जिस पे वो पहले भी लोड हो चुकी थी, इसीलिए टोटल सेटलमेंट क्या निकल के आएगी? द टोटल सेटलमेंट विल कम आउट टू बी मोर। पर दूसरी बार जो सेटलमेंट हुई है वो पहली बार के कंपैरिजन में क्या निकलेगी? कम निकलेगी। तो ये दो अलग अलग बातें, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो अगर मैं अनलोडिंग नहीं करता, इफ आई वुड हैव नॉट अनलोडेड, मेरी कर्व बी पॉइंट के बाद से ही चल जाती। आवर कर्व शुड हैव बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम पॉइंट बी ओनली। क्लियर है चीज? और ये कर्व आगे एक्सटेंड करती जाती है, दिस कर्व विल एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट टाइम, ये इनफाइनाइट टाइम तक एक्सटेंड कर जाएगी। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? डाटा आर्बिट्री था, डाटा मैंने समझाने के लिए कुछ भी ले लिया था, डाटा वॉज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? सर सेम स्ट्रेस लगाएंगे बार बार तो सेटलमेंट
टोटल हर बार सेम स्ट्रेस लगाएंगे बार बार, आपका डाउट ही पढ़ने में नहीं आता, इतने डाउट आते हैं। सेम स्ट्रेस लगाएंगे हटाएगा बार बार, तो सेटलमेंट टोटल हर बार, हाँ सेटलमेंट हर बार टोटल पहले वाले से ज़्यादा निकल के आ जाएगी। आप सेम लोड हटाओगे, सेम लोड ऐड करोगे तो सेटलमेंट बढ़ती चली जाएगी। सर प्लीज़ ब्रेक 20 सेकेंड, कॉफ़ी पी लूँ प्लीज़। कौन है ये? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह बोल रहा है कॉफी पीनी है, इसको ब्रेक चाहिए। चलो ठीक है रणवीर सिंह, तुम कॉफी पियाओ। 5 मिनट की ब्रेक है, 20 सेकंड की बोली थी, 5 मिनट की ब्रेक दी तुम्हें। तो 5 मिनट्स ब्रेक है, 5 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है रणवीर, और कुछ? कॉफी भिजवानी है आपको? ऑर्डर वॉर्डर थोड़ी करना है कॉफी का कुछ? नहीं? चलो ठीक है, नोट्स तो मैं दे दूंगा आपको ग्रुप पे, आई शेयर दी नोट्स ऑन दी ग्रुप, नोट्स में शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। 5 मिनट की ब्रेक है, 5 मिनट्स ब्रेक है, कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। वॉइड रेशो क्या कभी जीरो, वॉइड रेशो क्या कभी जीरो वैल्यू अटेन करेगा? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था पूरा पानी बाहर नहीं जाएगा, अगर वॉइड रेशियो जीरो हो जाएगा सॉइल रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वॉइड रेशियो जीरो हो जाएगी सॉइल रॉक में कन्वर्ट हो गई, तो हम सॉइल की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट दी सॉइल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी रॉक। कौन सा ग्रुप है? ये लो टेलीग्राम लिंक, ज्वाइन कर लो। कौन सा ग्रुप है? आई एम शेयरिंग दी ग्रुप। तो टेलीग्राम लिंक चाहिए आप लोगों को? दिस इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है। आई शेयर दी लिंक, लिंक शेयर कर दिया मैंने। फुल स्क्रीन, एक मिनट पिन करने दो मुझे, मैसेज करते हो ऊपर चला जाता है वो मैसेज। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो। सर इनिशियल कंप्रेशन के पहले सेचुरेशन लेस देन वन क्यों लिया है? लिया नहीं है, होता है क्योंकि हवा भी प्रेजेंट है, बिकॉज एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट, सो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज लेस देन वन। एड्सॉर्ब्ड और एब्जॉर्ब वाटर में डिफरेंस, एड्सॉर्प्शन सरफेस पे होती है, एब्जॉर्प्शन बॉडी में होती है। एड्सॉर्प्शन इज ओवर द सरफेस, एब्जॉर्प्शन इज थ्रू आउट द बॉडी। तो अगर कोई चीज सरफेस पे एडहर कर जाए उसे एडसॉर्प्शन बोलते हैं, कोई चीज बॉडी के अंदर एडहर कर जाए उसे एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन। सेमी इनफाइनाइट सॉइल मीनिंग, सेमी इनफाइनाइट सॉइल का मतलब होता है जो एरिया है सॉइल का वो इनफाइनाइट है और जो डेप्थ है वो फाइनाइट है। व्हाट द इफेक्ट ऑफ डेसिकेशन इन क्ले एंड व्हाई? अफेक्ट ऑन व्हाट यू आर आस्किंग? यू आर आस्किंग अफेक्ट ऑफ व्हाट? डेसिकेशन मीन्स ड्राइनेस ऑफ द सॉइल। Now you are asking the effect of this dryness on what? Which property of the soil? There are infinite properties of the soil. You are talking about which property? After primary consolidation completion, pore water will not change. हाँ, pore water will not change. Pore water will not dissipate out. Once the primary consolidation is completed, pore water बाहर नहीं जाएगा. सर अनलोडिंग का स्लोप कम है, रीलोडिंग का स्लोप ज्यादा है ऑलवेज? अनलोडिंग का स्लोप कम है, रीलोडिंग का ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ऑलवेज, कहने का मतलब है रीलोडिंग कर्व विल ऑलवेज लाई अबव दी अनलोडिंग कर्व। रीलोडिंग कर्व हमेशा अनलोडिंग कर्व के ऊपर मिलेगी आपको, अनलोडिंग कर्व के ऊपर हमेशा रीलोडिंग कर्व मिलेगी आपको। इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू अचीव सेकेंडरी कंसोलिडेशन? वाई इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू अचीव? अरे सेकेंडरी कंसोलिडेशन होती है प्रैक्टिकली, तभी तो डिस्कस कर रहे हैं उसे। सेकेंडरी कंसोलिडेशन प्रैक्टिकली टेक्स प्लेस और बताया भी है, हाईली प्लास्टिक सॉइल में 10 से 20% होती है टोटल सेटलमेंट का। अगर टोटल सेटलमेंट है 50 mm, तो 10 mm तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन की वजह से ही होगा, और आप बोल रहे हो कि प्रैक्टिकली नहीं होता। प्रैक्टिकली तो होती है सेकेंडरी कंसोलिडेशन,
प्रैक्टिकली हम ये पता नहीं कर पाते कब स्टार्ट हो गई, ये बताया था मैंने आपको। प्रैक्टिकली वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हेन इट स्टार्ट्स, ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है, ये हम पता नहीं कर पाते, वो एक अलग चीज है, पर होती तो है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। चलिए पी के आओ, चाय कॉफी पी के आओ, फिर आना। बट सर वाटर तो कभी भी क्या बोल रहा है ये, वाटर तो कभी भी एक्सपेल होगा कंप्लीटली, टेक्स इनफाइनाइट टाइम। हाँ तो बिल्कुल, सेकेंडरी कंसोलिडेशन फिनिशेज इन इनफाइनाइट टाइम, अभी तो बोला सेकेंडरी कंसोलिडेशन इनफाइनाइट टाइम में फिनिश होती है। इनफैक्ट प्राइमरी कंसोलिडेशन को हम इनफाइनाइट टाइम में फिनिश मानते हैं, सेकेंडरी तो दूर की बात है। फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन टू बी कंप्लीटेड इनफाइनाइट टाइम विल टेक प्लेस। हाँ गेट स्कोर कार्ड वैलिड है, इस बार से वैलिड है। तीन साल तक वैलिड है। रिकम्प्रेशन कर्व वो कर्व जिसमें सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड है, अगर आप ओवर कंसोलिडेशन कर रहे हो सॉइल की कर्व के उस पोर्शन को हम रिकम्प्रेशन कर्व बोलते हैं जो स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है। लोड से सेटलमेंट कैसे बढ़ा, हाउ ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल बिहेव लाइक डेंस सैंड। डेंस सैंड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, डेंस सैंड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले की भी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए एक एनालॉजी बनाने के लिए हम बोल देते हैं कि ओवर कंसोलिडेटेड क्ले डेंस सैंड की तरह बिहेव कर रही है। तो अगर सैंड डेंस है इसका मतलब वो कॉम्पैक्टेड है बहुत ज्यादा, यानी उसमें वॉल्यूम चेंज ज्यादा नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर क्ले ओवर कंसोलिडेटेड है उसमें भी ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा, तो हम बोल सकते हैं बिहेवियर ऑफ ओवर कंसोलिडेटेड और हेवीली कंसोलिडेटेड क्ले इज इक्वलेंट टू दैट ऑफ डेंस सैंड, ये इक्वलेंट होता है डेंस सैंड। सर दिस ग्रुप चैट इज नो मोर एग्जिस्टेड, आई एम अनेबल टू ज्वाइन, इज देयर एनी अदर ऑप्शन, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आई गिव यू वन मोर लिंक, यू कैन मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम, आई शेयर यू वन अदर लिंक, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दैट। डज ड्राई डेंसिटी हैव एनी इफेक्ट ओवर द परमिटिविटी, ड्राई डेंसिटी हैव एनी, भाई ड्राई डेंसिटी का क्या लेने देना है परमिटिविटी से, अगर सॉइल कॉम्पैक्टेड है तो उसकी गामा डी आपको ज्यादा मिलेगी, सॉइल अगर कॉम्पैक्टेड है तो परमिटिविटी कम मिलेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राई डेंसिटी ने परमिटिविटी कम कराई है, इट डज नॉट मीन्स ड्राई डेंसिटी हैज रिड्यूस्ड द परमिटिविटी ऑफ द सॉइल। रिपीटेड लोड से सेटलमेंट कैसे बढ़ा, क्योंकि जो सेटलमेंट रीगेन करी थी उसने वो इनिशियल सेटलमेंट के बराबर नहीं थी, जो सेटलमेंट रीगेन करी थी वो इनिशियल सेटलमेंट के बराबर नहीं थी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब इनिशियली लोड लगाया सेटलमेंट थी 50 mm की, जब इनिशियली आपने लोड लगाया एक्स यूनिट का सेटलमेंट आई 50 mm की, फिर आपने उसको अनलोड कर दिया, अनलोडिंग करने के बाद उसमें रीगेन हुआ 20 mm का, इसका मतलब अब सॉइल में वॉल्यूम चेंज कितना है 30 यूनिट का है, नाउ द वॉल्यूम चेंज इज करस्पॉन्डिंग टू 30 यूनिट, यानी अब 30 mm की टोटल सेटलमेंट हो रही है उसमें। तो जब एक्स यूनिट का लोड लगाया टोटल सेटलमेंट थी 50 यूनिट की, मैंने अनलोड कर दिया सॉइल को, 20 mm की सेटलमेंट वो रीगेन कर गया, यानी सॉइल का वॉल्यूम बढ़ गया, पर अभी भी कितना सेटल्ड है वो 30 mm सेटल्ड है। अब मैंने इस 30 mm सेटल्ड सॉइल के ऊपर दोबारा एक्स यूनिट का लोड लगाया, अब जब मैंने दोबारा एक्स यूनिट का लोड लगाया, पहली चीज बताओ दोबारा एक्स लगाने पे सेटलमेंट 50 यूनिट की होगी या नहीं होगी, दोबारा एक्स लगाने पे सेटलमेंट 50 यूनिट की होगी या नहीं होगी, दोबारा एक्स लोड लगाने से सेटलमेंट 50 की होगी या 50 से ज्यादा होगी या 50 से कम होगी, दोबारा एक्स लगाने से टोटल सेटलमेंट 50 से ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी। अब कम निकल के आएगी क्योंकि अब सॉइल कैसी है ओवर कंसोलिडेटेड है,
दोबारा एक्स यूनिट का लोड लगाने से, दोबारा एक्स यूनिट का लोड लगाने से अब सेटलमेंट निकल के आई सॉइल के अंदर, अब सेटलमेंट निकल के आई सॉइल के अंदर 35 यूनिट की। तो मुझे बताओ सॉइल टोटल कितना सेटल कर गई, सॉइल टोटल कितना सेटल कर गई है, 65 यूनिट सेटल कर गई है। तो टोटल सेटलमेंट तो ज्यादा ही निकल के आई है अभी भी, क्लियर है। डेसिकेशन ऑफ क्ले से अफेक्टेड स्ट्रेस पे अफेक्ट बताया तो था अभी पीछे रजत, डेसिकेशन से अफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या अफेक्ट होता है पीछे डिस्कस कर लिया था हमने। दीज पीपल आर रिलेटिंग टोटल सेटलमेंट विद अल्टीमेट सेटलमेंट, बेटर टोटल सेटलमेंट इज नॉट द अल्टीमेट सेटलमेंट, अल्टीमेट सेटलमेंट मीन्स फाइनल सेटलमेंट। अल्टीमेट सेटलमेंट का मतलब फाइनल सेटलमेंट होता है। कितने बजे तक क्लास होगी, 11 बजे तक होगी, अभी 1 घंटा बचा हुआ है। कंटिन्यू करो सर, वेस्ट कर रहा है टाइम। चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं, 5 मिनट हो गया। कितने बजे ब्रेक दी थी मैंने, व्हाट वाज दी टाइम एट विच ब्रेक वाज गिवन। सर ये स्पेशल क्लास क्या बोल रहा है ये, सर ये स्पेशल क्लास रोज होती है। नहीं रोज नहीं होती स्पेशल क्लास, ये 9:57 पे दिया था, अभी क्या हो गया। चलो 10 मिनट का ब्रेक हो गया, चलो ठीक है आ जाओ आप सब। सो विल कंटिन्यू, सो विल कंटिन्यू, कंटिन्यू करते हैं हम। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हाँ ठीक है अब बस हो गया। हम डिस्कस क्या कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग द रोल ऑफ द स्ट्रेस हिस्ट्री ओवर द कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल। तो हमने ये एनालिसिस करी, जब हमने ये एनालिसिस करी हमें इस कर्व की वेरिएशन लीनियर नहीं मिली। तो किसी भी पोर्शन में कर्व की वेरिएशन लीनियर नहीं है। मैं वेरिएशन को मार्क कर देता हूं यहां पे, दिस इज स्लाइटली कॉन्वेक्स, ये रीजन स्लाइटली कॉन्वेक्स है, दिस इज कॉनकेव, तो ये कॉनकेव निकल के आया, तो ये रीजन कॉनकेव निकल के आया, दिस इज कॉनकेव और ये भी स्लाइटली कॉन्वेक्स है, दिस इज स्लाइटली कॉन्वेक्स। इसका मतलब है अगर मैं इस कर्व को यूज करूं अपनी कैलकुलेशन के अंदर, दिक्कत है। इफ आई यूज दिस कर्व टू परफॉर्म माय कैलकुलेशंस मैथमेटिकली इट विल बी ऑफ नो यूज बिकॉज द वैल्यूज आर चेंजिंग। हेंस व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंपलीफाइड अवर प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन अरिथमेटिक स्केल, आई एम अगेन रिपीटिंग, इन ऑर्डर टू सिंपलीफाई अवर मैथमेटिकल प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग द इफेक्टिव स्ट्रेसेस ऑन अरिथमेटिक स्केल, we report the arithmetic, we report the effective stress on logarithmic scale, and by doing so certain portion of this curve comes out to be straight line. तो है वही चीज, analysis भी वही है, हमने test भी वही किया, soil भी वही है, बस अब test के result को हमने arithmetic scale की जगह log scale पे बताया। फिर से ये जानकारी कैसे मिली हमें, observation के बाद ही मिली है जब हमने करके देखा ही है। तो अगर मैं इसी result को show करूं, if I show the same result on log scale, कुछ portion curve के क्या हो गए, straight हो गए। कैसे, सेम वही कर्व है, चेक करो, दिस वाज रिकंप्रेशन कर्व जिसमें सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की तरह बिहेव कर रही थी, नाउ इट हैज बिकम कंपैरेटिवली स्ट्रेटर, पूरा स्ट्रेट तो नहीं हुआ, ये अभी भी क्या है, ये अभी भी है स्लाइटली कॉन्वेक्स। तो रिकंप्रेशन कर्व इज स्टिल स्लाइटली कॉन्वेक्स, बट वर्जिन कंप्रेशन कर्व हैज बिकम अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन, वर्जिन कंप्रेशन कर्व अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन बन गई है। एक्सपेंशन कर्व इज अगेन कॉनकेव, ये भी अभी कॉनकेव ही है, तो स्लाइटली कॉनकेव, तो ये स्लाइटली कॉनकेव है। रिकंप्रेशन कर्व इज स्लाइटली कॉनवेक्स, बट अगेन दिस वर्जिन कंप्रेशन कर्व इज स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हुआ व्हेन द सॉइल इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, जब इसका मतलब ये हुआ कि जब सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड है तब हमारी कर्व का जो पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाता है। नाउ द पोर्शन कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली स्ट्रेट लाइन एंड हियर अवर प्रॉब्लम सॉल्व्स। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मेरा एम है सेटलमेंट कैलकुलेट करना, माय एम इज टू कैलकुलेट द सेटलमेंट। तो मेरा एम है सॉइल के अंदर सेटलमेंट निकालना। अब मुझे सेटलमेंट कौन बताता है, ध्यान से समझना इस चीज को, आई हैव टू कैलकुलेट द सेटलमेंट इन द सॉइल, मेरा एम है सॉइल के अंदर सेटलमेंट कैलकुलेट करना। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल,
चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये मुझे क्या बताएगा? ये मुझे बताएगा परसेंटेज सेटलमेंट। तो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ये मुझे फ्रैक्शन बता देगा सॉइल का जो सेटल हुआ, या वॉल्यूम बता देगा सॉइल का जो कम हुआ। सिंस वी हैव कंसीडर्ड द सॉइल टू बी सेमी इनफाइनाइट, द एंटायर वॉल्यूम चेंज विल कम इन, द एंटायर वॉल्यूम चेंज विल कम इन थिकनेस, एरिया विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो आप बोल सकते हो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन हाइट इन एरिया, दिस इज इक्वल टू टोटल हाइट इन टू एरिया। इट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, सो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम कैन बी टर्म्ड एज डेल्टा एच बाई एच। इसका मतलब चेंज इन हाइट ऑफ द सॉइल टू द ओरिजिनल हाइट ऑफ द सॉइल। मोर ओवर यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन टर्म्स ऑफ वॉइड्स। कैसे? मैं रिलेशन डिराइव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो। जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो। अब मुझे ये बताओ सॉइल के वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो आ रहा है वॉइड की वजह से, सॉलिड का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यू कैन से वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू वन प्लस वॉइड रेशियो। सॉलिड के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन बी रिटन एज व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू वन प्लस ई नॉट माइनस माइनस वॉल्यूम में चेंज निकालना है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो वही रहेगा इनटू वन प्लस ई वन। इनिशियल वॉइड रेशियो था ई नॉट, फाइनल वॉइड रेशियो है ई वन। तो ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिखा, सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज रिटन डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू वन प्लस ई नॉट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं क्या निकल के आता है? आई कैन से चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन हाइट, कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इसको अगर सिंप्लीफाई करें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो। तो अगर मुझे सॉइल की सेटलमेंट निकालनी है तो क्या निकाल लूं मैं वॉइड रेशियो में चेंज निकाल लूं। इफ आई हैव टू कैलकुलेट द सेटलमेंट ऑफ द सॉइल और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, आई हैव टू कैलकुलेट ओनली व्हाट? चेंज इन वॉइड रेशियो। अब मेरी कैलकुलेशन आसान कैसे हुई? मेरी कैलकुलेशन आसान इसलिए हुई कि पिछले वाले कर्व में जो पोर्शन था कर्व का वो कर्वी लीनियर था या नॉन लीनियर था, पर इस वाले कर्व में जो पोर्शन है हमारे कर्व की वो स्ट्रेट लाइन हो गई यानी लीनियर हो गई है। तो इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैलकुलेशन किसकी? कैलकुलेशन सेटलमेंट की। कैसे आसान हो जाती है? अब मैं इस बात को बता रहा हूं टेक्निकली। अभी तक तो मैंने बेसिक जानकारी दी कंसेप्ट बनाने के लिए, अब मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूं टेक्निकली। कैसे? ये सारे सवाल बनेंगे अब आपके। पीछे वाली कर्व उठाते हैं, पीछे वाली कर्व बनाते हैं। ये जो वर्जिन कंप्रेशन कर्व है, इस वर्जिन कंप्रेशन कर्व की जो स्लोप है, इस वर्जिन कंप्रेशन कर्व की जो स्लोप है इसको हम बोलते हैं एवी। एवी मतलब कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सो स्लोप ऑफ वर्जिन कंप्रेशन कर्व ऑफ वॉइड रेशियो एंड अफेक्टिव स्ट्रेस इज टर्म्ड एज कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब इसकी वैल्यू मुझे आप बताओगे, कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मुझे निकालनी है, इस कर्व की स्लोप है, स्लोप कैसे निकालूं? हाउ डू आई कैलकुलेट दी स्लोप ऑफ दिस कर्व? सो आई विल से स्लोप ऑफ दिस कर्व, तो स्लोप ऑफ दिस कर्व, तो मुझे इस कर्व की स्लोप निकालनी है। सो स्लोप ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू फाइनल वॉइड रेशियो माइनस इनिशियल वॉइड रेशियो डिवाइड बाय फाइनल अफेक्टिव स्ट्रेसेस। तो डिवाइड बाय फाइनल अफेक्टिव स्ट्रेसेस, तो डिवाइड बाय फाइनल अफेक्टिव स्ट्रेसेस माइनस ओरिजिनल अफेक्टिव स्ट्रेसेस। इसका मतलब एवी कितना निकल के आया? एवी निकल के आया चेंज इन वॉइड रेशियो टू द चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस। तो चेंज इन वॉइड रेशियो टू द चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस। पर ध्यान रखना ई1 की वैल्यू ई नॉट से कम है, ई1 इज लेस देन ई नॉट, तो माइनस साइन आएगा आगे। इसको समझने के लिए दिस इज ई नॉट, दिस इज ई1, दिस इज सिग्मा नॉट डैश, दिस इज सिग्मा वन डैश। सो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। सो स्लोप ऑफ वॉइड रेशियो वर्सेस अफेक्टिव स्ट्रेस कर्व ऑन अर्थमेटिक स्केल इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। मैं चैट को अनेबल कर लिया है, वैसे ही आई अनेबल दी चैट, चैट अनेबल्ड है यहाँ पे। आप मुझे ये बताओ इस एक्सप्रेशन में जो माइनस साइन लगा हुआ है आगे उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस एक्सप्रेशन में जो माइनस साइन लगा हुआ है आगे उसकी सिग्निफिकेंस क्या है?
What is the significance of the minus sign which is being provided in front of this? इसके आगे जो माइनस साइन लगा हुआ है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? What is the significance of this? चैट अनेबल्ड है, चैट इज अनेबल्ड, स्लोप इज डिक्रीजिंग, चलो ठीक है. डेल्टा ई का मतलब क्या है? What is the meaning of डेल्टा ई? स्लोप डिक्रीज हो रही है, हमें वो नहीं पता चल रहा है उससे. चेंज इन वॉइड रेशियो, सो डेल्टा ई मीन्स वॉट? चेंज इन वॉइड रेशियो. डेल्टा सिग्मा डैश मीन्स वॉट? चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस. व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस? व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस? व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस? इंक्रीजिंग. व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज इन वॉइड रेशियो? व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज इन वॉइड रेशियो? इट इज डिक्रीजिंग. तो सिग्मा डैश की वैल्यू का नेचर ऑफ चेंज है इंक्रीजिंग, वॉइड रेशियो का नेचर ऑफ चेंज है डिक्रीजिंग. इसलिए आगे क्या लगी हुई है? नेगेटिव साइन लगी हुई है. आप इंक्रीजिंग को अगर पॉजिटिव मानोगे डिक्रीजिंग नेगेटिव हो जाएगा, आप डिक्रीजिंग को अगर पॉजिटिव मानोगे इंक्रीजिंग नेगेटिव हो जाएगा. तो ये माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि अफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने के साथ वॉइड रेशियो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. दिस माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट विद इंक्रीज इन अफेक्टिव स्ट्रेस वॉइड रेशियो इज डिक्रीजिंग. क्लियर है चीज? वही करना है इसमें से कुछ भी. तो इसका मतलब अब मुझे ये बताओ, क्या एवी हमारे किसी काम की चीज है? विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कैन यू कैलकुलेट दी वॉल्यूम चेंज? तो मैं बोलूंगा चेंज इन वॉइड रेशियो इज इक्वल टू एवी इनटू डेल्टा सिग्मा डैश. क्या इस रिलेशन को मैं यूज करके सेटलमेंट निकाल सकता हूं? क्यों? क्योंकि अगर मैं इस रिलेशन को यूज करके सेटलमेंट निकालने की कोशिश करूंगा, मेरे को एवी की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? मेरे को एवी की जो वैल्यू चेंज हो रही है स्ट्रेस के साथ वो कंसिडर करनी पड़ जाएगी. एवरेज वैल्यू से काम नहीं चलेगा, एवरेज वैल्यू से तो एरर आ जाएगी, एवरेज वैल्यू से तो एरर निकल के आ जाएगी. स्लोप लीनियर नहीं है, यानी एवी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है. एवी इज नॉट कांस्टेंट. इसका मतलब अगर मुझे इस कर्व की इक्वेशन पता चलती तो मैं इसको इंटीग्रेट करके निकालता, और इस कर्व की इक्वेशन भी नहीं पता होती हमें. वी डोंट नो द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व. इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी is not being used for the calculation of the settlement. हाँ, अब ध्यान सुना इस बात को. हाँ, अगर स्ट्रेस का चेंज छोटा हुआ, तो उस पोर्शन के लिए आप इस स्लोप को लीनियर मान सकते हो. So for a small change in the effective stress, it can be considered to be a straight line. तो अगर effective stress में change बहुत छोटा है तो आप मान सकते हो virgin compression curve approximately क्या निकल के आ गई है? स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई है. फॉर द स्मॉल चेंज इन दी स्ट्रेसेस इट मे बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट, पर ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलिए अब बताओ इस कर्व का फायदा क्या है? इस कर्व का, अरे अमन पहले पढ़ तो लो, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा मैं. I'll share the telegram link. मेरे फेसबुक की प्रोफाइल पे लगा हुआ है, वहां से उठा लो. हर जगह दे रखा है, मैं वापस दे दूंगा. What is the advantage of this curve now? इस curve का advantage है the virgin compression curve is approximately a straight line. So slope of this curve, इस curve की slope कहलाती है compression index. So slope of this curve जो constant होगी is termed as compression index. So slope of this curve is termed as कंप्रेशन इंडेक्स. और कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन कुछ भी बोल दो, सो इट इज टर्म्ड एज कंप्रेशन इंडेक्स और कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन. मेरे को उसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताना क्या है. सो स्लोप ऑफ वर्जिन कंप्रेशन कर्व ऑन लॉग स्केल विल बी इक्वल टू व्हाट? चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन लॉग ऑफ चेंज इन स्ट्रेस. सो अपॉन लॉग ऑफ चेंज इन स्ट्रेस ये वैल्यू निकल के आएगी. फाइनल माइनस इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो सिग्मा वन डैश, दिस इज सिग्मा नॉट डैश. इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. इसको और क्या लिखा जा सकता है? माइनस डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा वन डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश. तो इसका एडवांटेज क्या मिला हमें? इसका एडवांटेज ये मिला कि कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहती. कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन does not varies, it remains constant. Clear है चीज? तो अब इसकी मदद से आप
सेटलमेंट निकाल सकते हो। तो सेटलमेंट कितनी होगी इसकी मदद से, माइनस सी सी लॉग सिग्मा वन डैश बाय सिग्मा नॉट डैश, और इसकी वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है पूरी रेंज के लिए, इट्स वैल्यू इज कॉन्स्टेंट फॉर द इंटायर रेंज। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें तो कुछ। तो दिस कर्व इज मीनिंगफुल कर्व फॉर अस फॉर कैलकुलेशन। नाउ अगेन फिर से एनालाइज करना, द स्लोप ऑफ रिकम्प्रेशन कर्व ऑन लॉग स्केल इज टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। द स्लोप ऑफ रिकम्प्रेशन कर्व ऑन लॉग स्केल इज टर्म्ड एज रिकम्प्रेशन इंडेक्स और कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू लॉग 10, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू लॉग 10 सिग्मा वन डैश डिवाइड बाय सिग्मा नॉट डैश। अब मुझे ये बताओ, कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हमें क्या जानकारी दे रहा है, व्हाट डस मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ स्टिल कॉन्वेक्स पर कॉन्वेक्सिटी पहले से कम हो गई है, व्हाट डस मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी सिग्निफाइज। ये कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हमें क्या बताता है, इट सिग्निफाइज रेट नहीं बताता है, खत्म, यही बताना चाहता था मैं, इट सिग्निफाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट, ये हमें सेटलमेंट का मैग्नीट्यूड बता रहा है, स्लोप रेट नहीं बताएगी, ध्यान रखना इसका। नेगेटिव साइन का मतलब है सेटलमेंट, हियर नेगेटिव साइन मींस सेटलमेंट, माइनस लगा सकते हो इसके आगे, तो माइनस साइन का मतलब डिक्रीज होना। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ कंसोलिडेशन, उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडिकेट्स व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडिकेट्स व्हाट, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट, ये भी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट बताता है। मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन सिग्निफाइज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन सिग्निफाइज व्हाट, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट बट विच सॉइल। कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट बता रहा है, कौन सी सॉइल के लिए, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट बता रहा है किसके लिए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। अब ये बताओ किसमें सेटलमेंट ज्यादा होती है, इन विच टाइप ऑफ सॉइल सेटलमेंट इज मोर, ये देखो ओवर कंसोलिडेटेड में, इन विच टाइप ऑफ सॉइल सेटलमेंट इज मोर, इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल सेटलमेंट इज मोर। तो आपको कोफिशियंट ऑफ रिकम्प्रेशन अप्रोक्सीमेटली 1/5 या 1/10 टाइम्स मिलेगा कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन का। तो कोफिशियंट ऑफ रिकम्प्रेशन कम्स आउट टू बी 1/5 और 1/10 टाइम्स ऑफ, मीन्स 5 to 10 टाइम्स लेस देन द कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन। इसका मतलब सेम लोड लगाने पे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में आपको सेटलमेंट 5 से 10 गुना कम मिलेगी, सेम लोड लगाने पे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में हमें सेटलमेंट 5 से लेके 10 गुना कम मिलती है, और नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में 5 से 10 गुना ज्यादा मिल जाती है। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसको तो कुछ। ये रिकम्प्रेशन कर्व की स्लोप भी क्या कहलाएगी, रिकम्प्रेशन कर्व की स्लोप भी क्या कहलाएगी, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में पास में सेटलमेंट हो चुकी होती है, हाँ पास में सेटलमेंट हो चुकी होती है बिकॉज ऑफ दी ब्रेकिंग ऑफ दी स्ट्रक्चर, सेटलमेंट तो आज भी हो रही है उसमें, और जो सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेक होने की वजह से सेटलमेंट है वो अब दोबारा नहीं हो रही। रिकम्प्रेशन कर्व की स्लोप क्या कहलाएगी, रिकम्प्रेशन कर्व की स्लोप क्या कहलाएगी, यहां पर भी कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। नेक्स्ट स्लोप ऑफ दिस एक्सपेंशन कर्व, स्लोप ऑफ दिस एक्सपेंशन कर्व, इस कर्व की स्लोप कहलाती है कोफिशिएंट ऑफ स्वेलिंग। स्लोप ऑफ दिस एक्सपेंशन कर्व, तो स्लोप ऑफ दिस एक्सपेंशन कर्व इज टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ स्वेलिंग, सो इज टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ स्वेलिंग, सो इज टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ स्वेलिंग। मैग्नीट्यूड बताना कोफिशिएंट ऑफ स्वेलिंग का, मैग्नीट्यूड बताना कोफिशिएंट ऑफ स्वेलिंग का, तो कोफिशिएंट ऑफ स्वेलिंग विल बी इक्वल टू डेल्टा ई सेम लॉग 10 सिग्मा 1 डैश बाय सिग्मा नॉट डैश। अब यहां पे माइनस साइन नहीं है, क्यों नहीं है माइनस साइन, यहां पे जब मैंने एक्सपेंशन कर्व की स्लोप निकाली यहां पर माइनस साइन नहीं है, क्यों, व्हाई देयर इज नो माइनस साइन, स्ट्रेस क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस क्या कर रहे हैं, सेम नेचर के हैं, बहुत बढ़िया गजब, स्ट्रेस क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जब मैं अनलोडिंग कर रहा हूं स्ट्रेस क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और वॉइड रेशियो क्या कर रही है, वॉइड रेशियो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अब माइनस साइन वॉइड रेशियो की वजह से नहीं है, अब माइनस साइन किसकी वजह से है, अब माइनस साइन है स्ट्रेसेस की वजह से। नाउ दी माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ होम स्ट्रेसेस, तो माइनस साइन तो अभी भी आएगा, पर ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि वॉइड रेशियो तो बढ़ रहा है
पर हमारा जो अफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या कर रहा है, कम हो रहा है. सो स्टिल माइनस साइन विल बी अप्लाइड हियर. अभी भी माइनस साइन निकल के आएगी यहाँ पे. क्लियर है कहानी? स्लोप ऑफ अनलोडिंग कर, ये तो है अनलोडिंग कर, स्लोप ऑफ अनलोडिंग कर बोल दो, एक्सपेंशन कर बोल दो या स्वेलिंग कर बोल दो, एक ही बात है. एक्सपेंशन स्वेलिंग अनलोडिंग इज वन एंड द सेम थिंग. तो एक्सपेंशन स्वेलिंग अनलोडिंग इज वन एंड द सेम थिंग. सबका मतलब सेम होता है. कौन सा पॉइंट रिपीट करना है देवाशीष? विच पॉइंट इज टू बी रिपीटेड देवाशीष? कौन सी चीज रिपीट करूं उसको? विच पॉइंट इज टू बी रिपीटेड? लास्ट जो आपने कहा, लास्ट जो मैंने कहा, जब मैंने स्लोप निकाली स्वेलिंग कर्व की, इसमें वॉइड रेशियो तो बढ़ रहा था पर अफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रहा था, इसलिए मेरे को दोबारा से नेगेटिव साइन लगाना पड़ा. क्योंकि नेगेटिव साइन हमें यह बताता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनका चेंज अपोजिट टू ईच अदर है. पहले वॉइड रेशियो कम हो रहा था, अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा था, माइनस साइन उस वजह से आ रहा था. पर जब स्वेलिंग हो रही है तो अफेक्टिव स्ट्रेस तो कम हो रही है पर वॉइड रेशियो बढ़ रही है, तो माइनस साइन अफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से आया है क्योंकि हमने डिक्रीजिंग को नेगेटिव बोला हुआ है. तो शुरू में नोटेशन डिफाइन करी थी, डिक्रीजिंग नेगेटिव है, तो अब कौन डिक्रीज कर रहा है? अफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है. सीसी और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी कम होती है नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल से. हमें कंसोलिडेशन कौन बताता है? कोफिशियंट ऑफ रिकम्प्रेशन और कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन बताता है. इसलिए कोफिशियंट ऑफ रिकम्प्रेशन 5 से 10 गुना कम निकल के आता है कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन से. क्लियर है चीज? So since over consolidated soil is less compressible than normally consolidated soil, इन दोनों कर्व की जो स्लोप है उसमें भी तो वही रिलेशनशिप मिलेगी हमें, एंड सेम रिलेशनशिप विल बी ऑब्जर्व्ड. क्लियर यहां तक की कहानी? चलो थ्योरी तो बता दी मैंने आपको. देर आर सम एम्पेरिकल फॉर्मुलाज ऑफ सीसी. देर आर सम एम्पेरिकल फॉर्मुलाज ऑफ सीसी. हाँ बिल्कुल है एम्पेरिकल फॉर्मुला ऑफ सीसी. देर आर एन एम्पेरिकल फॉर्मुलाज ऑफ सीसी. तो एक थोड़ी है, एन एम्पेरिकल फॉर्मुला है सीसी के. कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के एन नंबर ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूलास है. कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन एंड एन नंबर ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूलास बताने हैं क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला बताने हैं. ये देखो आ गए कि हाँ बताने हैं, मतलब कोई भी चीज खुद नहीं करनी. लो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ इनको. लो भैया एम्पेरिकल फॉर्मूला. कितने चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला? पहले एक जनरल चीज बता देता हूं. फॉर मोस्ट सॉइल कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन वेरीज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.8. तो मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए वैल्यू वेरी कर जाती है 0.1 से लेके 0.8 के बीच में. सो फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल इट्स वैल्यू विल वेरी इन द रेंज ऑफ दिस. अब किस किस के लिए वैल्यू कितनी होती है? तो किस किस के लिए वैल्यू कितनी होती है? फॉर अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल. सो फॉर अनडिस्टर्ब्ड क्ले ऑफ मीडियम टू लो सेंसिटिविटी कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन इज 0.009. मतलब ये फॉर्मूले भी डायरेक्टली नहीं देखेंगे, ये भी बताओ इनको. लो नेक्स्ट फॉर रीमोल्डेड क्ले के लिए इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.007. लिक्विड लिमिट माइनस सेवन. नेक्स्ट फॉर ऑल क्लेस सारी क्ले के लिए आप इसको लगा सकते हो अगर वॉइड रेशियो पता है आपको. 0.007 बता दिया है फॉर ऑल क्लेस, सारी क्लेस के लिए वैल्यूज. फॉर ऑल क्लेस इट्स वैल्यू इज 1.15 वॉइड रेशियो माइनस 0.35. नेक्स्ट फॉर इनऑर्गेनिक कोहेसिव सॉइल तो फॉर इनऑर्गेनिक कोहेसिव सॉइल और फॉर क्लेई सिल्ट फॉर इनऑर्गेनिक कोहेसिव सॉइल और फॉर क्लेई सिल्ट सो क्लेई सिल्ट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0.3 इंटू वॉइड रेशियो
-0.27 लो, और सॉइल के लिए लो, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10^-2 इंटू नेचुरल वाटर कंटेंट, सो इंटू नेचुरल वाटर कंटेंट. नेक्स्ट, फॉर लो प्लास्टिक क्लेस कोफिशियंट ऑफ कंप्रेशन इज 0.75, सो इंटू 0.75 ई नॉट. ये पॉइंट आपके लिए छोड़ दिया है, दिस पॉइंट आई हैव लेफ्ट आउट. चैट अनेबल्ड है, आई हैव अनेबल्ड दी चैट. जरा बताओ ये क्या है लास्ट वाला पॉइंट. फॉर लो प्लास्टिक क्लेस कितनी वैल्यू है, लो प्लास्टिक क्ले के लिए वैल्यू कितनी निकल के आ रही है. फॉर लो प्लास्टिक क्लेस कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू 0.75 इंटू वॉइड रेशियो माइनस व्हाट, 0.3. बहुत बढ़िया, यही तैयारी चल रही है आप लोगों की. दिस इज दी प्रिपरेशन विच इज बीन गोइंग ऑन फॉर यू. फॉर लो प्लास्टिक क्लेस पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया, सारी कहानी बता दी, लास्ट में आगे एक पॉइंट छोड़ दिया आपके लिए. लास्ट पॉइंट आई हैव लेफ्ट आउट. इट्स कमिंग आउट टू बी हाउ मच, कितनी निकल के आती है वैल्यू. इट इज इक्वल टू 0.5, तो किसी ने सही बता दिया था पीछे. सो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इज 0.75 माइनस इनटू वॉइड रेशियो माइनस 0.5. अब लो, ये एम्पिरिकल रिलेशन है सारे. देयर आर एन नंबर ऑफ एम्पिरिकल रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ व्हिच कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड. ये लो सारे एम्पिरिकल रिलेशन है. तो अनडिस्टर्ब्ड क्ले के लिए, रीमोल्डेड के लिए, सारी क्ले के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, सर सबको याद रखना है, बिल्कुल सबको याद रखना है. कुछ भी उठा के पूछ लेगा, मैं तो बता भी नहीं रहा था, आपने पूछा था. मैं तो ये बता भी नहीं रहा था तो आपने पूछा था कि सर सर बुक में एम्पेरिकल रिलेशन भी लिखी होती है. लोग एम्पेरिकल रिलेशन लिखी हुई है वहां, दो तीन लिखी हुई होंगी. एन नंबर ऑफ सॉइल्स के लिए बता रखी है आपको, मोस्टली गिवन होता है सीसी. हाँ, मोस्टली गिवन होता है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉट गिवन, बट इन सम केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज गिवन, इन सम केसेस इट माइट नॉट बी गिवन. कुछ केसेस में एब्सेंट भी हो सकता है. चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फिर से मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अब मुझे ये बताओ कि पता कैसे करोगे सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड है अंडर कंसोलिडेटेड है. पता कैसे करोगे सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड है या अंडर कंसोलिडेटेड है. हाउ यू आइडेंटिफाई वेदर द सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड और अंडर कंसोलिडेटेड, ये चीज कैसे पता करेंगे. हाउ विल कम टू नो वेदर द सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड और अंडर कंसोलिडेटेड, ओइडोमीटर टेस्ट से पता करेंगे. बहुत बढ़िया. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सॉइल वेदर इट इज ओवर कंसोलिडेटेड और इट इज ओवर कंसोलिडेटेड और इट इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, वी शुड नो द वैल्यू ऑफ प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस. ये देखो एक दूसरा आया ओवर कंसोलिडेशन रेशियो से. अरे वो मैथमेटिकल तरीका है, फील्ड में जब सॉइल मिलेगी उससे पूछोगे क्या उस तेरी ओवर कंसोलिडेशन रेशियो कितनी है. कैसे पता करेंगे सॉइल कैसी है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो से पता करेंगे. वो देखो अभी और भी आ गए, सर कैसे पता करेंगे ओवर कंसोलिडेशन रेशियो से. सॉइल पता करने के लिए कि वो ओवर कंसोलिडेटेड है या नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, हमें जानकारी होनी चाहिए किसकी, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस की. वी शुड नो व्हाट इज द प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस. क्या ये पता कर सकते हो क्या प्रेजेंट में कि पास्ट में स्ट्रेस कितना मैक्सिमम था. अब इतने सारे रीजन बताए आपको, सर बिल्डिंग हटा दी, सर ग्लेशियर मेल्ट हो गया. जवाब दे रहे थे ना, ग्लेशियर मेल्ट हो गया सर. जब ग्लेशियर मेल्ट हो गया उसके बाद की तो स्ट्रेस निकाल सकते हो, जब ग्लेशियर था तब कितनी स्ट्रेस लग रही थी सोयल के ऊपर, क्या वो निकाल सकते हो क्या. कैन यू फाइंड दैट. तो कहने का मतलब है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर द सॉइल इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड, वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस. यानी सारी बात किसके ऊपर आगे रुक गई, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस के ऊपर आगे रुक गई. अब प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम, वो डिस्कस कर रहे हैं. तो फिर से एक नई चीज है, पहले नहीं सुनी होगी, तो पहले जहां पर भी पढ़ के आए हो वहां पर नहीं पढ़ी होगी ये चीज, इसलिए आप ध्यान से सुनना यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द स्टेज इन विच अ सॉइल इज इन, वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस. अब ये प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं. टू फाइंड द प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस वी परफॉर्म द टेस्ट ओवर द सॉइल एंड द सॉइल शुड बी ओवर कंसोलिडेटेड.
जिस भी टेस्ट के ऊपर आप रेफर कर रहे हो इस चीज को, वो सॉइल होनी चाहिए ओवर कंसोलिडेटेड। तो हमने ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया। टेस्ट में हमने वॉइड रेशियो और अफेक्टिव स्ट्रेस नोट किया। कौन सा टेस्ट है वो भी आगे बताऊंगा, दैट आई डिस्कस दी टेस्ट इन डिटेल आएगा वो टेस्ट। अभी कोई बोल रहा था ऑइडोमीटर टेस्ट, तो वो ऑइडोमीटर टेस्ट ही है। हम एक ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। टेस्ट का डाटा हमने प्लॉट किया लॉग स्केल पे। तो वॉइड रेशियो ऑन अरिथमेटिक स्केल, अफेक्टिव स्ट्रेस ऑन लॉग स्केल, हमने सारे पॉइंट्स ज्वाइन किए और एक कर्व बन गई। अब मुझे इस पूरी कर्व पे पता करना है प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या थे, व्हाट वाज दी प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस टू व्हिच सॉइल वाज सब्जेक्टेड। अब ये बताने के लिए मेथड सजेस्ट किया था, कैसे ग्रेडेड है, अब क्या मेथड सजेस्ट करी थी उसे ध्यान से सुनना है। बाय द जजमेंट ऑफ द आई, ये देखो स्ट्रेस पाथ जो बता रहा हूं वो सुन लो ना, अपनी क्यों लगा रहे हो उसके अंदर स्ट्रेस पाथ। बाय द जजमेंट ऑफ द आई मार्क द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम कर्वेचर ऑन द कर्व। तो फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द आई, यानी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, उस पॉइंट को मार्क करो जिसका कर्वेचर मैक्सिमम है। कर्वेचर मैक्सिमम मतलब जिसकी रेडियस मिनिमम है, तो आर मिनिमम होना चाहिए। तो अपनी जजमेंट के हिसाब से कर्व के ऊपर वो पॉइंट मार्क करो जिसका कर्वेचर मैक्सिमम है, यानी जिसकी रेडियस मिनिमम है। लेट सपोज वो ए पॉइंट है, तो हमने कर्व तो बना ली टेस्ट परफॉर्म करके, इसके ऊपर ए पॉइंट मार्क किया, इसका कर्वेचर मैक्सिमम था और ये ए पॉइंट हमने अपनी जजमेंट से निकाला। क्लियर चीज, यानी एरर आने के चांसेस है इसके अंदर। फिर ए पॉइंट से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ए पॉइंट से यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर ए पॉइंट से ही आपने टेंजेंट बनाई, एट पॉइंट ए यू हैव ड्रॉन अ टेंजेंट टू द कर्व। तो ए पॉइंट पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ए पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाई टू द कर्व, जो भी एंगल निकल के आया हॉरिजॉन्टल लाइन में और इस टेंजेंट में, इसको बाइसेक्ट करने वाला एक बाइसेक्टर बनाया, तो ये एंगल आया 20 डिग्री, तो आपने 10 डिग्री पे एक और लाइन बना दी। 10 डिग्री किससे, हॉरिजॉन्टल से या टेंजेंट से, तो हमने इस एंगल का एक बाइसेक्टर बनाया, वी हैव ड्रॉन अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। नेक्स्ट, जो हमारी कर्व का स्ट्रेट पोर्शन है, क्यों लॉग स्केल पे बना हुआ है इफेक्टिव स्ट्रेस, जो हमारी कर्व का स्ट्रेट पोर्शन है, इस कर्व स्ट्रेट पोर्शन को हमने एक्सटेंड किया, तो ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, दिस इज द स्ट्रेट एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द कर्व। ये स्ट्रेट एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द कर्व और ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस मिलती है। करस्पॉन्डिंग टू दैट वील गेट प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। कैसे ग्रेंडे ने ये ग्राफिकल मेथड सजेस्ट किया था प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस को निकालने का, तो इस पॉइंट को मैंने पीछे क्या बोल दिया था, इस पॉइंट वॉज टर्म्ड करस्पॉन्डिंग टू प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। इस पॉइंट में प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस आ रहे थे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के ऊपर ऑइडोमीटर के अंदर। टेस्ट के रिजल्ट को प्लॉट करेंगे कर्व के फॉर्म में, स्ट्रेसेस जाएंगे लॉग स्केल के ऊपर, जो हमारा स्लाइटली कॉन्वेक्स रीजन था कर्व के ऊपर उसमें हम पॉइंट मार्क करेंगे मैक्सिमम कर्वेचर का यानी मिनिमम रेडियस का फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द आई। वो पॉइंट मार्क करने के बाद उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएंगे, ऑन द सेम पॉइंट विल ड्रॉ टेंजेंट ऑन दिस कर्व। फिर हॉरिजॉन्टल और टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन बनाई जाएगी, विच विल बी टर्म्ड एज बाइसेक्टर। जो स्ट्रेट पोर्शन है कर्व का उसको एक्सटेंड करेंगे, जो स्ट्रेट पोर्शन हमने एक्सटेंड किया और जो बाइसेक्टर है जहां पर भी आके मिले उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा वो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस होगा। तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड विच इज सजेस्टेड बाय कैसे ग्रेंडे टू फाइंड द प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। अब इसमें से कोई सा भी डाउट हो किसी के लिए वो पूछ सकता है, सर कैसे ग्रेंडे और तरजागी की कैसे ग्रेंडे पॉइंट मार्क, क्या पूछ रहा है, पॉइंट मार्क करने से जो एरर आएगा उसका कुछ नहीं कर सकते, जो एरर आएगा वो तो आएगा ही। कर्व कैसे ऑप्टेन करी, ये टेस्ट का रिजल्ट था हमारा, कर्व कैसे ऑप्टेन किया तो बताया शालिनी आपको, सॉइल के सैंपल के ऊपर टेस्ट किया ना हमने कंसोलिडेशन टेस्ट, वो भी आगे करेंगे कंसोलिडेशन टेस्ट। तो कर्व बनाने के लिए जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेशन टेस्ट से आया। व्हाई वी हैव टेकन ओवर कंसोलिडेटेड नॉट नॉर्मली कंसोलिडेटेड। लोकेश कुमार आपने वही बात करी जो भी पीछे उसने करी थी,
कि सर अगर ग्लास खाली है तो कितना पानी होगा। अभी आपने बिल्कुल वही बात करी, ये लोकेश कुमार पूछ रहा है सर आपने नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्यों नहीं ली प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस निकालने के लिए। मैंने नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्यों नहीं ली प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस निकालने के लिए। तो अगर सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड है तो फिर प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस कैसे निकालोगे, हाउ यू विल फाइंड इट। अगर सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड है यानी आज का स्ट्रेस ही मैक्सिमम है तो भाई फिर टेस्ट करके निकालना क्या है आपको। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब क्या हुआ, आज का स्ट्रेस ही मैक्सिमम है ना, तो वही प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस है, द सेम इज द प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। तो फिर ये करने की जरूरत क्या है आपको, देन व्हाई यू टू परफॉर्म दिस टेस्ट। तो एक बार चीजों को समझा तो करो, समझने के बाद, ये मैंने शुरू में बोला था कि मैं तो आपको बता दूंगा फटाफट से सारी चीजें, पर चीजों को समझना, डायरेक्टली कूद मत पड़ना उसके ऊपर। तो इफ योर सॉइल इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड इट मींस द प्रेजेंट स्ट्रेस आर द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो आज का ही स्ट्रेस क्या है, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस है, तो उसको मैं पता क्या करना है मेरे को, व्हाई आई हैव टू परफॉर्म दिस स्ट्रेस, ये कहानी करूंगा क्या मैं इसके ऊपर। आपने कंसिडर किया है कर्व, आपने कंसिडर किया है कर्व, क्या कंसिडर किया है, क्या गिरा नीचे, पेन तो यही है, चलो ठीक है। क्या कंसीडर किया है मैंने, हाँ सर, जो पीसीएस की वैल्यू है जिस पॉइंट पे आपने यार क्या उसे लॉग ऑफ दैट स्ट्रेस, एक मिनट ये पेन हटाने दो, शायद अब पढ़ने में आ जाएगा। हाँ, जो पीसीएस की वैल्यू जिस पॉइंट पे आपने कंसिडर की है कर्व पे, दैट विल एक्चुअली गिव अस दी लॉग ऑफ दैट स्ट्रेस। हाँ, लॉग ऑफ दैट स्ट्रेस, यहाँ पे आपको लॉग मिलेगा प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस का। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज सपोज ये वैल्यू निकल के आती है एक्स, दिस विल बी लॉग ऑफ प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। बिल्कुल सही बात है यशवर्धन, योर स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू विल गेट प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस का लॉग। सर फील्ड में और लैब में रिकम्प्रेशन कर्व अलग क्यों होता है, भाई अभी टेस्ट करवाने तो दो अभिषेक कुमार, फिर से आगे भाग रहे हो, अगेन यू आर रनिंग इन फ्रंट। अभी ना मैंने आपको लैब टेस्ट बताया, अभी ना मैंने आपको फील्ड टेस्ट बताया, आप पूछ क्या रहे हो सर लैब टेस्ट और फील्ड टेस्ट के बाद जो कर्व आता है उसमें डिफरेंस क्यों होता है। नाइदर आई हैव डिस्कस लैब टेस्ट, नाइदर आई हैव डिस्कस फील्ड टेस्ट, हाउ द डिफरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड, मैं डिफरेंस कैसे बता दूंगा आपको। एक बार टेस्ट तो कराने दो मुझे, लेट मी एक्सप्लेन दी टेस्ट फर्स्ट। वो हाँ, काफी आगे चला गया वो, इसे शुरू में बोला था कि जो दिमाग में चीजें उसको वहीं पे रखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी एवरीथिंग विल बी क्लियर। क्लियर है यहां तक की कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, पढ़ चुका है वो, बी पॉइंट रिपीट कर दीजिए, बी पॉइंट रिपीट कर दूं, बी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, बी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सटेंडेड पॉइंट एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ये हमारा बी पॉइंट है। इज दिस मेथड इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, मोर ओवर मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूं मेरा एम सिर्फ आपके एग्जाम में नंबर दिलाना नहीं है, वो तो आ ही जाएंगे, वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है मेरा, मेरा प्राइमरी एस्पेक्ट है आपको बात तो समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। तो एग्जाम में पूछे नहीं पूछे फील्ड में तो काम करोगे जाके, वहां पर तो कम से कम पता हो ये सारी चीजें कैसे आती है। यहां पर रेडियस एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक्सपीरियंस के बेस पे अप्रोक्सीमेट तरीके से, शुरू में क्या बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एक्सपीरियंस, जजमेंट ऑफ द आई, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ द आई। क्या हम फील्ड में डायरेक्टली बता सकते हैं, नहीं डायरेक्टली नहीं बता सकते, टेस्ट परफॉर्म करके निकालना पड़ेगा आपको, टू परफॉर्म द टेस्ट एंड देन यू विल बी कैलकुलेट। फील्ड में देख के नहीं बताया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे मेहनत वाला पॉइंट, समझने में टाइम लगेगा बहुत। अब आगे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स,
इसलिए अब शांति से समझना। अभी तक तो यूं ही चल रही थी, अब कौन आ गया? दरजागी आ गया। अब आवाज नहीं आनी चाहिए। तो तरजागी इज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इस तरजागी इज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। ये नहीं होता तो आपका एक एक सब्जेक्ट ही नहीं होता। चलिए, वो दूसरा बोल रहा है सर फिर सॉयल एनालिसिस कैसे करते हैं? तो कौन बोल रहा है कि सर सॉयल एनालिसिस कैसे करते हैं? तो दुनिया तो तब भी चलती रहती अगर सॉयल के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तब भी दुनिया चल रही होती। कम से कम एक सब्जेक्ट तो कम हो जाता आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। हाँ हो गया, आप बस बंद करो। चैट को डिसेबल कर दिया मैंने, आई हैव डिसेबल दी चैट। सो विल कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी हैव टू रेफर तरजागी इज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। इस थ्योरी को तो मैं डिराइव करके दे दूंगा आपको। आई विल डिराइव दिस एंटायर थ्योरी, पूरी थ्योरी डिराइव करेंगे डिटेल में। अगेन द डेरिवेशन दैट आई विल डिस्कस विल बी सीन बाय यू फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार देखोगे उस डेरिवेशन को। पर उस डेरिवेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस तरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी में होता क्या है। तो तरजागी तरजागी मैकेनिस्टिकली शोन द एनोलॉजी बिटवीन द कंसोलिडेशन विच टेक्स प्लेस इन द सॉइल एंड अ स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तरजागी तरजागी ने मैकेनिकली हमें यह बताया कि सॉइल में जो कंसोलिडेशन होता है उसको आप रिलेट कर सकते हो, रिलेट मतलब एनोलॉजी बना सकते हो विद अ स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तरजागी डेमोन्स्ट्रेटेड मैकेनिस्टिकली that consolidation of the soil can be made or can be understood by referring the spring piston system. अब ये spring piston system है mechanical model, it is a mechanical model, इसका soil से कोई लिंक नहीं है। पर इस mechanical model को समझने के बाद आप soil में consolidation आसानी से समझ पाओगे। इसीलिए उसने ये तरीका निकाला अपनी बात को समझाने का। तो मैं भी आपको वही चीज समझा रहा हूं ताकि आगे कंसोलिडेशन समझने में आपको दिक्कत नहीं हो कि एक्चुअल में कंसोलिडेशन होती क्या है। 2.5 घंटे निकल गए हैं, 2.5 घंटे बात करी मैंने हवा में कि देखो प्रेशर लगेगा, पानी बाहर निकल जाएगा, कैसे, हाउ। उस चीज को विजुलाइज करने के लिए हमें यह मॉडल समझना पड़ता है। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखा देता नहीं, देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल विद मी, आई शुड हैव शोन द वीडियो, उससे और पिक्चर क्लियर हो जाती। पर फिर भी अभी वीडियो का ऑप्शन नहीं है, कम से कम हमारे सामने पिक्चर तो है, हम इसको देख सकते हैं, वी कैन सी दिस। तो ये एनालॉजी बनाई तरजागी ने स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम में। अब ये स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम, मैं लिख रहा हूं उसको। तो ये स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम है। अब क्या है स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम? द स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। ये सिलेंड्रिकल वेसल बनी हुई है। तो द स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका प्लान बनाओगे सर्कुलर निकल के आएगा। तो मैं इस स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम को हटा रहा हूं ऊपर से, आई एम डिलीटिंग दिस, लिख के दे दिया मैंने आपको, क्योंकि मुझे इसका प्लान दिखाना है आपको। आई हैव ड्रॉन द प्लान आल्सो। इसका प्लान है सर्कुलर, तो इट्स प्लान इज सर्कुलर। मैंने परफेक्ट सर्कुलर नहीं बनाया पर आइडिया मिल गया आपको। अब करते क्या है इसके अंदर, दिस सिलेंड्रिकल वेसल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पिस्टन सेपरेटेड बाय स्प्रिंग। इसके अंदर नंबर ऑफ पिस्टन होती है। अब मैं पिस्टन को आपको दिखा रहा हूँ रेड कलर से, आई एम शोइंग द पिस्टन विद रेड कलर। तो जहां जहां पे ये लाल पेन चल रही है वो पिस्टन है। So this is piston, और ये piston separated है किससे? Piston separated है spring से, और बीच में spring लगी हुई है नीले कलर की। तो बीच में spring लगी हुई है नीले कलर की। तो it consists of number of pistons separated from each other with the help of the springs. तो बीच में spring लगी हुई है, तो in between springs are provided. Next, जो ये piston है ये perforated है सारे के सारे। All these pistons are perforated. मैं perforation को दिखा रहा हूँ आपको नीले कलर से। तो जो ब्लू कलर की लाइन बनाई हुई है ये perforations है। कहने का मतलब है पिस्टन में परफोरेशंस होती हैं, एन नंबर ऑफ ओपनिंग्स आर देयर। तो पिस्टन इज परफोरेटेड, तो पिस्टन इज परफोरेटेड, ये पिस्टन परफोरेटेड है। तो पिस्टन इज परफोरेटेड ताकि पानी एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में पास कर पाए। तो पानी एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में पास कर पाए। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है,
हमने नंबर ऑफ लेयर्स लगा रखी है पिस्टन की, पिस्टन परफोरेटेड है यानी ऊपर वाला चैम्बर नीचे वाले चैम्बर से कनेक्टेड है, और दो पिस्टन के बीच में स्प्रिंग लगी हुई है। इस वेसल का जो बॉटम है वो बंद है और टॉप ओपन है, इसका मतलब इस वेसल में पानी की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, वो है वर्टिकली अपर डायरेक्शन। इन दिस वेसल वाटर कैन ओनली मूव इन वन डायरेक्शन विच इज वर्टिकली अपर डायरेक्शन, पानी वर्टिकली अपर डायरेक्शन में ही पास कर सकता है। हमने इस पूरे सिलेंडर को भर दिया पानी से, तो वाटर इज प्रेजेंट अप टू दी टॉप। हमने ये पूरा सिलेंडर पानी से भर दिया है और पानी को मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, तो कलर रोटेशन मैंने बीच बीच में बता दिया है। तो पूरा वेसल पानी से भरा हुआ है। अब मैंने अलग अलग कंपार्टमेंट के सेंटर पे, ये देखो पहले कंपार्टमेंट का सेंटर, दूसरे कंपार्टमेंट का सेंटर, तीसरे कंपार्टमेंट का सेंटर, चौथे कंपार्टमेंट का सेंटर और पांचवें कंपार्टमेंट का सेंटर, 1 2 3 4 5, हर कंपार्टमेंट के सेंटर पे मैंने एक पीजोमीटर इंसर्ट किया। तो ये पीजोमीटर इंसर्ट किया हुआ है इनिशियली, क्योंकि हमारा ये सिलेंडर कंप्लीटली फिल्ड है, हर एक कंपार्टमेंट के सेंटर पे जो पीजोमीटर है उसमें पानी का लेवल क्या होगा, सेम। तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट हमने कोई टेस्ट स्टार्ट नहीं किया, इसका मतलब हर एक कंपार्टमेंट में पानी का लेवल, हर एक कंपार्टमेंट में पीजोमीटर के अंदर पानी का लेवल सेम मिलेगा आपको। सो दिस इज द वाटर लेवल इन द पीजोमीटर एट डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच इज बीइंग शोन टू यू इन द सिलेंड्रिकल वेसल। अब हमारा टेस्ट स्टार्ट होता है, पर टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने चैट को अनेबल किया और आपसे कुछ जानकारी पूछी कि जो स्प्रिंग्स पिस्टन सिस्टम है ये सॉइल से कैसे रिलेटेड है। तो मुझे यहां पे ये बताओ, यहां पर सॉइल किसके इक्विवेलेंट है, यहां पर सॉइल किसके इक्विवेलेंट है, हियर सॉइल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, स्प्रिंग। बहुत बढ़िया, पूरी जैसे मर्जी पढ़ा दो इनको। यहां पे सॉइल किसके इक्विवेलेंट है, सॉइल कौन है, यहां पे पिस्टन है, सॉइल वाटर है, सॉइल वाटर है। भगवान क्या तो बताया जाए इनको, यहाँ पे सॉइल को पानी बना दिया। हाँ, ये पूरा सिलेंडर सॉइल है। इस पूरे सिलेंडर में कौन कौन है, ये जो पूरा सिलेंडर है आपका, ये सॉइल है। दिस एंटायर सिलेंडर इज इक्वल टू सॉइल, ये मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। एनोलॉजी बिटवीन सॉइल स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम। तो स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम, मुझे ये बताओ यहां पर जो सॉलिड है स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम में, कौन है सॉलिड, स्प्रिंग है सॉलिड। तो हमारी सॉइल का सॉलिड किसके इक्विवेलेंट है, स्प्रिंग के इक्विवेलेंट है। दूसरा, सॉइल में जो वॉइड है वो किसके इक्विवेलेंट है, पिस्टन नहीं है बेटा अभिषेक कुमार, जो परफोरेशन है वो वॉइड के इक्विवेलेंट है। हमारा जो पोर वाटर है वो किसके इक्विवेलेंट है, हमारा जो पोर वाटर है किसके इक्विवेलेंट है, वाटर सराउंडिंग दी स्प्रिंग। ये सारी एनालॉजी बना के दिखाई है मैंने आपको, दिस इज द इंटायर एनालॉजी विच इज बीइंग शोन टू यू, क्लियर है चीज। मैंने आपको सॉलिड बता दिया, वॉइड बता दिया, पोर वाटर बता दिया, सॉइल, सॉइल क्या है यहां पे, ये पूरी वेसल है, ये सॉइल इज एंटायर वेसल यानी सिलेंडर आपका पूरा क्या है, सॉइल है। दूसरा, स्ट्रेस इन दी स्प्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्ट्रेस इन दी स्प्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, स्प्रिंग में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, अरे स्ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं, वो कंसोलिडेशन में पहुंच गया। स्प्रिंग में जो स्ट्रेस डेवलप होगा इट विल बी इक्वल टू अफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ दी सॉइल सॉलिड, अफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ दी सॉइल सॉलिड। और स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, वो हमारी कंसोलिडेशन के इक्विवेलेंट होगी। इसका मतलब ये सिस्टम एनालॉगस है किसके, ये सिस्टम एनालॉगस है किसके, हमारी सॉइल के। तो एक एक चीज रिलेट करके बताइए आपको, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो सारी बात, हमने टी इक्वल्स टू जीरो पे इसके ऊपर कंसोलिडेशन प्रेशर लगाया, मैंने टी इक्वल टू जीरो पे इसके ऊपर लोड लग दिया और लोड को मैंने क्या नाम दिया, कंसोलिडेशन प्रेशर डेल्टा सिग्मा। तो मैंने टी इक्वल टू जीरो पे जो ऊपर वाली पिस्टन है इसके ऊपर लोड रख दिया। अब मुझे ये बताओ, अगर टी इक्वल टू जीरो पे ये लोड स्प्रिंग कैरी कर जाता, स्प्रिंग में कंप्रेशन होती या नहीं होती, टी इक्वल टू जीरो पे जो टी इक्वल टू जीरो पे मैंने लोड लगाया, अगर ये लोड स्प्रिंग कैरी कर जाती
तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होती या नहीं होती? होती। अगर स्प्रिंग कंप्रेस कर जाती, दो पिस्टन के बीच की दूरी कम हो जाती या बढ़ जाती? अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो दो पिस्टन के बीच की दूरी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? तो दो पिस्टन के बीच की दूरी कम हो जाएगी, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ गया कम हो गया? यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुआ, इसका मतलब पानी को क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब पानी को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेल आउट होना पड़ेगा। पानी एक्सपेल आउट नहीं हो सकता इमीडिएटली, पानी को एक्सपेल आउट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो किस पे डिपेंडेंट है? ये सॉइल में किस पे डिपेंडेंट है? ये सॉइल में डिपेंडेंट है परमिबिलिटी के ऊपर, और यहां पर डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पिस्टन। यहां पर डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पिस्टन। कहने का मतलब है टी इक्वल टू जीरो पे अगर सारा लोड स्प्रिंग उठा लेती तो पानी बाहर जा ही नहीं सकता था टी इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि सॉइल तो कंप्रेस कर जाती, ये पिस्टन कंप्रेस कर जाता। जैसे ही पिस्टन कंप्रेस करता पानी को बाहर जाना पड़ता, और पानी इमीडिएटली टी इक्वल टू जीरो पे बाहर नहीं जा सकता। कंक्लूजन ड्रॉन इज वॉट? कंक्लूजन ड्रॉन इज वॉट? इनकंप्रेसिबल। हे भगवान। कंक्लूजन ड्रॉन इज कि जो कंसोलिडेशन प्रेशर है ये पानी ने उठा लिया। स्ट्रेस इज टेकन बाय द वॉटर नॉट सॉलिड। तो टी इक्वल टू जीरो पे सारा लोड कौन कैरी कर गया? पानी कैरी कर गया। तो जैसे ही लोड लगाओगे स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगी, स्प्रिंग वैसी की वैसी रहेगी। तो फिर लोड कौन कैरी कर रहा है? ये पानी कैरी कर रहा है। अगर ये लोड पानी कैरी करना है, इसका मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाएगी। सडनली पानी का प्रेशर क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमारा जो टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है, टी इक्वल टू जीरो पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है, इट इज इक्वल टू वॉट? डेल्टा सिग्मा। इसका मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर कितना मिलेगी आपको? डेल्टा सिग्मा डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर। ये जो मुझे लिखी हुई, यानी टी इक्वल टू जीरो पे जैसे ही आप लोड लगाओगे सारे पीजोमीटर में पानी का लेवल कितना पहुंच जाएगा? तो सारे पीजोमीटर में पानी का लेवल कितना पहुंच जाएगा? सारे पीजोमीटर में पानी का लेवल एच डब्ल्यू तक पहुंच जाएगा, सेम विच इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा बाय गामा डब्ल्यू। लेने आता की कहानी? तो टी इक्वल जीरो पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से भी? एनी पॉइंट ऑफ रेफर ऑन दिस और एनीवन? चलिए, अब जैसे ही पोर वाटर प्रेशर बढ़ गई, नाउ दिस पोर वाटर प्रेशर, दिस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर फोर्सेस द वाटर टू सीप आउट फ्रॉम द सॉइल। ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ है सॉइल के अंदर, ये पानी को फोर्स करता है बाहर जाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपल्शन ऑफ वाटर। तो पीछे किसी ने पूछा था सर कंप्रेशन और एक्सपल्शन में फर्क बता दो क्या होता है। अब ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है ये पानी को एक्सपेल आउट करेगा। तो पानी कंप्रेस नहीं होगा, पानी क्या करेगा? एक्सपेल आउट करेगा। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कौन सा पानी बाहर जाएगा? सबसे पहले कौन से पानी के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे? जो ड्रेनेज फेस के सबसे पास हो। ड्रेनेज फेस मतलब जो एग्जिट के सबसे पास हो। इसका मतलब ये टॉप चैम्बर वाला पानी सबसे पहले क्या कर जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो टॉप चैम्बर वाला पानी जो कंसोलिडेशन प्रेशर कैरी कर रहा था वो किसके ऊपर ट्रांसफर कर जाएगा? ये टॉप चैम्बर वाला पानी भी तो कुछ प्रेशर कैरी कर रहा था, ये किसके ऊपर ट्रांसफर कर जाएगा? ये स्प्रिंग के ऊपर ट्रांसफर कर जाएगा, और ऊपर वाले चैम्बर की स्प्रिंग क्या कर जाएगी? कंप्रेस कर जाएगी। तो इसका मतलब जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट आउट हुआ, इसकी वजह से जो हमारा कंसोलिडेशन प्रेशर था वो ट्रांसफर हुआ किसके ऊपर? स्प्रिंग के ऊपर, और स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। अगर स्प्रिंग में स्ट्रेस डेवलप हो गया, यानी हमारे सॉइल के सॉलिड में क्या डेवलप हो गया? अफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप हो गया। तो हमारी सॉइल में से जब पानी एक्सपेल आउट होता है, वो पानी जितना प्रेशर कैरी कर रहा होता है किसके ऊपर ट्रांसफर कर जाता है? सॉइल के सॉलिड के ऊपर ट्रांसफर कर जाता है। इसलिए सॉइल के सॉलिड क्या कर जाते हैं? कंप्रेस कर जाते हैं। हेंस दी सॉइल सॉलिड कंप्रेसेस एंड कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस। क्लियर है चीज? तो मैंने किसी भी टाइम टी इक्वल टू टी वन पे ये लिखा हुआ, टी इक्वल टू टी वन पे जो टी नॉट से ज्यादा है, मैंने किसी भी टाइम टी इक्वल टू टी वन पे, टी इक्वल टू टी वन पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर एनालाइज करने की कोशिश करी। तो मुझे ये बताओ टॉप वाले चैम्बर में, टॉप लेयर पे क्या सारा पानी बाहर चला जाएगा? टॉप वाले चैम्बर में टॉप लेयर पे, टॉप लेयर का पानी पूछ रहा हूं मैं, अरे टॉप लेयर का पानी पूछ रहा हूं, सुनो सवाल, जो टॉप लेयर का पानी था क्या वो बाहर चला गया? टॉप लेयर वाला पानी सबसे पहले बाहर गया, वो तो नीचे वाला पानी ऊपर आ गया था, तो टॉप लेयर वाला पानी चला गया ऊपर, और नीचे वाली लेयर में से भी कुछ पानी बाहर चला गया। जो सेंटर वाली लेयर थी इसमें से भी कुछ पानी बाहर चला गया। तो अगर मैं टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू टी पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर मार्क करूं, तो जो पीजोमीटर टॉप पे लगा हुआ है वहां पे प्रेशर कितना मिलेगा?
जो पीजोमीटर टॉप पे लगा हुआ है वहां पे प्रेशर कितना मिलेगा? जीरो। जो पीजोमीटर पहले चैंबर के सेंटर में लगा हुआ है वहां पे प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पहले प्रेशर कितना था? टॉप लेवल तक। अब प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया है। टी इक्वल्स टू टी वन पे दूसरे चैंबर के सेंटर में जो पीजोमीटर लगी हुई है यहां पर भी कुछ पानी बाहर चला गया तो प्रेशर ड्रॉप कर गया। तीसरे चैंबर के सेंटर में जो पीजोमीटर लगी हुई है इस पे प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तीसरे चैंबर का पानी अभी तक बाहर ही नहीं गया। तो अभी तक थर्ड चैम्बर का पानी बाहर नहीं गया है, अभी तक सिर्फ पहले और दूसरे चैम्बर का ही कुछ पानी बाहर गया है। इसलिए पहले और दूसरे चैम्बर में कुछ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या हो गई? ड्रॉप हो गई है। फिर मैंने टाइम कंसिडर किया टी टू, टाइम और बढ़ा, टाइम और बढ़ा, पहले चैम्बर का कुछ पानी और बाहर गया, दूसरे चैम्बर का भी कुछ पानी और बाहर गया, तीसरे चैम्बर का भी पानी कुछ और बाहर गया। तो अब तीसरे चैम्बर में भी टी इक्वल टू टी टू पे पोर वाटर प्रेशर क्या कर गई? ड्रॉप कर गई। तो पोर वाटर प्रेशर ड्रॉप कर गई है टी इक्वल टू टी टू पे। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर पानी को क्या कर रहा है? डेसिपेट आउट कर रहा है। और जब ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट आउट कर रहा है, ये अपना लोड किसके ऊपर ट्रांसफर करता हुआ जा रहा है? ये अपना लोड ट्रांसफर करता हुआ जा रहा है किसके ऊपर? स्प्रिंग के ऊपर, हमारे सॉइल में सॉलिड के ऊपर, हमारे सॉइल में किसके ऊपर? सॉइल के सॉलिड के ऊपर। क्लियर है चीज? जैसे ही स्ट्रेस ट्रांसफर हुई सॉइल के सॉलिड के ऊपर, उसमें क्या हो जाएगी? कंप्रेशन हो जाएगी। नाउ एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, टी इक्वल्स टू इंफिनिटी सारा पानी बाहर चला गया। टी इक्वल्स टू इंफिनिटी पे सारा पानी बाहर चला गया, इसका मतलब पानी ने सारा कंसोलिडेशन प्रेशर किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया? पानी ने सारा कंसोलिडेशन प्रेशर किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया? सॉइल के सॉलिड के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो सारे चैम्बर में हमारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सारे चैम्बर्स के अंदर हमारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाएगा। इट मींस एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितनी होगी? एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितनी होगी? जीरो होगी। टी इक्वल्स टू इंफिनिटी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विल बी इक्वल टू जीरो। एट टी इक्वल्स टू टी नॉट अफेक्टिव स्ट्रेस कितने होंगे सॉइल में? एट टी इक्वल्स टू टी नॉट अफेक्टिव स्ट्रेस इन द सॉइल विल बी हाउ मच? जीरो। एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी अफेक्टिव स्ट्रेस इन द सॉइल विल बी हाउ मच? डेल्टा सिग्मा, कंसोलिडेशन प्रेशर मैक्सिमम। मुझे बताओ टी इक्वल टू टी पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितनी होगी? टी इक्वल टू टी पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितनी होगी? डेल्टा सिग्मा से कम पर यू से ज्यादा, डेल्टा सिग्मा से कम पर यू से ज्यादा। इसका मतलब अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? इसका मतलब अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? इसका मतलब अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? व्हाट द वैल्यू ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस? मुझे अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा सिग्मा माइनस यू, डेल्टा सिग्मा माइनस यू। और ऐसी ही एग्जैक्टली चीज किसके अंदर होती है? सॉइल के अंदर होती है। इसका मतलब मुझे ये बताओ, इसका मतलब मुझे बताओ, कंसोलिडेशन टोटल स्ट्रेस की वजह से हो रही थी, अफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से हो रही थी? कंसोलिडेशन टोटल स्ट्रेस की वजह से हो रही थी, अफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से हो रही थी? इट इज बिकॉज ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस। तो सॉइल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो फंक्शन होती है अफेक्टिव स्ट्रेस का। वट एवर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल आर अंडर कंसिडरेशन आर द फंक्शन ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेसेस। तो अब बताओ कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन मीन्स डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कंसोलिडेशन मीन्स डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय स्क्वीजिंग आउट ऑफ द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। कंसोलिडेशन मीन्स डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल By squeezing out of the excess pore water pressure due to dissipation of what? Due to dissipation of what? Excess pore water pressure. So consolidation का मतलब है decrease in the volume of soil due to squeezing out of the pore water from the solids due to dissipation of excess pore water pressure. And this excess pore water pressure was developed by the application of what? Applied stresses. ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ था किसकी वजह से हुआ था? अप्लाइड स्ट्रेस की वजह से हुआ था। तो इसी को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज कंसोलिडेशन। यू कैन से डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय द स्क्वीजिंग आउट ऑफ द पोर वाटर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेजुअल डेसिपेशन ऑफ एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंड्यूस्ड बाय द इम्पोज लोड ऑन द सॉइल। दिस इज नोन एज प्राइमरी कंसोलिडेशन। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो अब जाके प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है। फ्रॉम हेयर द प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट्स। मतलब 3 घंटे बाद तो आके हमारी कहानी स्टार्ट हुई है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन होती कैसे है। इससे पहले तो हम बस बेस बना रहे थे। प्रायर टू दिस वी वर डिस्कसिंग इन जनरल।
वॉट इज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर? इनिशियल प्रेशर से जो ज्यादा प्रेशर था उसको हमने बोला एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना था सब में? जीरो, सेम लेवल पे आ रही थी वैल्यू। तो इनिशियल प्रेशर से जो ज्यादा प्रेशर निकल गया है उसे बोला एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। नाम में लिखा होता सब कुछ, पोर वाटर प्रेशर मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक्सेस का मतलब इनिशियल से ज्यादा। मुझे बताओ पहले चैम्बर के मिड पॉइंट पे कितना प्रेशर था? पहले चैम्बर के मिड पॉइंट पे प्रेशर था HW1, दूसरे चैम्बर के मिड पॉइंट पे कितना प्रेशर था HW2, तीसरे चैम्बर के मिड पॉइंट पे कितना प्रेशर था HW3। तो इनिशियल पोर वाटर प्रेशर से ज्यादा जो भी प्रेशर आ गया उसे क्या बोलेंगे? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, इन सारी लाइनों को बोला जाता है आइसोक्रोन्स। इन सारी लाइनों को बोला जाता है आइसोक्रोन्स। अब ये क्या है लाइन है? अ कर्व आर कर्व जॉइनिंग द लेवल ऑफ द वाटर इन द डिफरेंट पीजोमीटर एट अ गिवन टाइम। सेम टाइम पे अलग अलग पीजोमीटर पे पानी के लेवल को जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं आइसोक्रोन्स। सो अ कर्व जॉइनिंग लेवल ऑफ द वाटर इन डिफरेंट पीजोमीटर्स एट अ गिवन टाइम इज टर्म्ड एज आइसोक्रोन्स। सर पोर वाटर प्रेशर होने के बाद जीरो होने के बाद सेकेंडरी, हाँ पोर वाटर प्रेशर जीरो होने के बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो कितने टाइम बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है? देवाशीष योर स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कितने टाइम बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी? इनफाइनाइट टाइम बाद। हैविंग सम वाटर लेवल इन पीजोमीटर। क्लियर है पूरी कहानी? इसका मतलब पहले लेक्चर में तो हम कहां तक पहुंचे हैं कि कंसोलिडेशन क्या होती है। सो अप टिल नाउ वी हैव सिंपली डिस्कस व्हाट इज कंसोलिडेशन। वीक में ऐसे दो मैराथन लगा दीजिए सॉइल की। हाँ सब कुछ ही करा दूं, वीक में दो मैराथन सॉइल की भी लगा दूं, फिर एनवायरनमेंट भी करा दूं रोज है, फिर सैटरडे संडे बीएमसी भी करा दूं, फिर मैं जो प्लस पे है प्लस पे रोज 4 घंटे वहां पे भी पढ़ा दूं। मैं तो बैटरी पे चलता हूँ, इंसान थोड़ी हूँ, मेरे बैटरी लगी हुई है मेरे। तो क्लियर है पूरी कहानी? चलिए, सो वी आर डन विद टुडेस क्लास। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास एनवायरमेंट कल या परसों से ला दूंगा, शेड्यूल शेयर तो कर देता हूं मैं, जो भी शेड्यूल होता है आई विल शेयर इट। जो भी एनवायरमेंट की क्लास होगी कल या परसों में शेड्यूल दे दूंगा आपको। आई शेयर द शेड्यूल इन द क्लास। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।